ओके सर, यार इनकम फ्रॉम बिजनेस की थियरी में अपना ये पार्ट वन हो चुका है, पार्ट टू हो चुका है, पार्ट थ्री हो चुका है सेक्शन 28 एंड 41। उसके बाद फोर्थ पार्ट क्या है, सेक्शन 44 वाले सब सेक्शंस। ओके, अब देखो सेक्शन 44 में क्या है, लुक हियर। ओके, सबसे पहले आता है सेक्शन 44AA। दिस इज अबाउट कंपल्सरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब इस सेक्शन में क्या पढ़ना है कि किसको बुक्स मेंटेन करना है, किसको बुक्स मेंटेन नहीं करना है, और करना है तो किस टाइप का बुक्स मेंटेन करना है। ओके, तो सी हियर, सबसे पहले बुक्स मेंटेन करने का डिसीजन के लिए पहले चेक करना पड़ता है कि असेसी प्रोफेशनल है कि कोई और असेसी है। ओके, और अगर प्रोफेशनल हुआ ना तो बुक्स तो मेंटेन करना ही है, खाली डिसाइड ये करना है कि कैसी बुक्स मेंटेन करें। बट प्रोफेशनल लोग को बुक्स ना मेंटेन करो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वंस यू आर अ प्रोफेशनल, बुक्स मेंटेन करना ही पड़ता है। लेकिन डिसीजन क्या लेना है कि किस तरह की बुक्स मेंटेन करें, उसके लिए देखो एक कंडीशन है। एक कंडीशन ऐसी है ना जो क्या है बताऊंगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना देन दे हैव टू मेंटेन स्पेसिफाइड बुक्स, और वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई देन दे कैन मेंटेन एनी बुक्स, बट बुक्स मेंटेन करना ही पड़ेगा। लेकिन इफ़ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, इफ़ यू आर सम अदर पर्सन, मतलब तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारा प्रोफेशन नहीं है, तो फिर तुमको बुक्स मेंटेन करनी पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। मतलब इन लोगों को तो ये डिसाइड करना बुक्स मेंटेन करूँ कि ना करूँ। ओके, और वो डिसाइड करने के लिए अगेन एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है बताऊँगा। वो कंडीशन फुलफिल हुई तो बुक्स मेंटेन करो, और कैसे बुक्स मेंटेन करो, कुछ भी करो बट करो। और अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो बुक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो उसी पहले तो दिमाग में चार्ट का ढांचा फिट कर देना चाहिए, और इतना पक्का है कि प्रोफेशनल को बुक्स तो मेंटेन करना ही है। ओके, नाउ सी, प्रोफेशनल लोग के लिए कंडीशन है, लुक व्हाट इज दैट कंडीशन। अगर पिछले तीनों साल का ग्रॉस रिसीट्स, पिछले तीनों साल का ग्रॉस रिसीट्स लगातार 150,000 से ज़्यादा है तीनों साल, ऐसा भी नहीं कि एनी वन ईयर, ऑल थ्री ईयर्स द ग्रॉस रिसीट शुड बी मोर देन 150,000। और ग्रॉस रिसीट्स का मतलब क्या है, मतलब खर्चा वर्चा कट किए बगैर जो टोटल कलेक्शन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर हूँ, प्रोफेशनल है ना ये, तो अगर मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर को मरीजों से जो भी फीस मिली ग्रॉस अमाउंट खर्चा कट किए बगैर, वो अगर मोर देन 150,000 हुआ तीनों साल लगातार, वो भी कौन से तीनों साल, अपना ये साल को छोड़ के प्रिसीडिंग थ्री ईयर्स, तो उसको स्पेशल बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। ये देखो, ये तीनों साल का मोर देन 150,000 होना मतलब कंडीशन फुलफिल हो गया, ये देखो टिक किया ना, और कंडीशन फुलफिल हुआ तो दे हैव टू मेंटेन स्पेसिफाइड बुक्स। लेकिन सी, अगर ये तीनों साल का ग्रॉस रिसीट 150,000 क्रॉस नहीं हो रहा है तो भी उनको बुक्स तो मेंटेन करना ही है, बट बाद में इन लोग कैसी भी बुक्स मेंटेन करेंगे चलेगा। ओके, तो सी, स्पेसिफाइड बुक्स के लिए तीनों साल लगातार मोर देन 150,000 होना चाहिए ना। सो नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज स्पेसिफाइड बुक्स। तो सी, स्पेसिफाइड बुक्स का मतलब ये देखो, इसकी लिस्ट, एक ये लिस्ट दिख रही है, इस लिस्ट में क्या क्या है, कैश बुक, जर्नल, लेजर, फिर खर्चों का ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल ओसी लिखा ना, ओसी मतलब ओरिजिनल कॉपी ऑफ द बिल, कौन से बिल, खर्चों वाले, और इनकम के बिल का कार्बन कॉपी, सीसी मतलब कार्बन कॉपी, मतलब इनकम वाले बिल का कार्बन कॉपी, खर्चों वाले बिल का ओरिजिनल कॉपी। फिर ये देखो दो और चीज़ है, सोमर एंड डकर, सोमर एंड डकर मेरा शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म बता दो क्या है। सोमर मतलब स्टॉक ऑफ मेडिसिन रजिस्टर, और डकर मतलब डेली केस रजिस्टर। ये डॉक्टर लोग को ही मेंटेन करना है, ये डॉक्टर लोग की खास दो स्पेशल बुक्स है, सोमर एंड डकर, स्टॉक ऑफ मेडिसिन रजिस्टर, डेली केस रजिस्टर। सी, स्टॉक ऑफ मेडिसिन रजिस्टर तो समझता है, ये क्या होता है, डेली केस रजिस्टर, केस का मतलब पेशेंट। डॉक्टर अगर दिन में 10 पेशेंट को देखता है तो उसका डेली हिसाब रखना पड़ेगा, एवरी पेशेंट इज लाइक वन केस, तो उसको डे टू डे बेसिस पे कितने पेशेंट्स को चेक कर रहा है, उससे कितनी फीस मिल रही है, उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। ओके, तो दीज आर द स्पेसिफाइड बुक्स अ प्रोफेशनल हैज टू मेंटेन इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो भी बुक्स तो मेंटेन करनी है, लेकिन फिर कैसी भी बुक्स मेंटेन करेगा चलेगा, मतलब डायरी में हिसाब किताब लिख दिया तो भी चलता है, ऐसा कुछ मेंटेन करो जिससे गवर्नमेंट को तुम्हारी इनकम कंप्यूट करने में आसानी हो।
बट ए कैश बुक जर्नल लेजर ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है. ओके बट सी ये प्रोफेशनल लोग के लिए ना. अब प्रोफेशनल का मतलब क्या है तो सी प्रोफेशनल का भी डेफिनेशन स्क्रीन पर देखना दिखेगा भैया. प्रोफेशनल मतलब मेल फिट कंपनी, ये कीवर्ड है. इन लोग को प्रोफेशनल बोलते हैं. गेस वर्ड गेस करो फुल फॉर्म. मेल में एम क्या होगा, मेडिकल प्रोफेशन. ए फॉर अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आ गया, कॉस्ट अकाउंटेंट भी आ गया, अकाउंटेंसी. एक और ए है आर्किटेक्चर. एल फॉर लीगल, लॉयर लोग होते लॉयर. फिर इंजीनियरिंग, फिल्म आर्टिस्ट, इंटीरियर डेकोरेशन, टेक्निकल कंसल्टेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, अदर्स नोटिफाइड बाय सीबीडीटी. सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. तो क्या क्या था फटाफट देखो, मेडिकल, अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर, लीगल, इंजीनियरिंग, फिल्म आर्टिस्ट, इंटीरियर डेकोरेशन, टेक्निकल कंसल्टेंसी, कंपनी सेक्रेटरीज एंड अदर्स नोटिफाइड बाय सीबीडीटी. इन लोग के लिए ये कंडीशन देख के डिसीजन लेना होता है. ओके दैट मीन्स ही अगर कोई बंदा मेल फिट कंपनी नहीं है, मतलब ही इज नॉट अ प्रोफेशनल, अगर कोई अदर पर्सन है तो इन लोग का तो बुक्स मेंटेन करे कि नहीं करे वही डाउटफुल है. बट दैट डिपेंड्स अपॉन अ कंडीशन. अगेन देखो इन लोग की कंडीशन कैसी है. देखो लुक, इन लोग की कंडीशन थोड़ी अजीब है. ये देखना एक सेकेंड. इन लोग का ऐसा है ना, या तो पिछले 3 साल में से किसी एक साल का सेल्स मोर देन 10 लाख होना चाहिए. किसी भी एक साल का, किसी एक साल में भी सेल्स 10 लाख के ऊपर क्रॉस हो गए ना, डैट मीन्स गवर्नमेंट बोले भाई तू बड़ा हो रहा है अभी, और बड़ा होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझ और बुक्स मेंटेन कर. और बड़ा होने का क्राइटेरिया क्या है, किसी एक साल का भी सेल्स मोर देन 10 लाख होना चाहिए. और सी सेल्स अगर 10 लाख क्रॉस नहीं हुआ तो भी चलता है. एक और क्राइटेरिया है, तुम्हारी इनकम फ्रॉम बिजनेस मोर देन 1,20,000 होनी चाहिए. और पता है इनकम फ्रॉम बिजनेस मतलब एक तरह से नेट प्रॉफिट हो गया. मतलब ऐसा सोचो ना, या तो नेट प्रॉफिट बड़ा हो या सेल्स. बट नेट प्रॉफिट मैं बोल तो दिया इसको, लेकिन नेट प्रॉफिट नॉट एज पर अकाउंट्स, एज पर इनकम टैक्स. बेस्ट पता है फाइनल अकाउंट्स का सीन इमेजिन करो. फाइनल अकाउंट्स पे एकदम टॉप में जो सेल्स आता है ना, सेल्स या तो सेल्स 10 लाख के ऊपर होने चाहिए, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एंड में लास्ट में आता है नेट प्रॉफिट, वो 1,20,000 के ऊपर होना चाहिए. और नेट प्रॉफिट मतलब एज पर इनकम टैक्स. दोनों में से कोई भी क्रॉस हुआ ना, और 3 में से किसी भी 1 साल में क्रॉस हुआ ना, तब गवर्नमेंट बोलेगी भाई तेरे को बुक्स तो मेंटेन करना पड़ेगा. और पता है इनको बुक्स मेंटेन कब नहीं करना पड़ेगा, ना तो उसकी सेल्स कभी क्रॉस हुई 10 लाख, ना उसका नेट प्रॉफिट इनकम फ्रॉम बिजनेस 1,20,000 क्रॉस हुआ. हमेशा उसके फिगर छोटे 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 रहे तीनों साल में. तो उसको बोलेंगे तू तो बच्चा है, और बच्चों से बुक्स मेंटेन करवाने का हमको कोई शौक नहीं है. ओके बेस्ट पता हो इसको कैसे याद रखना चाहिए. पिछले 3 साल में से ये जो 6 फिगर दिख रहे ना, 6 स्क्रीन पर देखो, इन 6 में से 1 फिगर भी बड़ा हुआ ना, बस बुक्स मेंटेन करना है. मीन्स अपने दिमाग में 6 फिगर होने. 6 समझा क्यों, 3 तो सेल्स के फिगर हो गए पिछले 3 साल के, और 3 नेट प्रॉफिट के फिगर हो गए. इन 6 में से कोई 1 फिगर भी बड़ा हो गया ना तो ही बुक्स मेंटेन करना है. लेकिन 6 के 6 फिगर छोटे हैं तो बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. और करना भी है तो कैसा भी बुक्स मेंटेन करो, ऐसा नहीं कि कैश बुक, जर्नल, लेजर, वैसा एनी बुक्स एज असेट्स ही वॉन्ट्स, बट ऐसी बुक्स हो जिससे इनकम टैक्स वालों को तुम्हारी इनकम कंप्यूट करने में आसानी हो. लेकिन सी ये जो 10 लाख और 1,20,000 हमने याद किया ना, ये किसके लिए मालूम है, नॉन इंडिविजुअल, नॉन HUF के लिए. मतलब अगर तुम इंडिविजुअल नहीं हो, HUF नहीं हो, तो ऐसा वाला अमाउंट है 10 लाख और 1,20,000. दैट मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल या HUF को डिसीजन लेना है ना, तो ये 10 लाख के जगह पे 25 लाख है. और इनकम फ्रॉम बिजनेस यानी कि नेट प्रॉफिट 1,20,000 के जगह पे 2,50,000 है. मतलब वो कब, अगर इंडिविजुअल HUF हुआ तो. क्योंकि सी इंडिविजुअल HUF लोग बच्चे होते नहीं, देखो लिखा है इधर, इंडिविजुअल HUF लोग छोटे लोग होते हैं ना, एंड छोटे लोग को गवर्नमेंट अवॉइड करती है कि उनको बुक्स का मगजमारी देखने देने के लिए. इसलिए उनको क्या बोला है, तुम लोग तो 25 लाख तक भी टेंशन मत लो. अरे बाकी लोग को तो अगर 10 लाख की सेल क्रॉस हुई बुक्स मेंटेन कर,
लेकिन इंडिविजुअल लोग क्या छोटे छोटे लोग होते हैं ना, सोल प्रोप्राइटर, HUF, तो उनको गवर्नमेंट ने कॉम्प्लायंस बर्डन नहीं देना, बर्डन है ना बुक्स मेंटेन करना, वो गवर्नमेंट ने बोला चलो मत मेंटेन करो। बट हाँ, एक बार 25 लाख की सेल्स क्रॉस हो गई पिछले 3 में से कोई भी एक साल, या फिर नेट प्रॉफिट 2,50,000 के ऊपर हो गया किसी भी एक साल में, नेट प्रॉफिट मतलब टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, और ये इनकम फ्रॉम बिजनेस मतलब एक्चुअली देखो ये वाला फिगर है, ये देखो ये फिगर होता ना, दिस फिगर इन एनी वन ऑफ द प्रीसीडिंग 3 इयर्स शुड बी मोर देन 1,20,000, और वही इंडिविजुअल एचयूएफ हुआ तो 2,50,000। ओके, फिर ये देखो, अगर ये बुक्स मेंटेन करने के रूल को तुम फॉलो नहीं करोगे ना, 25,000 की पेनल्टी लगती है अंडर सेक्शन 271A, 25,000 का पेनल्टी लगता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की थियरी। अब ये क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड थियरी क्वेश्चन की तरह एग्जाम में आ सकता है। ओके, अब देखो अगला सेक्शन, ये 44AA था ना, नेक्स्ट सेक्शन है 44AB, दिस इज अबाउट ऑडिट, किसको ऑडिट करना पड़ता है। अभी तो बुक्स मेंटेन कर रहे थे ना, अभी बुक्स को चेक करवाना, ऑडिट करवाना वो भी कंपलसरी होता है, लेकिन उसके लिए देखो रूल क्या है, अगर तुम प्रोफेशनल हो तो तुम्हारा ग्रॉस रिसीट्स मोर देन 50 लाख होना चाहिए। ओनली इफ योर ग्रॉस रिसीट्स इज मोर देन 50 लाख तो ही बुक्स ऑडिट करवाना है। ओके, मतलब देखा, प्रोफेशनल लोग के लिए बुक्स मेंटेन करूँ के ना करूँ उसके लिए 1,50,000 था, वो तो तीनों प्रीसीडिंग ईयर में ग्रेटर होगा। तो खैर उससे तो हमने डिसाइड किया था कि स्पेसिफाइड बुक्स मेंटेन करने की एनी बुक्स, बट वो बुक्स मेंटेन करने के लिए था, अभी हम लोग ऑडिट का डिसीजन ले रहे हैं, और ऑडिट के लिए प्रीसीडिंग एक साल दो साल नहीं, करंट ईयर ही देखना है, मतलब जिस ईयर के बुक्स को ऑडिट करना है, डिसीजन लेना है, उसी ईयर का रिसीट्स देखना है। इफ दैट इज मोर देन 50 लाख तो बुक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ओके, और अगर इफ यू आर नॉट प्रोफेशनल तो अपने को करंट ईयर की सेल देखनी है, अगर वो 1 करोड़ क्रॉस हो गई तो ऑडिट करना पड़ेगा। लेकिन सी, ये 1 करोड़ के बदले ना कोई कोई लोग के लिए 10 करोड़ से डिसाइड करना पड़ता है, मतलब कोई कोई लोग को तो ऐसा है ना, 10 करोड़ तक भी हुआ ना सेल तो भी ऑडिट की जरूरत नहीं है, 10 करोड़ क्रॉस हुआ तब ऑडिट की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कब मालूम है, जिसका पूरा चेक में ही धंधा होता है, पूरा चेक में धंधा होता है मतलब एटलीस्ट 95% ऑफ योर रिसीट्स, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 95% ऑफ योर रिसीट्स इज बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट और ECS, प्लस एटलीस्ट 95% ऑफ योर पेमेंट्स ऑल्सो शुड बी मेड बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट या ECS। मतलब सोचो ना, जिसके धंधे में रिसीव भी सब चेक में होता है, पेमेंट भी सब चेक में होता है, उसके धंधे में तो पूरी ट्रांसपेरेंसी है, कुछ झोलझाल नहीं हो सकता है, तो ऐसे लोग पे तो गवर्नमेंट को वैसे ही ट्रस्ट आ गया। और ऑडिट भी हम क्यों करवा रहे हैं, चेक करने के लिए, चेक कब करते हैं जब डाउट होता है, और इन पे तो डाउट ही कम हो रहा है, इसका धंधा ही पूरा चेक में हो रहा है। सी, चेक में हो रहा मतलब लिटरली चेक नहीं, अकाउंट पे ही चेक ड्राफ्ट या ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, यानी कि ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन हो गया, जीपे पेटीएम सब आ गया। ओके, ये देखो इधर लिखा हुआ है कि अगर अपनी 95% और मोर ऑफ द रिसीट्स प्लस 95% और मोर ऑफ द पेमेंट्स, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, रिसीट्स भी पेमेंट्स भी, ये अगर चेक ड्राफ्ट ECS में है तो 10 करोड़ तक भी ऑडिट की जरूरत नहीं है, और 10 करोड़ के ऊपर हो तो ऑडिट करना पड़ेगा, और ऑडिट कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, तो ये ऑडिट के लिए सेक्शन था 44AB, और पता है ऑडिट नहीं करते ना तो इसकी पेनल्टी है, लुक 0.5% ऑफ सेल्स, 0.5% ऑफ सेल्स और 1,50,000 विच एवर इज लेस, अगर तुमने ऑडिट जैसा गवर्नमेंट बोल रही नहीं किया तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ये देखो पेनल्टी का सेक्शन है 271B, कितनी लगेगी, 0.5% ऑफ जरा जितना भी सेल्स है, सेल्स का 0.5% और 1,50,000 विच इज लेस, इतनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ओके, और पेनल्टी SSC को भरना है, ऑडिट कौन करेगा, CSA, तो अगर CSA ऑडिट नहीं करवाओगे तो SSC को ये खर्चा करना पड़ेगा पेनल्टी का। ओके, तो ये 44AB था कंपलसरी ऑडिट। नाउ लुक हियर, इसके बाद अगला सेक्शन देखो 44AE, दिस इज अबाउट प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस। सी,
ट्रांसपोर्ट बिजनेस में ये देखो स्क्रीन पर, अगर तुम्हारे पास 10 जितनी ट्रक है, ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट बिजनेस मतलब गुड्स को यहाँ वहाँ हम लोग ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का धंधा, इन लोग के बिजनेस में अगर तुम्हारे पास 10 या कम ट्रक है, 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो सुन वो स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस बनाने का जरूरत नहीं है। इन लोग का इनकम शॉर्टकट से कैलकुलेट होता है, और शॉर्टकट क्या मालूम है, 7,000 पर मंथ पर व्हीकल, ये इनकी इनकम हो गई, डायरेक्टली उनका नेट प्रॉफिट हो गया। मतलब गवर्नमेंट प्रिज्यूम कर रही है, प्रिज्यूम करना मतलब अज्यूम करना, क्या अज्यूम कर रही है कि तेरे धंधे में नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है ये, नेट मतलब सब खर्चा वर्चा काट के तुझे महीने का 7,000 पर मंथ आ रहा है एक ट्रक से, ऐसा गवर्नमेंट अज्यूम कर रही है। और अगर तू ये बात गवर्नमेंट की मान लेगा ना, तो तुझे बुक्स भी मेंटेन नहीं करना है, ऑडिट भी नहीं करना है। बेसिकली पता है ये सिस्टम गवर्नमेंट ने क्यों चालू किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा छोटे छोटे धंधे में मगजमारी इतनी होती है, और उसमें बुक्स भी मेंटेन करो, ऑडिट भी करो, लोगों का काम बढ़ जाता है, तो लोगों को बुक्स और ऑडिट के जंजाल से मुक्त करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि चलो एक काम करते, तुम्हारा बुक्स और ऑडिट के कामकाज से तुमको फ्री कर देंगे, लेकिन हमारी बात माननी पड़ेगी। और हमारी बात ये कि हम प्रिज्यूम कर रहे कि तेरी इनकम 7,500 पर मंथ पर व्हीकल है, और अगर ये तू बात मान लेगा तो इनकम को लेके आपस में हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर बाद में हमको बुक्स क्यों चाहिए, ऑडिट भी क्यों चाहिए, बुक्स तो हम क्यों मेंटेन करवाते, ऑडिट तो हम क्यों करवाते, क्योंकि हमको तेरी इनकम चेक करनी है। लेकिन अगर इनकम को लेके हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया, तो हमको भी बुक्स क्यों चाहिए, हमको भी ऑडिट क्यों चाहिए, हम लोग को भी नहीं चाहिए, तू भी फ्री हो गया। लेकिन अगर तू नाटक करेगा, नहीं नहीं मेरी इनकम 7,500 हो ही नहीं सकती है, मेरी तो इनकम और भी कम है, और भी कम है, हाँ तो फिर अगर तेरे को लगता है तेरी इनकम कम है, कम दिखा, बाद में तेरे को बुक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट भी करना पड़ेगा। और बेसिकली पता है 7,500 कुछ भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट के धंधे में ना असली में तो इनकम जोरदार आती है, फिर भी गवर्नमेंट ने बोला चल ना हमको एक्चुअली कितना इनकम है नहीं देखने का है, 7,500 जितना इनकम भी दिखा दिया ना, वेट 7,500 पूरे साल का नहीं है, पर मंथ है, और वो भी एक व्हीकल से, अगर उसके 4-5 व्हीकल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर जो भी है गवर्नमेंट ने बहुत ही कमती अमाउंट बताया है, इतना अमाउंट तो कोई भी खुशी खुशी दिखा देना चाहिए। लेकिन कोई कोई लोग के नखरे होते, नहीं मेरी इनकम इतनी नहीं है, मेरी तो और भी कम है, और भी कम है, तो दिखाओ कम, लेकिन कमती दिखाना है तो बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा। लेकिन सी ये 7,500 पर मंथ पर व्हीकल है ना, अगर तुम्हारी ट्रक हैवी नहीं है, तो अगर तू हैवी ट्रक से धंधा कर रहा है, बड़ी बड़ी ट्रक्स, हैवी ट्रक मतलब जिसका वजन 12 टन से ज़्यादा है, 12 टन मतलब 12,000 किलो होता है, 12 टन बोलो कि 12,000 किलोग्राम बोलो, एक ही बात होता है, लेकिन मैं टन्स में बात करूँ, चलो अगर तुम्हारी ट्रक का वजन 12 टन से ज़्यादा है, मतलब हैवी ट्रक है, तो फिर 7,500 वाला सिस्टम नहीं है, फिर ये देखो 1,000 पर टन पर मंथ पर व्हीकल, 3 पर लग जाएंगे, पर टन पर मंथ पर व्हीकल, लेकिन पर टन में कितना टन लेंगे, वो तो व्हीकल का वजन देखना है। कोई बोले हमारे पास तो 18 टन की ट्रक है, 18 टन तो एक टन के पीछे 1,000 है, तो 18 टन का 18,000 फिर इंटू महीने तो 12 ही लेते हैं ना, है ना, और व्हीकल डिपेंड करता कितनी है, दो व्हीकल ऐसे है तो इंटू दो कर देंगे, तो पर टन डिपेंड्स अपॉन ट्रक कितने टन्स का है, बट 1,000 पर टन हो जाएगा पर मंथ पर व्हीकल। और अगर ये कब जगह 12 टन से ज़्यादा वजन वाली ट्रक हुई तो, लेकिन अगर ट्रक का वजन 12 है या कम है तो टन वन मत देखना, फिर तो 7,500 पर मंथ पर व्हीकल, फिर पर मंथ और पर व्हीकल है, टन वन नहीं देखने का। ये देखो इधर मैं लिख के रखा, लुक हियर, 7,500 पर मंथ पर व्हीकल, और अगर हैवी ट्रक्स हुआ तो 1,000 पर टन पर मंथ पर व्हीकल, ओके। और ये है ना, अगर तेरे पास 10 जितनी ट्रक है तो, 10 से ज्यादा ट्रक होती है ना, तो तुमको बकायदा वो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। ये देखो अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस का स्टेटमेंट होता है ना, ऊपर सब इनकम लिखी 28-41 वाली, फिर डिडक्शन माइनस किया,
फिर प्रॉपर स्टेटमेंट बनाना पड़ता है डिटेल्ड, वो सेक्शनों से हरा भरा स्टेटमेंट था ना वो कब, अगर 10 से ज़्यादा ट्रक है तो 10 तक है तो अपने को स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी इनकम कंप्यूट हो जाएगी। अब देखो इधर मैंने क्या लिखा, लुक हियर, अगर ये वाला अमाउंट जो गवर्नमेंट ने बताया है अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो नो बुक्स नो ऑडिट, और अगर तुमको इससे ज़्यादा इनकम दिखानी है तो गवर्नमेंट बोले मोस्ट वेलकम, ज़्यादा इनकम कोई दिखा रहा तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, टैक्स ज़्यादा ही भरेगा, तो भी नो बुक्स नो ऑडिट। लेकिन अगर कोई पंगा ले रहा है, पंगा ले रहा है मतलब बोल रहा है नहीं मेरी इनकम तो ये 7,500 वाले अमाउंट से भी कम है, तो ठीक है कम दिखा, लेकिन कमती दिखाना है तो बुक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट भी करना पड़ेगा। अब ऐसे में असेसी क्या बोलेगा, बुक्स क्यों मेंटेन करूँ, ऑडिट क्यों करूँ, मैं वो वाले सेक्शन के हिसाब से तो नो बुक्स में आता हूँ। वो वाला सेक्शन मतलब ये देखो बुक्स वाले सेक्शन में था ना इधर, वो ट्रांसपोर्टर बोल सकता नहीं मेरा तो बुक्स वाले सेक्शन में, मैं नो बुक्स में फॉल कर रहा हूँ, और ऑडिट वाले सेक्शन में भी मेरा 1 करोड़ नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट बोले भाड़ में गए वो सेक्शन, कौन से 44AA बुक्स वाला, 44AB ऑडिट वाला, भाड़ में गए वो सेक्शन, तुझे अगर कमती दिखाना है ना तो बुक्स मेंटेन करना ही पड़ेगा, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन 44AA एंड AB। मतलब वहां क्या लेकर हमको पड़ी नहीं है, क्योंकि तू कम दिखा रहा हमको हजम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि तेरी इनकम इतनी इससे कम क्या हो सकती है, हमने ऑलरेडी 7,500 कम बोले, उससे भी कम हमको हजम ही नहीं हो रही बात, लेकिन क्या करे तेरे से बहस नहीं करनी है, बट तेरे को बुक्स भी मेंटेन करना ऑडिट भी करना पड़ेगा। ओके टेल मी इन लोग का क्या है, 10 से ज्यादा ट्रक है तो इनको तो स्टेटमेंट बनाना, और इन लोग की बुक्स एंड ऑडिट का क्या है, इन लोग का बुक्स एंड ऑडिट देखो क्या लिखा, डिपेंडिंग अपॉन 44AA जो पिछले सेक्शन में पढ़ा था ना कि 44AA की कंडीशन के हिसाब से बुक्स आती तो मेंटेन कर, और ऑडिट करना आ रहा है 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है तो ऑडिट कर, मतलब डिपेंडिंग अपॉन प्रीवियस सेक्शन जो मैंने पढ़ाए थे। बट इन लोग का क्या था, इन लोग का तो अगर तूने स्वीकार लिया ये अमाउंट तो बुक्स ऑडिट की जरूरत ही नहीं है, कम दिखाना है तो बुक्स ऑडिट मेंटेन करना है, नॉट डिपेंडिंग अपॉन वो वाले सेक्शन, वो सेक्शन का भाड़ में बुक्स मेंटेन करना ही, ऑडिट भी करना है। ओके ये चार्ट में सब आ गया, लेकिन एक चीज ये देखा, ये ओन्स लिखा है, मतलब है ना प्रिजम्प्टिव वाला ये बेनिफिट चाहिए ना तो ट्रक की ओनरशिप देखनी पड़ती है। अगर क्वेश्चन में दिया ना वो 12 ट्रक से धंधा कर रहा है, लेकिन 12 ट्रक में से 3 तो भाड़े की है, तो भाड़े की 3 है तो ओनरशिप वाली तो 9 है ना, तो 9 मतलब 10 से कम है तो उसको प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन मिलेगा। अरे प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन बेनिफिशियल है, इसमें इतनी सी इनकम दिखानी, टैक्स भी कम है, और बुक्स ऑडिट मेंटेन करने का मगजमारी भी नहीं है। ओके बट ओनरशिप बेसिस पे देखना है कि 10 जितनी ट्रक है कि नहीं। ओके ये वाला एग्जांपल ट्राई करो, लुक मेरे पास 6 ट्रक थी एज ऑन 1st April 2023। एक सेकंड पहले, इसके पहले एक चीज थी, अपना ये जो अमाउंट कैलकुलेट हो गया ना फाइनल नेट प्रॉफिट है फाइनल, इसमें कुछ भी खर्चा माइनस से करने मिलता। कोई बोले खर्चों का डिडक्शन क्या, अरे नेट है, नेट प्रॉफिट मतलब नेट मतलब नेट, अभी कुछ माइनस से करने मिलेगा, लेकिन एक चीज माइनस करने मिलती है, इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, ये चीज का डिडक्शन मिलेगा, और कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन टू पार्टनर्स का डिडक्शन मिलता है। क्योंकि वैसे भी पता है फाइनल अकाउंट्स में ना ये दोनों चीज PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है, अगर पार्टनरशिप अकाउंट याद होगा तो। सी बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि तेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला खर्चा सब नेट हो गया है, 7,500 में तेरे PNL वाले सब खर्चे नेट हो गए। हाँ लेकिन ये जो है ना पार्टनर को जो देते वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, तो वो अप्रोप्रिएशन आइटम है, वो तो नेट प्रॉफिट कमाने के बाद पार्टनर लोग को इंटरेस्ट विंटरेस्ट देते हैं ना, तो उसका डिडक्शन मिलेगा, बट और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके तो याद रखना, बाय चांस पार्टनर का इंटरेस्ट पार्टनर का रेमुनरेशन दिया है ना, तो अपने जो 7,500 वाली अमाउंट निकालते उसमें से लेस कर देना, और कोई खर्चा लेस करना अलाउड नहीं है। ओके फिर ये देखो ये वाला ट्राई करो, मेरे पास 6 ट्रक है, 6 में से मैंने 1 बेच दी, कभी बेची, 27 जून को बेची, और 5 अभी भी पड़ी है,
अरे 6 ट्रक का ब्रेकअप है, एक बेची पांच पड़ी है, एक बेची पांच पड़ी है, फिर दो और ट्रक मैंने खरीदी 14 टन्स वाले, कभी खरीदी 4 अक्टूबर को। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा भरोसा नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ। पहले ये 5 ट्रक का देखो, ये 5 ट्रक तो शुरुआत में थी, एंड तक पड़ी थी, मतलब इन 5 ट्रकों का इस्तेमाल पूरे 12 महीने हुआ है, लेकिन ये ट्रक का वजन नहीं दिया है। ट्रक का वजन नहीं दिया हो ना तो 7500 के हिसाब से करो। ये देखो मैंने सॉल्व किया हुआ, देख लो क्या, चेक कर दिया हो, 7500 इंटू 12 महीना इंटू 5 व्हीकल, पर मंथ पर व्हीकल है ना, तो पर मंथ तो 12 महीना और व्हीकल 5 है तो 5, ये ठीक है समझा। हाँ फिर देखो नेक्स्ट, ये एक ट्रक है ना हमने 27 जून को बेची, तो सी कोई भी तारीख को बेचा ना, पार्ट ऑफ द मंथ इज फुल मंथ, इधर रूल है पार्ट ऑफ द मंथ इज फुल मंथ। तो अपने साथ ये ट्रक कब तक थी, अप्रैल में थी, मई में थी, अब जून में 2-3 तारीख भी था तो पूरा गिन लो, 1 जून को भी बेचा तो जून आ गया ना, पूरा जून गिनना है, तो अप्रैल मई जून 3 महीना हो गया, और इसका भी वजन नहीं दिया है ट्रक का, तो अपने को 7500 से करना। तो ये देखो मैंने क्या किया, चेक कर दिया, 7500 इंटू 3 मंथ्स लिया, क्योंकि ये ट्रक ने अपना साथ 3 महीना निभाया, और इंटू 1 व्हीकल, ओके। फिर दो नई ट्रक लिए ना, ये तो 14 टन वाली है भाई, 14 टन ईच, और 14 टन मतलब 12 टन से ज़्यादा है तो हैवी व्हीकल है, तो इधर 7500 वाला रूल नहीं चलेगा, 1000 पर मंथ पर टन, ओके, और पर व्हीकल, तीन तीन पर है, तो पहले 1000 पर टन है तो इंटू कितने टन्स, 14 टन्स, फिर पर मंथ है कितने मंथ्स लेंगे, हाँ वो देखना पड़ेगा। ये ट्रक मैंने 4 अक्टूबर को खरीदी है, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक इसको यूज़ किया है मैंने, तो गिनो, अक्टूबर को गिनना है, गिनेंगे पार्ट ऑफ द मंथ फुल मंथ, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 महीना हो गया, तो ये देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 1000 पर टन था तो इंटू 14 टन्स हो गया, फिर पर मंथ है तो इंटू 6 मंथ्स मैंने ऐसे गिने थे, और ऐसे कितनी व्हीकल है, 2 व्हीकल है ना, 2, ये देखो 2 लिखा था तो इंटू 2 कर दिया, तो ये आंसर आ गया। फिर इसका करना क्या है, अरे ये सब को ऐड करके क्या आता है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसका क्या करते, 5 वेट्स में शामिल करते, और 5 वेट्स का टोटल आके ग्रॉस टोटल इनकम आता है, फिर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, फिर टैक्स कैसे निकालते, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, गरीबों के लिए रीबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज, सब के लिए हेल्थ एंड एजुकेशन, लेकिन वो सब बाद में, ये अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस का आंसर आ गया। और देखा इधर कोई स्टेटमेंट वेटमेंट नहीं बनाया, अलग स्टाइल से है, दिस इज प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन। लेकिन सी ये 44AE चल रहा था ना, 44AE में ट्रांसपोर्टर लोग का प्रिजम्प्टिव है, तो अभी डाउट क्या गया सर ट्रांसपोर्टर लोग के लिए क्यों, तो सी बाकी लोग के लिए भी है, लेकिन बाकी लोग का सेक्शन अलग है, ट्रांसपोर्टर लोग का 44AE, बाकी लोग के लिए 44AD होता है, AD, और प्रोफेशनल लोग का तो अलग ही है 44ADA। तो सी टोटल 3 प्रिजम्प्टिव के सेक्शन है, ट्रांसपोर्टर का 44AE, दूसरे धंधों में AD, प्रोफेशनल्स का ADA, प्रोफेशनल मतलब मैंने बताया था ना आज मेल फिट कंपनी वाले लोग, तो सी अभी मैं प्रोफेशनल लोग का बता देता हूँ, ये देखो प्रोफेशनल लोग में ना सेक्शन क्या आता है, ADA, सी ये प्रोफेशनल का बता दिया, इसके बाद अगला सेक्शन आएगा ट्रांसपोर्ट के अलावा दूसरा धंधाज, दूसरे धंधेज का अलग सेक्शन है वो बाद में कराऊंगा, पहले प्रोफेशनल लोग का बता देता हूँ। सी ऐसा सिमिलर रूल जो मैंने बताया था ट्रांसपोर्टर का, सेम चीज प्रोफेशनल लोग के लिए भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज है। ये देखो ट्रांसपोर्टर का क्या था, अगर तेरे पास 10 जितने ट्रक है तो ही प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन होगा ना, इधर 10 नहीं, ग्रॉस रिसीट्स देखते, अगर तुम्हारी ग्रॉस रिसीट 50 लाख तक है तो ही तुमको प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। और प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन को बेनिफिट क्यों बोल रहा हूँ, अरे उसमें कुछ थोड़ी बहुत गवर्नमेंट जो बता रही इनकम उतना दिखाना है, और उतना दिखा दिया तो अपना गवर्नमेंट से कभी झगड़ा भी नहीं होगा ना, बुक्स ऑडिट मगजमारी होगी वो सब है ना, लेकिन कंडीशन क्या है, योर ग्रॉस रिसीट शुड बी अप टू 50 लाख, ओके, और अगर ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज़्यादा है ना तो प्रेजम्प्टिव नहीं, फिर तुमको एक्चुअल बेसिस पे पूरा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा ऐसा वाला, ये देखो है ना, एंड फिर बाद में बुक्स और ऑडिट वगैरह सब मेंटेन करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन बुक्स का सेक्शन क्या था, 44AA,
एंड ऑडिट के लिए 44 ए भी, बट ऐसा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा मोर देन 50 लैक्स से तो. लेकिन सी अप टू 50 लैक्स वालों के लिए क्या लो है, ऐसा स्टेटमेंट वेटमेंट बनाने का जरूरत नहीं है. डायरेक्टली ग्रॉस रिसीट्स का 50% उसको अज्यूम करते तेरा नेट प्रॉफिट है. मतलब गवर्नमेंट क्या मान रही है कि अगर तू डॉक्टर वकील चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो तुझे अपने क्लाइंट से 100 रुपया मिलता है ना, तो 100 में से 50 रुपया तेरा खर्च हो जाता है ऐसा मान रहे, और 50 खर्च हो गया तो तेरी जेब में नेट 50 आ रहा है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है. इसको बोलते हैं प्रिज्यूम कर रही गवर्नमेंट. और अगर ये बात तो हमारी स्वीकार लेगा तो मुख बुक्स मेंटेन नहीं करना है, ऑडिट नहीं करना है, और अपने बीच कभी झगड़ा भी नहीं होगा. ओके, तो ये देखो क्या इनकम दिखानी है, 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स. सी 50% अपना नेट प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस रिसीट्स तो क्या ग्रॉस है, डॉक्टर को मरीजों से जो मिला होगा फुल अमाउंट है, उसमें से 50% खर्चा मान लो तो बचा हुआ 50% मेरा नेट प्रॉफिट हो गया. और इधर भी वही बात है, देखो अगर ये बात तुम लोग स्वीकार लोगे तो नो बुक्स नो ऑडिट, और ज़्यादा भी दिखाओगे तो भी चलेगा, लेकिन कम दिखाना है तो तेरे को बुक्स भी मेंटेन करना पड़े, ऑडिट भी करना पड़ेगा. ये बोलेगा मैं तो 50 लाख से कम वाला हूँ, ऑडिट क्यों करूँ, प्रोफेशनलों को ऑडिट तो 50 लाख के ऊपर लगता है. लेकिन अभी गवर्नमेंट बोलेगी वो सब सेक्शन का बात मत कर, तूने कमती दिखाने का पंगा लिया है, कमती हो कैसे सकता तेरा इनकम, 50% जितना इनकम दिखा दे बस, उससे कमती हो ही नहीं सकता, हमको लगता ही नहीं हो सकता है, फिर भी तू बोल रहा है तो बुक्स भी मेंटेन कर ऑडिट भी कर. नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन 44AA और AB. तो ये था. लेकिन सुनो इसमें एक अमेंडमेंट आया, लुक एक अमेंडमेंट है कि अभी तक क्या था, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है सुनो, अभी तक क्या था 50 लैक्स तक हुआ तो ही प्रिजम्प्टिव मिलता था, लेकिन अगर किसी का ग्रॉस रिसीट 50 लैक्स के ऊपर है तो प्रिजम्प्टिव वाला बेनिफिट नहीं मिलता था ना. लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बोला चलो हम आपको 75 लैक्स हुआ तो भी देंगे. ये देखो अप टू 75 लैक्स वालों को भी प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा. लेकिन शर्त क्या है, तुम्हारे धंधे में जो रिसीट्स होती है ना रिसीट्स, वो चेक में होनी चाहिए, पेमेंट्स की हमें परवाह नहीं है. जो रिसीट्स हो रहा है, क्यों, रिसीट ही आखिर तेरी इनकम बन रही है ना, तो जो रिसीट्स हो रही है ना उसमें 95% और मोर शुड बी बाय अकाउंट पे ही चेक ड्राफ्ट और ECS. अगर ऐसा है तो तेरा 75 लैक्स तक भी ग्रॉस रिसीट्स है ना तो भी तेको प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा. ओके, और बेनिफिट ही है ना, प्रेजम्प्टिव में क्या अपने को ग्रॉस रिसीट्स का 50% दिखाना है, फिर बाद में बुक्स का झमेला नहीं, ऑडिट का झमेला नहीं, और इसका जो रिटर्न विटर्न भी फाइल करते हैं ना उसका फॉर्म भी बहुत सिंपल होता है. ओके, और बाद में गवर्नमेंट अपने पे ज़्यादा इंक्वायरी भी नहीं करते, सब अच्छा ही है. लेकिन अच्छा पहले तो खाली 50 लाख वालों को मिलता था ना, अभी 75 लैक्स तक वालों को भी मिलेगा. लेकिन कंडीशन है 75 लैक्स तक के लिए एलिजिबल होना है तो तेरा 95% और मोर ऑफ द रिसीट्स, पेमेंट्स मत देखना, खाली रिसीट्स देखना है, वो अगर अकाउंट पे ही चेक ड्राफ्ट ECS से तो तेको प्रेजम्प्टिव मिलेगा इवन इफ इट इज अप टू 75 लैक्स. बट हाँ 75 लैक्स से ऊपर वालों को तो प्रेजम्प्टिव मिलेगा ही नहीं. तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, तो ये 44AD हो गया. फिर सुनो अगला एक और पॉइंट है, देख लो इसका इतना रेलेवेंस नहीं है, ये खाली रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म के लिए नॉट बींग LLP. और अपने CA इंटर में तो वैसे भी इंडिविजुअल का ज़्यादा पूछते हैं, कंपनी पूछते भी नहीं है. तो ठीक है ये पॉइंट बता दिया, इसका इतना रेलेवेंस नहीं आएगा अपने को, फिर भी याद रखो दिस इज ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म बट नॉट LLP. तो ये 44AD हो गया. ओके, फिर देखना अगला सेक्शन 44AD किसके लिए मालूम है, ट्रांसपोर्टर को छोड़ के जो दूसरे धंधे होते हैं. अभी प्रोफेशनल को तो भूल जाओ, उसका तो अलग सेक्शन हो गया. अभी बिजनेस है वो भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस को छोड़ के अदर बिजनेस, इन लोग के लिए भी ऐसा ही कुछ है. लेकिन इन लोग के लिए रूल क्या है, अगर तुम्हारी सेल्स 2 करोड़ तक है सेल्स, तो ही तुमको प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन मिलेगा. और प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन एक फायदा है, लेकिन फायदा चाहिए तो छोटे लोग के लिए बना है. ये बेसिकली छोटे लोग के लिए गवर्नमेंट ने बताया है कि छोटे लोग के धंधे में मगजमारी बहुत होती है और उससे बुक्स और ऑडिट का झमेला होता है ना, इरिटेट होता है. और छोटा मतलब इधर अप टू 2 करोड़ वाला बंदा. ओके, तो टेल मी अगर 2 करोड़ से ज़्यादा कोई सेल्स लेके बैठा है, अरे तो उन लोग को पूरा ऐसा डिटेल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा और फिर उनको बुक्स ऑडिट वगैरह भी मेंटेन करना पड़ेगा,
डिपेंडिंग अपॉन जो आज मैंने स्टार्टिंग में सेक्शन बताए थे ना 44AA के हिसाब से, लेकिन इन लोग के लिए एकदम आसान हो जाएगा। और पता है इधर सिस्टम क्या है, इधर प्रिजम्प्टिव मतलब 8% ऑफ सेल्स, मीन्स गवर्नमेंट क्या अज्यूम कर रही है, अगर तू गुड्स बेचता है, एक गुड्स अगर 100 रुपये में बेचता है ना, तो 100 में से 92% तेरा खर्चा हो गया और 8 रुपया तेरा नेट जेब में आया प्रॉफिट। ये अजम्पशन है, प्रिजम्प्टिव मतलब प्रिज्यूम किया है। अब इसमें तेरे को बहस करना है ना, तो फिर बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, चुपचाप मान ले तो अच्छा है, और मानने में क्या तकलीफ है 8%। अरे धंधे में अच्छा मार्जिन होता है, लेकिन गवर्नमेंट तो बोलती तो 8% दिखा तो भी हम खुश है। मतलब 8% का मीनिंग क्या है कि अगर मैं प्रोडक्ट को 100 में बेचता हूँ तो 92% गवर्नमेंट अज्यूम करे मेरे खर्चे हो गए और 8 रुपया मेरे जेब में नेट प्रॉफिट आया। बस ये चीज़ तेरे को बतानी है। और उसमें भी कभी कभी तो 6% है, अगर तेरे धंधे में जो सेल्स होती है, सेल करके जो पैसा आता है ना, अरे माल बेचते तो पैसा आता है कस्टमर से, वो जो कस्टमर से पैसा आया वो चेक में आता है, चेक मतलब अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट या ECS, तो 8 छोड़ 6% लेने मिलेगा। और सी, कोई भी धंधे में ऐसा नहीं है कि पूरा चेक में होता है कि पूरा कैश में होता है, मिक्स्ड होता है। अरे जैसे आज मेरी जूते की दुकान है, आज जूते की दुकान में मैं जूते बेचता हूँ, कोई कस्टमर जूते खरीद के आता है कैश देता है, और कोई कस्टमर जीपे करता है, कोई ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है। अरे धंधे में तो मिक्स्ड होता है ना सब, तो लॉ ने कहा ठीक है अगर तेरे धंधे में सब मिक्स्ड है तो जो सेल्स का पैसा तुझे अकाउंट पे ही चेक ड्राफ्ट ECS में मिला था, उतनी सेल्स का 6%, और बाकी सेल्स जहाँ तुझे अकाउंट पे ही चेक ड्राफ्ट ECS नहीं मिला था उसका 8%। मतलब एक्चुअली ये दोनों परसेंटेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सी, मैंने दो बताई अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी धंधे में सिर्फ 8 हो, सिर्फ 6 हो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना बड़ा धंधा लेके बैठते हैं तो क्या कुछ सेल्स में कस्टमर रोकड़ा देके आता है, कुछ सेल्स में कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो वो हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये देखो, लुक, या 8% या 6% ऑफ सेल्स, ओके। और क्वेश्चन में बताएंगे जितनी सेल्स का चेक वेक में पैसा मिला 6 ले लेना, और जितने का कैश मिला उतना 8 ले लेना, फिर जो 6 आया 8 आया दोनों का ऐड करके फाइनल आंसर आएगा। मैं इसका एग्जांपल लेके बताऊंगा, लेकिन एक बार देख लो ना, अगर एक्सेप्ट कर लिया नो बुक्स नो ऑडिट, ज़्यादा डिक्लेयर किया तो नो बुक्स नो ऑडिट, कमती डिक्लेयर करना है तो भाई तू डिक्लेयर कर कमती इनकम, लेकिन बुक्स भी मेंटेन करना पड़े, ऑडिट भी करना पड़े, ओके। अब सुनो, ये 8 और 6% के लिए अच्छा एग्जाम्पल है। पहले वेट, मैंने कहा 6% अपने को कब मिलेगा, अगर हमने गुड्स बेचा है और उसका पैसा कस्टमर ने अपने को नहीं, 6% के लिए कैश नहीं, 6% चाहिए तो कब, अकाउंट पे ही चेक ड्राफ्ट या ECS से दिया है। लेकिन तकलीफ क्या होती है, बहुत और हम लोग गुड्स बेचते हैं ना उधार पे बेचते हैं, अब उधार पे बेचा है तो उसका तो पैसा ही नहीं आया, तो पता कैसे चलेगा कि अपने को सेल करके कैश मिला है कि चेक मिला है। अरे मैंने गुड्स कस्टमर को बेचे लेकिन क्रेडिट सेल से, और क्रेडिट सेल में तो पैसे ही नहीं आए, तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि वो चेक है कि कैश है। तो इसके लिए लॉ ने क्या बोला है, हम एक काम करेंगे, तुमने उधार पे माल बेचा है ना, तो हम लोग वेट करेंगे कि कस्टमर जब तक पैसा नहीं देगा तब तक हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। और लॉ ने क्या बोला है कि उधार पे बेचे हुए माल का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक भी तुझे चेक में पैसा आ गया ना, तो तेरे को 6% लेने मिलेगा। मतलब हम लोग ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक राह देखेंगे। अरे मतलब समझा नहीं, ये देखो लुक, अगर मैंने मार्च में भी सेल किए ना उधार पे, एक सेकंड जो बताऊँ वही देखना, ये देखना, ये देखो, अगर मैंने मार्च के महीने में भी गुड्स बेचा है, क्रेडिट सेल्स किया होगा, तो ठीक है मार्च की सेल्स का अपने को मार्च में तुरंत पैसा नहीं मिला, उधार पे बेचा है तो कभी ना कभी तो मिलेगा। और कस्टमर को हम लोग कितनी उधारी देते हैं, अक्सर 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, उससे ज़्यादा क्या उधारी देंगे। तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है ना, हम लोग ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तो वेट कर लेंगे। सी, सेल्स तो अपने को अप्रैल टू मार्च का ही पकड़ना है, लेकिन मार्च में अगर उधार पे माल, सी मार्च के पीछे क्यों बढ़ाऊँ, क्योंकि अगर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में उधारी हुई होगी तो ड्यूरिंग द ईयर पैसा भी रियलाइज हो गया होगा,
लेकिन क्या मार्च मार्च में अगर किसी ने माल बेचा होगा तो उतने में तो ईयर ही खत्म हो गया, और ईयर खत्म हो गया मतलब क्रेडिट सेल के पैसे मिले ही नहीं है। तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है ना, हम कौन सा बोलते हैं मार्च के पैसे मार्च में आ जाने चाहिए, मार्च का पैसा अप्रैल मई जून लेटेस्ट अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक भी पैसे मिल गए ना तुझे। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या होता है, 31 जुलाई है ना, तब तक भी पैसा आ गया तो हम लोग तेरे को 6% लेने देंगे। तो सी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैंने लिया है, मजा आएगा। देखो ये देखो, ऐसे अज्यूम करो मेरा अप्रैल से मार्च के बीच में इतना सेल्स हुआ था, अपनी एग्जाम में ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24, तो अज्यूम करो अप्रैल से मार्च के बीच में मेरी टोटल सेल्स कितनी हुई थी, 100 की सेल्स हुई थी, 100 ऐसे 100 रुपया लिया है। अब उसका ब्रेकअप देखो ना, 100 रुपये की सेल्स में से 14 रुपये का मेरे को कैश मिला है, ओके। तो जितनी सेल्स का मुझे कैश मिला है तो उधर 6% नहीं मिलेगा, 8%, तो उसको मैंने 8% से मल्टीप्लाई किया है, ओके। फिर ऐसे अज्यूम करो 60 रुपीज़ की सेल्स के लिए कस्टमर चेक देके गया था, चेक मतलब अकाउंट पे ही चेक दिया था, और वो भी PY मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही, मीन्स अपना ईयर 23-24 है ना, जो ईयर का सेल है वो ईयर में पैसा मिल गया तो अच्छा है ना, और वो भी चेक में मिला, तो मैंने क्या लिया देखो 6% लिया हुआ है ना। फिर 20 रुपये की ऐसी सेल्स थी ना जिसका पैसा चेक में तो मिला है, लेकिन स्क्रीन पर देखो टाइमलाइन पे जिस साल में बेचा उस साल में नहीं, ये वाले पैच में मिला था, देख दिख रहा है डिजाइन में बना रहा हूँ, और अप टू द ड्यू डेट मिला था, ये पढ़ क्या लेगा नेक्स्ट ईयर अप टू द ड्यू डेट तो चलेगा ना। सी सेल तो इस साल की है ना, पैसा भले नेक्स्ट ईयर में भी रियलाइज हुआ रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक, और वो भी चेक में हुआ है, तो अपने को चेक वाले का बेनिफिट जो होता है ना 6% मिलेगा। तो देखो 6% लिया है मैंने, लेकिन 6 रुपये की मेरी ऐसी सेल्स थी ना उसके पैसे अभी तक मिले ही नहीं। सेल तो कब हुई थी, करंट ईयर में, और उसका पैसा ना तो करंट ईयर में मिला है ना नेक्स्ट ईयर मिला है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न आके भी निकल गई, मतलब कस्टमर ही ऐसे पागल जैसे होंगे पैसा दे ही नहीं रहे। अब पैसा मिल ही नहीं रहा है तो गवर्नमेंट बोलेगी फिर तो देखो 8% लेना पड़ेगा, 6% चाहिए तो पैसे मिल जावे और चेक में मिल जावे, ड्राफ्ट ECS, लेकिन तेरा कस्टमर तेरे को पैसा ही नहीं दे रहा है, और हम तो तेरे लिए रुके भी ना यार, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न रुके, कोई भी कस्टमर क्या है 1-2 महीने में तो पैसा दे ही देता है, लेकिन तेरा कस्टमर चलना तूने मार्च में भी माल बेचा होगा ड्यू डेट तक भी पैसा नहीं दिया, तो फिर अभी हम लोग नहीं रुकेंगे, जिस सेल का तुझे पैसा नहीं मिला उसका 8%। इन शॉर्ट सी मैंने इधर सब वेराइटी ले ली है, कुछ सेल्स का पैसा कैश में मिला है, किसी का चेक में मिला है वो भी सेम ईयर में, और किसी का चेक में मिला है बट नेक्स्ट ईयर अप टू ड्यू डेट, और कुछ सेल्स का पैसा ही नहीं मिला है, और जिसका पैसा नहीं मिला उसका 8% लेना है। ये देखो फिर देखो ये क्या करेंगे, ये सब अमाउंट्स को क्या करना है, ऐड ऐड करके क्या आएगा बताओ, ऐड करके मेरा आया इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये 5 हेड्स में शामिल होगा है ना, 5 हेड्स के अंदर इसको घुसेड़ देंगे, कहाँ से आया 6.4, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये मेरा हो गया PGBP, PGBP मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, एंड फिर बाकी हेड्स को ऐड करेंगे तो ग्रॉस टुडे इनकम एंड सो ऑन, ओके। तो ये छोटा एक सम के फॉर्म में आ सकता है, तो ये अपना 44 AD हुआ, AD, ओके। फिर इसके बाद है ना लुक हियर, अपना ये सब सेक्शन हो गया ना 44 AA करवाया है ना, फिर AB 44AA बुक्स का था, AB ऑडिट का था, 44AE ट्रांसपोर्ट बिजनेस का था, ADA प्रोफेशनल्स का था मेल फिट कंपनी, और AD इज फॉर अदर बिजनेस। बड़ा अदर बिजनेस में ना एजेंसी बिजनेस को प्रिजम्पटिव नहीं मिलता है, ये जो था ना ये सिस्टम है ना, अदर मतलब कोई भी धंधा हो, कपड़े का धंधा, केमिकल का धंधा, जूते का धंधा, शैम्पू बेचते का धंधा, रिटेल धंधा, कोई भी धंधा, बट एजेंसी बिजनेस को 44AD नहीं मिलता है। ये क्या कभी MCQ में आ गया तो याद रखना, एजेंसी बिजनेस को प्रिजम्पटिव नहीं मिलता है, बाकी हर बिजनेस को मिलेगा, और उसमें भी ट्रांसपोर्ट है तो 44AE और कोई है तो AD, प्रोफेशनल का AE। अरे हाँ इधर भी एक अमेंडमेंट था, सॉरी रह गया, लुक इधर भी है ना, अभी तक क्या था कि 2 करोड़ तक वालों के लिए
प्रिजम्प्टिव गवर्नमेंट ने दिया था ना, अभी इन लोग ने चेंज किया है कि 3 करोड़ वाले भी, कि 3 करोड़ 2 करोड़ क्या सेल्स है मेरी, मतलब 3 करोड़ तक भी सेल्स हुई ना तब भी मुझे प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि मेरे धंधे में जो रिसीव होता है रिसीट्स, 95% और मोर ऑफ माई रिसीट्स शुड बी बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ECS, मतलब थोड़ा बहुत 5% कैश चलेगा, लेकिन 95% और मोर मेरे को जो भी रिसीव हो रहा है सब चेक ही चेक में मिलना चाहिए। चेक मतलब अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट यार ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ऑनलाइन पेमेंट आना चाहिए। और अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट 3 करोड़ तक वालों को भी प्रिजम्प्टिव का बेनिफिट देगी। ओके, तो कभी भी चेक करना है कि प्रिजम्प्टिव मिलेगा कि नहीं, तो पहले चेक करो उसके धंधे के रिसीट्स 95% मोर चेक में है तो 3 करोड़ तक वाले लोग भी एलिजिबल है, वरना 2 करोड़। ओके, ऐसा पॉइंट कहाँ कहाँ है, देखो इधर आया था, चेक कर दो, मैं रिवर्स आ रहा हूँ, फिर प्रोफेशनल लोग में भी था। ये प्रोफेशनल में अगर ऐसा हो जावे तो 75 लाख बिकम्स द क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी। एक और जगह था ऑडिट में, ऑडिट के लिए क्या था, ऐसे तो 1 करोड़ के ऊपर होता तो ऑडिट करना पड़ता है ना, लेकिन कोई कोई लोग के लिए 10 करोड़ बिकम्स द ऑडिट क्राइटेरिया। उधर भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन उधर रिसीट्स और पेमेंट्स दोनों 95% और मोर चेक से होने चाहिए। अरे और प्रिजम्प्टिव में तो 95% खाली रिसीट्स ही देखते हैं। प्रिजम्प्टिव में अपने को अपर लिमिट कब मिलती है, जब रिसीट्स चेक में हुई तो, और ऑडिट में ये अपर लिमिट कब मिलेगी, रिसीट्स के साथ साथ पेमेंट भी दोनों अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट CCS से हुआ ना तो 10 करोड़ वाला अपर लिमिट मिलेगा। ओके, तो 95% वाला रूल 3 जगह है, ऑडिट में, लेकिन उधर रिसीट्स प्लस पेमेंट दोनों, और फिर प्रोफेशनल लोग में था ये 50 के बदले 75 मिलेगा, और 44AD में भी था 2 करोड़ के बदले 3 करोड़। ओके, तो ये हो गया। फिर बाद में सुनो, चैप्टर की थियरी खत्म हो चुकी है, अब है ना तुम लोगों को सम सॉल्व करना सिखाना पड़ेगा। ये देखो सम कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो थियरी चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का पहला क्वेश्चन आता है ना, वो इनकम और बिजनेस ओरिएंटेड ही होता है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ने कमिट नहीं किया, बट ये ट्रेंड है। तो सी यार क्वेश्चन में इन लोग क्या देंगे, इधर देखो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा, ये दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो जूम करके बता दो, ऐसा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वेश्चन में दिया होगा, देख लो एक बार नज़र घुमा लो, इतना छोटू सा PNL नहीं होगा, अच्छा खासा बड़ा PNL अकाउंट दे देते, लेकिन PNL अकाउंट में घूम फिर के क्या होगा, डेबिट साइड में खर्चे, क्रेडिट साइड में इनकम, लेकिन इधर तुम लोग को कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट करेंगे, सब खर्चा और इनकम मिक्स करके देंगे, और अपने को छांटना पड़ेगा क्या अलाउड है क्या नॉट अलाउड है, और सेक्शनों का नॉलेज काम आएगा टू डिसाइड कि क्या अलाउड है क्या नॉट अलाउड है। तो सी मैं क्या करूँगा, ये देखो सबसे पहले डेबिट साइड को देखेंगे, ये देखो डेबिट साइड दिख रहा है, डेबिट साइड में जो भी खर्चे अलाउड लिखे ना उसको टिक करेंगे, ऐसा टिक मारना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं तो अपने को कन्फ्यूजन हो जाएगा। पेंसिल से करो भले, तो पेंसिल से जो भी खर्चा अलाउड है उसको टिक कर देना, और जो खर्चे नॉट अलाउड है उसको क्रॉस कर देना। और पता है डेबिट साइड में अपने को नॉलेज क्या काम आएगा, मैंने चैप्टर तुमको 4 पार्ट में पढ़ाया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 का नॉलेज काम आएगा। पार्ट 1 क्या था, डिडक्शन अंडर सेक्शन 32-37, पार्ट 2 था एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड। ये दो पार्ट अगर किसी का तगड़ा हुआ ना तो डेबिट साइड में जो देना है देने दो, मैं डिसाइड कर पाऊंगा, और डिसाइड क्या करना है अलाउड के नॉट अलाउड। ओके, और कभी कोई सेक्शन याद भी नहीं आवे तो कॉमन सेंस लगाओ, कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड लगे ना तो अलाउड, ऐसे टिकड़ा मार देने का, और बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो चौकड़ी मार दो, चौकड़ी मतलब क्रॉस मार्क। ओके, क्रॉस मार्क कर दो। फिर क्रेडिट साइड में अपने को नॉलेज लगेगा सेक्शन 28-41 का, मैंने पता है पिछले लेक्चर में सेक्शन 28 में तुमको 9 इनकम बताई थी और सेक्शन 41 में 2 इनकम बताई थी, तो 28 और 41 में से कुछ इनकम दिखी ना तो बोलना चाहिए हाँ ये तो बिजनेस की इनकम है, तो उसको ऐसे टिक कर देना। लेकिन कोई इनकम ऐसी दिखी ना जो 28 और 41 में नहीं फॉल होती है और वो दूसरे हेड में फॉल होती है, दूसरे हेड मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेंस, को दूसरे हेड का है, तो उसको ऐसे चौकड़ी मार देना, क्या बोल के, नॉन बिजनेस इनकम। ओके, तो पहले सब में क्या करने का, टिकड़ा चौकड़ी मार देने का, फिर टिकड़ा चौकड़ी मारने के बाद है ना अपना आंसर नेट प्रॉफिट से चालू होता है। ओके, अपना आंसर नेट प्रॉफिट से चालू होगा, और नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे,
जो जो चीज डेबिट साइड में रॉन्ग होंगी ना, रॉन्ग, उनको वापस ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करते? क्योंकि नेट प्रॉफिट कैसे निकला था, नेट मतलब डेबिट साइड को पूरा लेस करके नेट है, नेट। तो उसमें जो जो चीजें सही थी ना, उसको कुछ मत करो। सही का मतलब वो माइनस होना चाहिए और हुआ है ना, और नेट का मतलब नेट ही है वो। लेकिन जो चीजें रॉन्गली माइनस हुई थी, उसको पलटी मार दो, एड बैक कर दो। तो क्या करेंगे, आंसर नेट प्रॉफिट से चालू होगा और डेबिट साइड में जो जो रॉन्ग होगा ना, उसको एड बैक कर दो। ओके, फिर क्रेडिट साइड में क्या करना है, ये देखो, क्रेडिट साइड में भी है ना, ये सब चीजें ऐड हुई थी, लेकिन इनका ऐड होना तो सही था ना, क्योंकि बिजनेस का इनकम है। लेकिन ये लोग जो होंगे ना, कौन लोग, नॉन बिजनेस इनकम, ये जो गलती से प्रॉफिट में जुड़ गए, इनको लेस करना पड़ेगा। तो अपना फॉर्मेट कैसा हो गया बताओ, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, लेस नॉन बिजनेस इनकम, ऐसा फॉर्मेट होता है। ये देखो फॉर्मेट बना हुआ, देखो इधर दिख रहा है क्या लिखा है, पहले चेक कर दे। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट कितना था, 220 था है ना। फिर क्या किया, एड एड डिसअलाउड मतलब डेबिट साइड में, सी पहले टिक मार्क क्रॉस मार्क कर दो, फटके में सॉल्व हो जाएगा आंसर। मतलब जो भी डेबिट में क्रॉस 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 किया ना, वो ऐड कर दो डेबिट साइड के क्रॉस मार्क्स। फिर क्रेडिट साइड में जिनको क्रॉस किया, वो सब लेस कर देना। फिर इसके बाद भी सम खत्म नहीं होता। ये देखो क्वेश्चन में इन लोग है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ देते हैं। ये देखो क्या लिखा है, एडवर्टिजमेंट नॉट रिकॉर्डेड, मतलब कोई खर्चा हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए। और रिकॉर्ड करना भूल गए मतलब सही है कि गलत है? गलत है, भूल कैसे गए, करो रिकॉर्ड। और खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे ना, तो साडा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अरे सोच, एडवर्टीजमेंट खर्चा है और तू खर्चा लेना भूल गया था, ऐसे कैसे भूला? भूलने का नहीं, अभी ले लो उसको। अभी उसको लेंगे तो अपना प्रॉफिट तो उतर जाएगा ना, क्योंकि खर्चा भूल गए, तो अभी उसको लेंगे तो प्रॉफिट उतरेगा। और उतरेगा मतलब ये देखो क्या हो जाएगा, लेस। इधर देखो क्या लिखना चाहिए, लेस अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस। सी एडवर्टीजमेंट तो ऐसे एग्जाम्पल था, कोई भी खर्चा बिजनेस का तुमको लगे ना यार ये तो अलाउड है, और इन लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसिडर करना भूल गए, तो भूली हुई चीज़ों को लेस कर दो। अगर वो खर्चा है तो, हाँ बाई चांस एडवर्टीजमेंट की जगह कोई बिजनेस की इनकम होती, जैसे बिजनेस की इनकम में होता है ना, वो नॉन कम्पीट फीस था, ड्यूटी ड्रॉबैक, सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस जो सेक्शन 28 में था, ऐसी कोई भी बिजनेस की इनकम भूल गए ना, तो इनकम भूले तो ऐड करो, क्योंकि इनकम भूल गए तो अब इसको लेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये देखो अपने फॉर्मेट में ऐसा आता है, एड अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम। सी ये फॉर्मेट ऐसा है ना, फुल प्रूफ है, मतलब जितना भी टफ सम हो ना, फिट होगा इसमें, आंसर इसमें फिट होके ही रहेगा। लेकिन मेन चैलेंज क्या होगा, ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड में अपने को टिक मार्क क्रॉस मार्क करने आना चाहिए। उसके लिए अपना थियरी एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, जो मैंने सेक्शंस पढ़ा है ना वो, है ना। तो ये फॉर्मेट रट लो, और सी वर्स्ट केस में क्या, ये फॉर्मेट भी ढंग से लेके आ गए ना, थोड़ा बहुत एक दो चीज रॉन्ग हुआ तो पूरा जीरो थोड़ी मिलता है, मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अपने को पूरा राइट करना है। तो ये फॉर्मेट याद हो गया। फिर है ना, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का एक टिपिकल ट्रीटमेंट आता है। ये देखो डेप्रिसिएशन की एक खास थियरी ले रहा हूं, तुम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस के सम सॉल्व करोगे ना, हर सम में डेप्रिसिएशन दो बार मिलेगा। क्यों, स्क्रीन पर देख के बताओ। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया होगा, वो एज पर अकाउंट्स होता है, और अपना एज पर इनकम टैक्स वाला एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नीचे देंगे। ओके, अब देखो अपने को आंसर तो नेट प्रॉफिट से चालू करना पड़ता है ना, अब नेट प्रॉफिट से चालू करते तो नेट है, तो उसमें अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन कटा हुआ है, तो उसको अपने डिसअलाउ करके एड बैक करना पड़ेगा। अरे क्रॉस किया मतलब वो अलाउड है क्या, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। एक्चुअली डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, लेकिन एज पर अकाउंट्स वाला थोड़ी अलाउड है, तो इसको मैं चौकड़ी मार के रखाऊंगा और इसको नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। देखो इधर किया हुआ है, लुक हियर, दिख रहा है, नेट प्रॉफिट अपना 80 था, तो 80 रुपीज का नेट प्रॉफिट पहले लिख दिया, फिर उसमें जो डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स था उसको ऐड बैक कर दिया। ओके, ऐड क्योंकि वो पहले लेस किया हुआ था ना। फिर अपना जो इनकम टैक्स वाला है ना, उसको अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस में डालो। अनरिकॉर्डेड क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन बुक्स में रिकॉर्ड होता ही नहीं है, बुक्स में तो अकाउंट्स वाला होता है, तो इनकम टैक्स वाला रिकॉर्डेड नहीं होता, तो उसको अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस, और वो इधर लेस हो जाएगा। देखो ये
इन शॉर्ट एज पर बुक्स वाला एड बैक कर दो नेट प्रॉफिट में, और एज पर इनकम टैक्स वाला लेस कर दो, और उसके फिक्स्ड जगह बना दो, अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस फिक्स्ड जगह बना दो, ओके किसकी? डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स की। तो ये भी दिमाग में फिट कर लेना। फिर एक और चीज तुमको बता रहा हूँ, पार्टनरशिप फॉर्म का सम आया तो उसमें कुछ और स्पेशल चीज़ है, मैं तुमको सम सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। पहले मैंने तुमको बेसिक फॉर्मेट बता दिया, अब उसमें डेप्रिसिएशन को कैसे टैकल करना चाहिए वो बता दिया, अब मैं तुमको है ना पार्टनरशिप फॉर्म का सम आया तो क्या करना चाहिए। सी पार्टनरशिप फॉर्म के सम में ना सब नॉर्मल होगा, लेकिन दो चीज़ों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी दो चीज दिख रही है? मैंने हाईलाइट की है, ब्लैक कलर में भी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और सैलरी टू पार्टनर्स। ये दो चीज का स्पेशल इफेक्ट आता है। जैसे मैंने अभी तुमको डेप्रिसिएशन का एक सेकंड, जैसे मैंने अभी तुमको डेप्रिसिएशन का स्पेशल इफेक्ट बताया ना कि पहले एड बैक कर दो फिर लेस करो, वैसे पार्टनरशिप फॉर्म में वो जो आता है ना इंटरेस्ट और सैलरी टू पार्टनर, उसका भी स्पेशल इफेक्ट है। तो उसी वो स्पेशल इफेक्ट कैसे आता है, लुक यार ये पूरा सम ही सॉल्व कर लेते ना। ये देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, हर सम में टिक मार्क क्रॉस मार्क करना पड़ता है। तो डेबिट साइड में देखो एडवर्टीजमेंट को टिक क्यों किया है, क्योंकि अलाउड है। एडवर्टीजमेंट का कोई सेक्शन नहीं है, लेकिन जिसका कोई नहीं उसका 37(1) एडवर्टीजमेंट नॉट अलाउड को पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हुआ तो नॉट अलाउड, तो मैं उसको क्रॉस करता, लेकिन ऐसा तो बोला नहीं तो टिक कर देंगे। फिर आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये अलाउड ही नहीं होता है क्रॉस मार्क। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है ना 12% तक अलाउड है, बाय हार्ट करो 12%, लॉजिक वगैरह मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, अपने पास टाइम नहीं उतना। तो 12% अलाउड है, तो क्वेश्चन में ये लोग जानबूझ के ना 15-16% देंगे, तो अपने को 12% क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। ये देखो मैंने कैसा किया, इधर क्वेश्चन में 15% दिया था ना, 15% के हिसाब से 3 लाख है, तो 12% कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सब अमाउंट लाखों में दिया, तो 3 लाख 15% के हिसाब से ना, तो 12% के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2.4 आता है। देखो मैंने 2.4 को टिक कर दिया है और 0.6 को क्रॉस किया, मतलब ब्रेकअप करना पड़ेगा, 12% जितना टिक बाकी का क्रॉस। और पता है क्रॉस मार्क है ना बड़ा सुंदर बनाना चाहिए, क्यों? क्योंकि अपने फॉर्मेट में ये देखो अपने एक एक करके डेबिट साइड के क्रॉस मार्क की लिस्ट बनाते, तो क्रॉस मार्क ढंग से किया करो। फिर सैलरी टू पार्टनर्स का क्या रूल है, अनु में एक बार नेट प्रॉफिट में सब एडबैक कर दो, ऐसे मान लो सब नॉट अलाउड है, जबकि एक्चुअली पार्टनर को जो सैलरी देते हैं ना वो अलाउड है, लेकिन उसकी एक लिमिट है, और उसकी लिमिट है ना स्टार्टिंग में नहीं मालूम होती अपने को। जैसे इंटरेस्ट की तो लिमिट मुझे मालूम ही थी 12%, तो उसको तो सटा दिया मैंने, लेकिन पार्टनर की जो सैलरी है ना उसकी लिमिट ही कुछ ऐसी है ना कि अपने को स्टार्टिंग में नहीं मालूम होती है। तो क्या करने का आलू में, एक बार उसको नेट प्रॉफिट में सब एडबैक कर दो। सिर्फ चौकड़ी मारा मतलब क्या है, वो नेट प्रॉफिट में कटा हुआ था उसको वापस एडबैक कर दो, और एडबैक करके उसको बाद में लेस करूंगा लेकिन लास्ट में। तो ये देखो मैंने सॉल्यूशन कैसे किया, अरे हाँ एक बार क्रेडिट साइड भी देख लो ना, क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट को टिक किया है क्योंकि बिजनेस की इनकम है, जो बिजनेस का उसको टिक कर दो, सेक्शन 28 में था ना। लेकिन इंटरेस्ट इनकम को बोलना चाहिए भाई तू इफॉस वाला है, इनकम फ्रॉम अदर्स था ना DW रामू फकीर में आई क्या था इंटरेस्ट इनकम, तो इसको बोला भाई तू इफॉस वाला, यहाँ क्या कर हट और हट बोल के कट, और उसको क्रॉस कर देना चाहिए। और सी बाजू में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी लिखो, क्योंकि एग्जाम में जो सम आता है ना खाली इनकम फ्रॉम बिजनेस ही नहीं सॉल्व करना है, सब कुछ करो। तो इसको बिजनेस में से हमने बोल दिया हट फुट 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 किसको इसको, लेकिन उसको इज्जतपूर्वक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पिठाना पड़ेगा। ओके एनीवेज ये मार्किंग होगी, फिर सॉल्यूशन देखो सॉल्यूशन कैसे किया, देखते हो मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट आंसर चालू होता है सही है, फिर क्या करते हैं ऐड डिसअलाउड एक्सपेंस, डिसअलाउड एक्सपेंस लिखते ना अपनी आंखें डेबिट साइड की चौकड़ियों पे होनी चाहिए, डेबिट साइड के क्रॉस मार्क पे। तो ये देखो डेबिट में क्रॉस क्या क्या था, RDD था तो वो एक सेन RDD था, तो इसको मैंने लिख दिया इधर है ना। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी था, एक सेन कितना था 0.6, वो भी इधर लिखा है देखो। फिर सैलरी टू पार्टनर सब क्रॉस कर दिया था, वो भी लिख दिया इधर, देखो कितना था 1, 2, 2, 5 था ना, तो इधर लिखा है। तो डेबिट साइड की सब चौकड़ियाँ ऐड कर दी, फिर क्रेडिट साइड की चौकड़ियों को लेस करो, क्या लिख के लेस, नॉन बिजनेस इनकम, और क्रेडिट साइड में एक ही आइटम क्रॉस मार्क है तो इसको लेस कर दिया, 6 दिख रहा है 6। फिर लेस अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस,
पता है अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस में फेमस आइटम क्या है? डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, लेकिन मेरे सम में डेप्रिसिएशन डाला ही नहीं मैंने, तो जाने दो ना। तो लेस अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस एड अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम। फिर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अपना पार्टनर सैलरी का इफेक्ट बाकी है। पार्टनर सैलरी को मैंने एक बार तो नेट प्रॉफिट में एडबैक कर दिया, अब उसको लेस करना है। अब कितना लेस करना है देखो, सुनो इधर देखो ना, मेरे पास यहाँ जगह थोड़ी कम है ना, इससे मैंने यही चीज़ को है ना अगले पेज पे वापस कॉपी किया है ताकि मुझे जगह सफिशिएंट मिले। तो ये देखो सेम चीज़ तुमको अगले पेज पे दिखेगी, सेम चीज़ है। ये देखो अपने कहाँ तक पहुँचे थे आंसर, 3.6 पे पहुँचे थे ना, तो देखो 3.6 इधर लिखा है, इधर तक मैंने सिखा दिया, वापस मत देखने बैठो, टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो सी अपना जो आंसर आया ना अभी, ये फाइनल आंसर नहीं, क्योंकि पार्टनर की सैलरी अभी तक लेस करनी बाकी है ना, इसको बुक प्रॉफिट्स बोल देना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? बुक प्रॉफिट्स। जो आंसर है ना उसके बाद, जैसे ये वाला ही आंसर, इसके बाजू में लिख देना चाहिए बुक प्रॉफिट्स, फिर बाद में लेस डिडक्शन फॉर पार्टनर्स रेमुनरेशन। ये क्या लिखा है? प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है, क्या लिखा है? पार्टनर्स रेमुनरेशन। अब उसका डिडक्शन कितना मिलता है देखो, एक लिमिट है, ये जो फॉर्मूला है उसका, एक्चुअल जो दिया वो और लिमिट विच आर इज लेस। सी कभी भी गवर्नमेंट लिमिट डालती है उसका मतलब क्या, लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता है, कम हो तो कम ही लो, ज़्यादा हो तो लिमिट में रहो, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है, विच आर इज लोअर। तो सी ये फॉर्मूला याद कर लो, एक्चुअल रेमुनरेशन और लिमिट दोनों में से जो लोअर अमाउंट है वो लेंगे। एक्चुअल रेमुनरेशन देखो सब में दिया है, कितना था? तीनों पार्टनर की एक्चुअल रेमुनरेशन कितनी है? 5 लाख, तो 5 लाख हो गया। बट सी एक्चुअल में भी स्लीपिंग पार्टनर का मत लेना, बाय चांस इधर स्लीपिंग पार्टनर का सैलरी दिया होगा तो मत लेना। जैसे मान लो ये जेड स्लीपिंग पार्टनर, तो मत लेना, तो फिर दो, एक और दो 3 लाख ही हो गया। तो सी इधर मैंने जो लिखा है ना, ये पढ़, एक्चुअल रेमुनरेशन वो वर्किंग पार्टनर का होगा, एक्टिव पार्टनर का, स्लीपिंग का नहीं लेना है, स्लीपिंग पार्टनर को सैलरी देना ही नहीं चाहिए। तो अपने डिडक्शन सिर्फ एक्टिव पार्टनर का लेंगे। फिर ये लिमिट देखो कैसे निकाली है, लुक हियर, जो अपना आंसर आया था ना ये, उसके दो टुकड़े करो, अप टू 3 लाख और बैलेंस, और अप टू 3 लाख का 90% निकालना चाहिए, दिख रहा है 90%, और उसको कंपेयर करना चाहिए 1,50,000 से। इन दोनों में से जो हायर वाला अमाउंट है सिलेक्ट कर लो। क्या किया बताओ? जो भी आंसर आया ना उसमें से 3 लाख तक अलग कर दो। 3 लाख तक मतलब कम हुआ तो कम ही लेंगे। जैसे ये तो 3.6 है ना, भरपूर आंसर है, भरपूर है, लेकिन 3.6 के बदले 1.6 होता तो 1.6 का 90% लेता, लेकिन ये तो बड़ा अमाउंट है तो उसमें से 3 लाख को अलग कर दिया, उसका 90% निकालो कितना आता है, 2,70,000, कंपेयर विद 1,50,000। 1,50,000 फिक्स्ड है। सी रेगुलर लेक्चर में ये सब का मैं लॉजिक बता दो, लेकिन अपने पास उतना टाइम नहीं है अभी, अभी बाय हार्ट कर लो कि जो भी आंसर है उसमें 3 लाख अलग करके 90% निकालना है, फिक्स 90%, एंड फिर कंपेयर विद 1,50,000 भी फिक्स्ड है, फिर दोनों में से विचर इज हायर लेना, वो भी फिक्स रूल है। फिर इधर जो बैलेंस आएगा ना, सी बैलेंस मतलब ये 3.6 में से 3 लाख तो खींच लिया, बैलेंस कितना बचा? 60,000। उस बैलेंस का 60% लेना है, 60% ही फिक्स रूल है। अरे मतलब दो टुकड़े करो, एक तरफ 3 लाख कम हुआ तो कम, एंड फिर बैलेंस, फिर इसका 90% और 1,50,000 विचर इज हायर, और बैलेंस का 60%, इधर विचर इज हायर बाहर कुछ नहीं है। फिर इस तरह से देखो, इधर विचर इज हायर में कौन जीता? 2,70,000, और ये 60% वाले में 36,000 आया, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 3,06,000 आ गया। मतलब इससे ज़्यादा पार्टनर को सैलरी देने का नहीं, लेकिन ये महाशय लोग कितना दे रहे? 5 लाख। नहीं चौल बे, बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो तो लिमिट में रहो। तो अपने को क्या करना पड़े? देखो एक्चुअल 5 लाख बैठा ही था, लेकिन उसकी चलेगी नहीं, लिमिट कितनी थी? 3.06। तो दोनों में से विचर इज लोअर क्या है? 3.06। ओके, तो ये आ गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। इन शॉर्ट मैं चालू कैसे किया था देखो, पहले मैंने एक से ना, पहले मैंने तुम लोग को, बच्चों को है ना, एक फॉर्मेट सिखा दिया, फिर फॉर्मेट में डेप्रिसिएशन को कैसे टैकल करना जो बताया, अब क्या बताया मैंने, फॉर्मेट में अगर पार्टनर का कुछ दिया तो उसको कैसे टैकल करना है। और सिंपल है, इंटरेस्ट का 12% तक अलाउड कर दो, बाकी का क्रॉस कर देना। और सैलरी का क्या है, एक बार तो नेट प्रॉफिट में सभी ऐड कर दो,
ऐड कहाँ करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंस की लिस्ट में, एंड फिर उसको अंत में लेस करेंगे, अंत मतलब एकदम एंड में लेस करेंगे, और वो लेस करते टाइम अपने को ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, एक्चुअल रेमुनरेशन पेड टू वर्किंग पार्टनर्स और लिमिट विचर इज लेस। और लिमिट कैसे निकालनी है वो इस अमाउंट पे निर्भर करता है, इसके दो टुकड़े कर दो, एक तरफ 3 लाख, एक तरफ बैलेंस 3 लाख का 90% और 1,50,000 विचर इज हायर और बैलेंस का 60%, वो टोटल करके आ जाएगी लिमिट। ओके, ऐसे इन लोग पार्टनरशिप फर्म का सम कम पूछते हैं, लेकिन बाई चांस आ गया तो अपने को सॉल्व करने आना चाहिए ना यार। तो ये हो गया, तो मैंने तुमको फॉर्मेट वॉर्मेट सिखा दिया। अब है ना, मेरी क्या इच्छा है, तुमको एक सम सॉल्व करके बताओ मेरे साथ में। ये देखो ये सम कैसे सॉल्व, एक बार हम लोग साथ में डिस्कस करते। सी बेसिकली मेरा पर्पस क्या है, सम सॉल्व करने में अपना लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए वो बताना है। एक सम सॉल्व करूंगा ना, फिर मैंने 1000 सम भी सॉल्व करोगे ना, सोचने का तरीका एक होता है। क्योंकि मेरा ये मानना है, तू सम एक करके 1000 कर, हर सम में अपना लाइन ऑफ थिंकिंग इज द सेम। तो मेरे साथ क्या, एक सम ऐसे ओरली में सॉल्व कर दूंगा तो अपना थिंकिंग क्लियर हो जाएगा। तो सी सबसे पहले क्वेश्चन में है ना, चेक करने का क्या पूछा है। तो ये देखो, इस सम में क्या पूछा है, कंप्यूट इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस। तो खाली इनकम फ्रॉम बिजनेस ही करना है। क्वेश्चन में पूछा होगा कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी, तो सब करना पड़ेगा, 5 एड्स बनाना है चैप्टर 6 से, फिर नेट टैक्सेबल इनकम, फिर वो सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, गरीबों के लिए रिबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज, सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन से, जो पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो हमेशा चेक करो पूछा क्या है। ओके, तो इधर क्या पूछा है, प्रॉफिट्स एंड गेंस मतलब खाली इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो सी यार, अपना सॉल्व करने का रिवाज क्या है बताता हूँ। पहले एक बार स्टार्टिंग में पढ़ो ना क्या लिखा था, मिस्टर आयांश अ रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट। से जिन लोगों को टैक्स ऑडिट नहीं आता ना, उनका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31 जुलाई होता है, ऑडिट होता है तो 31 अक्टूबर। और पता है मुझे ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग की चिंता क्यों है, क्योंकि 43B में जो था ना टीबी लिक्रम वाले खर्चे में रूल के, इट शुड बी पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पता होना चाहिए ना। और इधर मुझे पता चला 31 जुलाई, वो कैसे पता चला, क्योंकि इन लोगों को ऑडिट नहीं आ रहा, इसलिए ऐसा बोला होता सब्जेक्ट टू ऑडिट तो 31 अक्टूबर हो जाता। ओके, फिर देखो डेबिट साइड में सेक्शन 30 से 37 और जो पार्ट टू था ना अपना एक्सपेंसिव एक्सप्रेसिव डिसअलाउड, वो सेक्शन का नॉलेज काम आता है। और क्रेडिट साइड में 28-41। अब देखो पहली चीज क्या है, डेबिट साइड में ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस। एक सिस्टम बना दो, कोई भी चीज का फैसला करने के वक्त पहले ना उसका एडजस्टमेंट चेक कर दो, नहीं तो क्या, हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी डिसीजन ले लेंगे, एडजस्टमेंट कुछ और दिया है एडजस्टमेंट में, तो अपना डिसीजन बदल जाएगा ना। तो यही सब चीज़ें मुझे बतानी थी, किसी भी चीज़ का अगर डिसाइड करना है कि उसको टिक मार्क करो कि क्रॉस मार्क, उसका हाथों हाथ पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक करो। तो चेक करो, एक बार ढूंढने की एक्टिंग करो ना, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस का कोई नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है नहीं दिया है, हाँ तो ठीक है अभी डिसाइड कर लो। कैसे डिसाइड करना, सेक्शंस में ढूंढो, अगर कोई सेक्शन याद नहीं आ रहा है ना तो कॉमन सेंस लगाओ, बिजनेस से रिलेटेड है ना, अलाउड, और अलाउड है तो टिक मार्क करेंगे। देखो मैंने टिक मार्क किया हुआ है। ओके, नॉट अलाउड है तो चौकड़ी मारना है। ओके, फिर अगला पॉइंट क्या है, सैलरीज एंड वेजेस, पहले इसका एडजस्टमेंट चेक कर, हर पॉइंट का पहले एडजस्टमेंट चेक करो। तो चेक करो, ढूंढने की एक्टिंग करो, इधर है एडजस्टमेंट, हाँ है यार है, इधर क्या लिखा है, फोर्थ एडजस्टमेंट पढ़, सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूड्स लिखा ना। अब इसमें ना इंक्लूड वर्ड पे गौर करने है, सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूड मतलब उसके अंदर है। अब अपने को क्या देखना है, उसके अंदर पड़ा हुआ तकलीफ दे रहा है, क्योंकि सी मैंने तो मन मना लिया था कि सैलरीज एंड वेजेस को अलाउड करना है, क्योंकि बिजनेस का खर्चा अलाउड करने का मूड ही बना लिया है। अब इन लोग बोल रहे हैं उसके अंदर कुछ है, अब उसके अंदर कुछ है तकलीफ दे रही है, चेक करो। सी इंक्लूड को मैंने बॉक्स में क्यों डाला है, मतलब मैं चाहता हूँ बच्चे उस पर गौर करें, इंक्लूड मतलब उसमें है, क्या है, क्या लिखा है, बोनस ऑफ 4 लाख, तो ठीक है ना, बोनस है तो तकलीफ क्या है, लेकिन तकलीफ देखो क्या है, इट वॉज पेड ऑन 12 दिसंबर 2023, और पता है बोनस का रूल है, इट शुड बी पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, टीबी लेकर हमें बी था, बोनस एंड कमीशन पेड होगा तो ये अलाउड है, और ये पेड तो है लेकिन कभी पेड है, 12 दिसंबर 2023
इज इट पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न? यस भाई, तू भूल मत अपना ईयर क्या है। अपना ईयर है 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24, और ये तो दिसंबर 23 में ही पे कर दिया है भाई। ये तो अपना जो साल चालू है ना उसी में पे कर दिया है। अरे जो ईयर का उस ईयर में पे किया तो अच्छा है, मैं कैसे बढ़ाया था? जो ईयर का उस ईयर में भर दो, या फिर नेक्स्ट ईयर अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। और पता है इस बंदे का ड्यू डेट तो क्या आएगा? 31 जुलाई 24। और अपने ये देख दिसंबर 23 में भर दिए। सी दिसंबर को नहीं देखने का, 23 है ना, तो अपने वाले साल में पे कर दिया तो अच्छा है, तो पेड है तो अलाउड है। और ये लोग क्या बोल रहे हैं, सैलरी में घुसा है तो पड़े रहने, घुसा हुआ तकलीफ कौन सा दे रहा है? तकलीफ दे रहा होता ना उसको अलग करके चौकड़ी मारता। लेकिन ये बोनस तो अलाउड ही है क्योंकि इट इज पेड ड्यूरिंग द ईयर ओनली। अरे नेक्स्ट ईयर भी पे करते ना जुलाई 2024 तक तो भी चल जाता, ये तो करंट ईयर में पेड है तो इट इज अलाउड। और अलाउड है और इन लोग बोल रहे नहीं वो सैलरीज के अंदर पड़ा है, तो पड़े रहने ना। सैलरीज को हमने वैसे भी टिक मारने का मूड बनाया था और अंदर बोनस पड़ा हुआ भी तो टिक हो रहा है, तो जब पूरा ही टिक मार्क हो रहा है तो रहने दो ऐसे ही। ऐसा बोला होता तो बोनस आउटस्टैंडिंग है, फिर अपना दिमाग सट है। बोनस आउटस्टैंडिंग है तो अलाउड ही नहीं है, वो सैलरी में घुसा पड़ा है, निकालो बाहर उसको। फिर उसके दो टुकड़े करता और बोनस को चौकड़ी मारता, बाकी को टिक करता। और जो चौकड़ी होता है ना वो नेट प्रॉफिट में एडबैक होता है, सब याद रखना। फिर अगला पॉइंट देखो, लीगल चार्जेस। हर पॉइंट में एडजस्टमेंट देखने का रिवाज है। लीगल चार्जेस का कुछ दिया है नीचे एडजस्टमेंट, देख एक बार एक्टिंग करो ढूंढने का, कुछ है नहीं है। हाँ तो ठीक है, डिसाइड करो अलाउड के नॉट अलाउड। एक्चुअली लीगल चार्जेस का कोई सेक्शन नहीं था, 30, 31, 32 डिडक्शन से ना, और जिसका कोई नहीं उसका 37(1) में अलाउड, तो 37(1) में अलाउड। और कोई बोलता सर मेरे को सेक्शन वेक्शन याद नहीं आता, अरे छोड़ ना कॉमन सेंस लगा, लीगल चार्जेस धंधे में होता है ना, रिलेटेड टू बिजनेस अलाउड। लेकिन इसे सेक्शन याद होना चाहिए। मैं अभी ये तो तुमको काम चलाओ टेक्निक बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा काम चलाओ तो क्या है, लास्ट रिसोर्ट है, पहले तो हो सके तो याद करो ना सब यार। तो लीगल चार्जेस अलाउड है अंडर सेक्शन 37(1), तो टिक कर दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए देखो, एडजस्टमेंट नहीं दिया होता तो क्या करता, एडजस्टमेंट नहीं दिया तो क्या करता? हाँ लोन बिजनेस के लिए लिया होगा तो उसका इंटरेस्ट अलाउड, तो टिक कर देता। लेकिन एडजस्टमेंट नहीं दिया होता तो, और इधर दिया है, गौर से पढ़ी एडजस्टमेंट क्या है, क्या लिखा है पढ़ो। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी, मैंने इधर करेक्शन किया है, देखो पढ़ो क्या लिखा है। इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड्स, मैं इंक्लूड्स वर्ड से है ना एकदम ज्यादा अटैच्ड हुआ, तुम लोग को भी इंक्लूड्स वर्ड को देखते सीधा बॉक्स में डालेगा। इंक्लूड्स मतलब उसके अंदर है। अब देखो मैं क्या सोच रहा हूं, मैंने तो इंटरेस्ट ऑन लोन को अलाउ करने का मूड बना लिया था, अब उसके अंदर कुछ घुसा हुआ है वो तकलीफदायक हुआ तो अलग करके क्रॉस करूंगा, नहीं तो इंटरेस्ट ऑन लोन को तो टिक करना ही है। अब देखते हैं उसके अंदर क्या घुसा हुआ है। इंक्लूड्स मतलब अंदर घुसा हुआ है, क्या घुसा हुआ है? इंटरेस्ट ऑफ 200,000, ये प्रिंटिंग मिस्टेक था, देखो इसके साथ पढ़ो, ये देखो अंडरलाइन किया ना मैंने, क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑफ 200,000 ऑन लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर परचेज ऑफ मशीनरी विच वॉज पेड ऑन 28 अगस्त 2024। पता है इंटरेस्ट का रूल भी पेमेंट बेसिस था, टीवी लेकरम में आई क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, शेड्यूल्ड बैंक्स। अरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब बैंक है, कोई भी बैंक दिखी ना मतलब पेमेंट बेसिस पे अलाउड है। ओके तो इसका पेमेंट बेसिस पे होना चाहिए। और पता है टीबी लेकरम में पेड मतलब पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, और अपना ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या है? 31 जुलाई 24। और ये कब पेड है? ओ शेट, 20 अगस्त 24, मतलब जुलाई 24 के बाद है, तो मतलब पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के आफ्टरवर्ड्स हो गया। आफ्टरवर्ड्स तो नहीं चल बे, ये अलाउड नहीं है, सेक्शन 43B में लिखा है, 43B। और नॉट अलाउड तो उसको टिक करेंगे कि चौकड़ी मारना है, चौकड़ी। और ये किसके अंदर घुसा पड़ा है? इंटरेस्ट ऑन लोन में, तो निकालो बाहर, उस पर गुस्से बोल चल निकल बाहर। ये देखो निकाल दिया मैंने बाहर, देखो
7.5 लाख का इंटरेस्ट था, उसमें से 2 लाख को मैंने अलग करके चौकड़ी मारा है। ये कौन सा वाला 2 लाख है? वही जो एडजस्टमेंट में दिया था कि वो अनपेड है, मतलब पेड आफ्टर द ड्यू डेट है तो नॉट अलाउड, और बाकी का अलाउड, बाकी को टिक कर दो। टेल मी, अगर ये ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले पेड हो जाता तो, मतलब 20th August के बदले, मतलब 20th May होता और जुलाई ड्यू डेट के पहले आता, तो अलाउड है। एंड फिर अपने को ब्रेकअप नहीं करना है, फिर ये इंटरेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, तो उसको लाइक यहाँ तो इंक्लूडेड है तो क्या हो गया, इंटरेस्ट लोन तो वैसे टिक करने वाला था और अंदर ये घुसा पड़ा वो भी तो अलाउड है, तो पूरा टिक हो जाता। लेकिन अगर थोड़ा टिक हो रहा है, थोड़ा क्रॉस हो रहा है, तो बाइफोगेट कर दो ऐसे। फिर अगला पॉइंट देखो, रेंट एंड टैक्सेस, इसका सेक्शन 30 तो रिवाइज करोगे ना, सब बहुत सिंपल लगेगा। अपना क्या था सेक्शन 30, रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस और बिल्डिंग, तो ये सेक्शन 30 में था, अलाउड है। लेकिन इतना घाई घाई में डिसीजन नहीं लेने का, हर एक का एडजस्टमेंट देखने का, एडजस्टमेंट में कुछ दिया है नहीं दिया है, हाँ तो बिंदास टिक कर दे। तो देखो मैंने टिक ही किया इधर, देखो टिक किया ना 360,000 रुपये। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कुछ एडजस्टमेंट दिया है नहीं दिया, जाने दो, तो टिक कर दे, वो भी अलाउड नहीं दिया ना एडजस्टमेंट कुछ, और कैसे अलाउड, टिक क्यों किया? क्योंकि रिलेटेड टू बिजनेस, इसका कोई सेक्शन भी नहीं, और जिसका कोई नहीं उसका सेक्शन 37(1), तो सेक्शन 37(1) में अलाउड हो जाए। ओके, फिर अगला पॉइंट देखो क्या है, डोनेशन। सी डोनेशन खाली एक ही अलाउड है, रिसर्च के लिए डोनेशन दिया, तो रिसर्च के लिए ऐसा बोला है, रिसर्च के लिए नहीं तो नॉट अलाउड। साधारण डोनेशन अलाउड ही नहीं है, किसी ट्रस्ट में, मंदिर, धर्मशाला में डोनेशन दे के आगे तो नॉट अलाउड, तो इसको चौकड़ी मार देगा। क्यों? डोनेशन बिजनेस का खर्चा नहीं होता है। हाँ, खाली रिसर्च वाला डोनेशन अलाउड था, सेक्शन 35 में पढ़ाया था मैंने, लेकिन साधारण डोनेशन नॉट अलाउड। लेकिन सी बिजनेस इनकम में चौकड़ी मारते हैं, सेक्शन 80G में आता है। खैर, इस सब में मुझे 80G की परवाह नहीं है, क्योंकि सब में क्या पूछा है, बिजनेस इनकम ही करना है। लेकिन एग्जाम में कई बार पूरा टैक्स कैलकुलेशन पूछते हैं, तो चैप्टर 6 से भी करना पड़ता है, 80G का भी इफेक्ट आता है। लेकिन 80G लेना है तो अपने को डोनेशन का नाम बताना पड़ता है, कि अपना था ना पानिक जलमा GSFO चमाट, वैसे डोनेशन होने चाहिए। लेकिन खैर, इधर तो डोनेशन का नाम पता कुछ है ही नहीं, ऐसे में मैक्सिमम बातें कर रहा हूँ। इस सब में तो इनकम फ्रॉम बिजनेस ही करना है, तो चुपचाप चौकड़ी मार के आगे बढ़ो। रिसर्च का होता तो टिक करता, ओके, और रिसर्च का नहीं है तो क्रॉस तो किया है, फिर भी मुझे चेक करना नहीं है तो क्या है, बाय चांस वो प्राइम मिनिस्टर सुनामी रिलीफ फंड, ऐसा कोई जिला साक्षरता समिति होता तो 80G में ले सकता था। खैर, इस सब में तो 80G करना ही नहीं है, क्योंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस पूछा है। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल RDD नॉट अलाउड। थियरी अच्छा हुआ ना, सम में कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो बोलता हूँ थियरी को रट लेवे ना, 2-3 अभी जो सम करवा लूँ उतने में भी गाड़ी चल जाती आगे, तो RDD नॉट अलाउड। फिर डेप्रिसिएशन दिया, डेप्रिसिएशन हर सम में 2 बार आता है, PNL वाले को चौकड़ी मारो, है ना, और हाथों हाथ नीचे एज पर इनकम टैक्स वाले को UBE लिखना चाहिए, ये रूल ही बना दो, हर सम में डेप्रिसिएशन 2 बार आएगा, PNL वाले को क्रॉस कर देना, और नीचे जो दिया होगा उधर हमेशा अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस लिख देना चाहिए, UBE, ओके। फिर एडवर्टीजमेंट दिया, एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ एडजस्टमेंट दिया है, अरे हर पॉइंट में एडजस्टमेंट देखना ही पड़ता है, क्या दिया एडजस्टमेंट, इट इज पेड विदाउट TDS, और TDS नहीं काटते ना, तो देखने का, रेसिडेंट को दिया है तो 30% डिसअलाउड, नॉन रेसिडेंट को दिया पूरा डिसअलाउड, और यहाँ कुछ नहीं बोला है तो रेसिडेंट को दिया होगा 30% डिसअलाउड। तो ये देखो अपना टोटल एडवर्टीजमेंट 50,000 था ना, इसका 30% कितना होता है 15,000, तो देखो 15,000 को मैंने चौकड़ी मार दिया है ना, और बाकी का अलाउड 15,000 कैसे आया, 30% डिसअलाउड, 1 सेंट। फिर बाद में नेट प्रॉफिट के आंसर को देखो, मैंने डब्बे में क्यों डाला है, डब्बे में डाला है क्योंकि उससे आंसर स्टार्ट होता है, बॉक्स में डाल दिया। लेकिन क्रेडिट साइड में देखो, क्रेडिट साइड में सेक्शन 28(41) का नॉलेज काम आएगा, तो चेक करो ग्रॉस प्रॉफिट सेक्शन 28 में है तो टेक, बिजनेस का इनकम है। फिर डिविडेंड को देख के बोला, अरे भाई डिविडेंड, तू तो DW रामू फकीर वाला है, यहाँ क्या कर रहा है, तू तो इफॉस वाला है, हट और हट बोल के कट, और कट मतलब क्रॉस कर दिया, और बाजू में इफॉस लिख देना चाहिए ताकि समझे वाई क्रॉस, बिकॉज इफॉस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और सी इसको हट बोलने का मतलब तू इनकम फ्रॉम बिजनेस से हट
और इनकम, सॉरी गलती से, बिजनेस में से हट और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा। और हट मतलब कहाँ हट होगा अपने फॉर्मेट में मालूम है, इधर हट होता है देखो, लेस नॉन बिजनेस इनकम में, जो भी क्रेडिट साइड में चौकड़ियाँ बनती है ना वो लेस नॉन बिजनेस इनकम में लेस होता है ना। तो ये देखो इधर मैंने किधर गया, ये रहा क्रेडिट साइड में क्रॉस किया है, लेकिन ये नॉन बिजनेस इनकम में लेस हो जाएगा। फिर अगले दोनों पॉइंट देखो, रिफंड है, कभी भी क्वेश्चन में रिफंड आया तो देखो अलाउड आइटम का रिफंड है तो अलाउड, नॉट अलाउड आइटम का रिफंड है तो नॉट अलाउड। तो किस आइटम का रिफंड है, आइटम को देखो। तो सी पहला रिफंड इनकम टैक्स रिफंड है, इनकम टैक्स एक नॉट अलाउड आइटम है, तो जो नॉट अलाउड आइटम है तो उसका रिफंड भी नॉट अलाउड। लेकिन अगला पॉइंट जीएसटी रिफंड, जीएसटी अलाउड है, कस्टम ड्यूटी अलाउड होता है, ये सब होता है ना, और अलाउड आइटम का रिफंड भी अलाउड। तो रिफंड तो इन लोग ऑलमोस्ट हर सम में डालते, तो रूल बना दो जो आइटम अलाउड है उसका रिफंड भी अलाउड और जो नॉट अलाउड उसका रिफंड भी नॉट अलाउड। बाय द वे रिफंड्स के लिए सेक्शन होता है 41(1), मैंने दो 41 पढ़ाए थे, 41(4) वो बैड डेट का रिफंड था, बैड डेट रिकवरी, और दूसरी रिकवरी के लिए 41(1) था। तो ये 41(1) का ज्ञान लगाया है। लेकिन ठीक है, कितने लोग सेक्शन से घबराते हैं, तो इतना याद कर लो रिफंड आइटम है ना, तो अलाउड आइटम का रिफंड भी अलाउड, नॉट अलाउड आइटम का रिफंड भी नॉट अलाउड। तो देखो मैंने इनकम टैक्स रिफंड को क्रॉस किया है, उसका जीएसटी रिफंड को टेक किया है, ओके। लेकिन सी इनकम टैक्स रिफंड चौकड़ी होगा, अगर ऐसा दिया ना इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, मतलब रिफंड के ऊपर ब्याज मिला है तो वो इनकम है, तो उसको भी चौकड़ी मारूंगा, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालने का। सी इनकम टैक्स रिफंड को तो बोलना चाहिए हट, हट फुट करके क्रॉस कर दो, और ऐसे नहीं कि हट ले और इफॉस में बैठ, इफॉस में भी नहीं बैठेगा। अरे इनकम टैक्स रिफंड मतलब मेरा ही भरा हुआ पैसा मेरे को मिला है, वो इनकम ही नहीं है। तो इनकम टैक्स रिफंड को तो चौकड़ी मार दो, उसको बोले हट टू इनकम ही नहीं है, उसको हटा के क्रॉस कर दो। लेकिन इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट कमाया ना, तो मेरी कमाई है, तो उसको भी बिजनेस पे से तो हट बोलेंगे, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इज्जत पूर्वक बिठाना पड़ेगा, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंटरेस्ट इनकम का रूल क्या था, जीपीएस वाली चीज एग्जेम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल। मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कीवर्ड बताया था, जीपीएस वाले इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होते, बाकी सब टैक्सेबल है ना। जीपीएस क्या था, गोल्ड बॉन्ड्स, पॉस्बा, पीपीएफ, सुकन्या था, तो इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड इफॉस पे टैक्सेबल। तो इन शॉर्ट इनकम टैक्स रिफंड को क्रॉस करो, उसका इंटरेस्ट है तो उसको भी क्रॉस तो करो, लेकिन उसको हटा के इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल देना। लेकिन ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगा 14,400, क्योंकि ये तो मेरा ही भरा हुआ मुझे मिला है ना, तो इसको हट बोल के हटा डालो और कहीं दूसरे हेड में मत बिठाना। जीएसटी रिफंड तो बिजनेस के हेड में ही आ जाएगा, क्योंकि जीएसटी तो क्या है, भले ही अपना पैसा अपने को मिला है, लेकिन जीएसटी को हमने खर्चे की तरह क्लेम किया था ना, तो अभी इनकम में भी दिखाना पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, इसको देख के इफॉस याद आना चाहिए, उसको बोला भाई तू इफॉस वाला है, यहाँ क्या कर, हट और हट बोल के कट क्रॉस, और बाजू में ना कभी भी कोई दूसरे हेड का हुए ना हेड का नाम लिखो, क्योंकि अक्सर इन एग्जाम में ना सब हेड्स कंप्यूट करने का सम बनाते। तो चलो इनकम फ्रॉम बिजनेस हम लोग भले बोल दें हट फुट हट फुट हट फुट, लेकिन दूसरे हेड में डालना पड़ेगा। खैर इस सम में मुझे दूसरे हेड की परवाह नहीं है, क्योंकि सम इज ऑन प्रॉफिट्स एंड गेंस, खाली बिजनेस इनकम है। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा, इधर चौकड़ी मारना पड़ेगा। सी ये सब चौकड़ी मारा मतलब क्या है, ये लोग नेट प्रॉफिट में घुसे हुए पड़े, इनको निकाल देंगे हम लोग, निकालेंगे कहाँ, ये देखो इधर लेस है ना। एंड फिर ये भी मेरे को बता दो, इसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या इफेक्ट आता है पीपीएफ का, एग्जेम अंडर सेक्शन 10(11), मतलब इधर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का स्टेटमेंट बनाना पड़े तो उसमें डैश आएगा, एग्जेम अंडर सेक्शन 10(11), ओके। फिर पूरी मार्किंग होने के बाद ना बचे कुछ एडजस्टमेंट है, बचे कुछ है क्यों, मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट में साथ साथ देखते गया ना, अब देखो कुछ बचा हुआ एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट 1, 2, 3, 4 सब साथ में हो गया था, हाँ लास्ट वाला एडजस्टमेंट अभी भी बचा है, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड वर्ड को पढ़ के कुछ हो रहा है, अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम में आएगा UBI, और UBI अपने फॉर्मेट में अलग से ऐड होता है ना, फॉर्मेट में सब सेट हो जाएगा भाई। तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना पड़ता है। तो बस ये मार्किंग करके बता दिए, अब इसका तुमको सॉल्यूशन का हुलिया देखना है ना, वो भी बता दे दो। ये देखो
ये कौन सा सम था देख जरा, ये क्वेश्चन नंबर 4 था ना, इसका सॉल्यूशन भी मैंने तुमको दिखाने के लिए रेडी रखा है, ताकि फटफट देख लो किधर गया किधर गया। ये रहा देखो, ये वही सम है, नेट प्रॉफिट 1485 400 कहाँ से आया बता, कहाँ से आया? ये रहा 1485, चेक कर दिया बराबर है ना, चेक करो। फिर बाद में क्या करना चाहिए, इसमें डेबिट साइड की सारी चौकड़ियाँ ऐड, डेबिट साइड में गिनो कितनी चौकड़ी है, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 आइटम्स पे क्रॉस भाग है ना, गिन के रखना, 5, 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
तो जो भी क्रॉसमार्क आइटम्स था उसका लिस्ट बना दिया, ओके ये लिस्ट बन गया। और है ना कुछ भी डिसअलाउड किया ना उसका रीजन लिख, नहीं तो कभी कभी मार्क्स काटते हैं लोग। जैसे इंटरेस्ट और लोन को हमने डिसअलाउ क्यों किया था, क्योंकि नॉट पेड था, और 43B भड़क गया, 43B बोलता है कि पेड होना चाहिए तो रीजन लिखने का। फिर एडवर्टीजमेंट विदाउट TDS था तो 30% डिसअलाउ था, सेक्शन लिखो। अरे जिधर भी कोई रीजन मिल रहा है, कोई सेक्शन मिल रहा है तो लिखो, ऐसे ही खाली लाइन से आइटम कॉपी कर दिया ऐसा नहीं होता है। बट इधर डालना क्या है, सब डेबिट साइड का क्रॉस भागा। फिर फॉर्मेट आगे बढ़ो, आज के बाद क्या करते, लेस नॉन बिजनेस इनकम। इधर क्रेडिट साइड की चौकड़ियाँ लिखते हैं ना, तो अपने सब में देखो क्रेडिट साइड में कितनी चौकड़ी थी गिन के बता दो। तीन थी ना, 1, 2, 3। तो ये तीनों को मैंने देखो सॉल्यूशन में छाप दिया है, 1, 2, 3, ओके। फिर अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस में डेप्रिशन एज पर इनकम टैक्स था, ये देखो दिखा देता हूँ। फिर अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम में सब्सिडी था, तो ये मैंने इधर डाल दिया सॉल्यूशन में, है ना। बस ऐसे हो गया, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस था। अब देखो एक और सम कराता हूँ, एक और सम में ना एक दो सम मेरे साथ करोगे हाथ बैठ जाएगा तुम लोग का। ये देखो ये क्वेश्चन फटाफट साथ में कर दे। इस सम में क्या पूछा है, स्टार्टिंग में देख, कंप्यूट दी टैक्स लाइबिलिटी, ले तो सब कुछ करना पड़ेगा। सी ये बोलने के लिए PGPP का टॉपिक है, लेकिन PGPP के थ्रू मैं टोटल इनकम में लेके जा रहा हूँ। मतलब ये टॉपिक का नाम PGPP एज वेल एज टोटल इनकम है, और टोटल इनकम में कुछ नया नहीं होता, वो मेन PGPP आता है, लेकिन दूसरे सब हेड्स को भी सेट करना पड़ता है, वैसा वाला एक सम है। और कैसे मालूम पड़ा, टैक्स पूछा है, मतलब सब कुछ करना पड़ेगा ना, ओके। तो सी पहले डेबिट साइड में देखो क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस पहले एडजस्ट में देखो, उसका कोई एडजस्टमेंट है नीचे कुछ है नहीं दिया है, तो रिलेटेड टू बिजनेस समझ के अलाउड, तो टिक कर दिया, चेक कर दिया। फिर एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ एडजस्टमेंट है, हाँ है ना, ये देख क्या लिखा है, इंक्लूड्स। मेरे को इंक्लूड्स वर्ड को देख के कुछ होता है, तुमको भी होना चाहिए बॉक्स मार देने का ऐसा, इंक्लूड्स मतलब अंदर घुसा हुआ है। अब क्या सोचना चाहिए, एडवर्टीजमेंट को तो मैं अलाउ करने के मूड में था, अब देखिए उसके अंदर ऐसा क्या घुसा पड़ा है, क्या घुसा पड़ा है, 75,000 पॉलिटिकल पार्टी का सोविनियर, ये तो अलाउड नहीं है। और ये एडवर्टीजमेंट घुसा हुआ है, निकालो बाहर उसको। तो देखो मैंने बाहर निकाल दिया, 3 लाख में से पॉलिटिकल पार्टी वाला 75 था ना नीचे, उसको अलग करके चौकड़ी मार दिया, बाकी को टिक कर दिया, है ना। तो इंक्लूड्स वर्ड को ना हमेशा नोट किया करो बराबर से। फिर अगला पॉइंट क्या, सेल्स टैक्स आउटस्टैंडिंग, सेल्स टैक्स टैक्सेस है, मतलब TB लिख रहा, मैं टी था टी, टैक्सेस आर अलाउड इफ इट इज पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 43B। और इधर पेड है कि आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग नहीं चलेगा, नॉट अलाउड। कस्टम ड्यूटी, सी साथ साथ सब में एडजस्टमेंट देखना चाहिए, अभी समझ जाओ मैं देख नहीं रहा हूँ बार बार। कस्टम ड्यूटी मैंने बताया, कोई भी टैक्स गुड्स के ऊपर होता है ना तो अलाउड होता है, और कस्टम ड्यूटी इज ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स अलाउड, बट इफ इट इज पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, ये भी पेड होना चाहिए। अब पेड के बारे में कुछ नहीं दिया है, कभी भी प्रॉब्लम साइलेंट हो, मेक पॉजिटिव अजम्पशन, अज्यूम करो पेड ही होगा, नेगेटिव कभी नहीं सोचने का ना लाइफ में, कुछ नहीं बोला तो पेड ही होगा, और पेड अज्यूम करके टिक कर दो, टिक कर दिया। फिर इनकम टैक्स, कौन से दो टैक्स नॉट अलाउड होने में, इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स, इसका तो सेक्शन भी रट लो, 40 छोटा है, इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स नॉट अलाउड, 40 छोटा है। फिर डेप्रिशन सम में दो बार आता है, PNL वाले को चौकड़ी मार दो, देखो मारा है, और हाथों हाथ जो नीचे दिया होगा ना उसको अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस में डालना है, ओके। फिर RDD नॉट अलाउड, ये सब पढ़ाया हुआ थियरी में। सेल्स टैक्स के आगे पेनल्टी लिखा है, देखो पेनल्टी को बॉक्स में क्यों डालो ना मैं, किसी भी टैक्स के बाजू में पेनल्टी दिया तो नॉट अलाउड। मैंने तुमको ना 3 कॉलम दिए थे, टैक्सेस इंटरेस्ट पेनल्टी, जो जो टैक्स अलाउड है उसका इंटरेस्ट अलाउड, जो जो टैक्स नॉट अलाउड उसका इंटरेस्ट नॉट अलाउड, लेकिन पेनल्टी सभी का नॉट अलाउड, तो ये पेनल्टी है नॉट अलाउड, ब्रीच ऑफ लॉ बोलते हैं, ब्रीच ऑफ लॉ। फिर अगला पॉइंट क्या था, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, इसका सेक्शन 31 था,
तुम लोग रिवाइज करो ना, पूरा रट लो ना, पढ़ लो ना, एक ही जिंदगी मिली है, पढ़ने का अभी मौका है, अभी परफॉर्म नहीं करोगे तो कब करोगे? जिंदगी में कोई कोई टाइम ही आता है जब परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है, ओके? और ये तुम लोग की जिंदगी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करो, याद करो सब, रिपेयर्स को देखते सेक्शन 31, मेरे को क्यों याद है? ऐसे मत बोला सर आप सर हो, सर नहीं, मैंने बहुत रिपीट किया है, तो तुम लोग भी रिपीट करो ना यार। तो रिपेयर्स सेक्शन 31 में अलाउड है, लेकिन मैंने क्रॉस क्यों किया है? क्योंकि नीचे कुछ गड़बड़ हो गई है, क्रॉस चेक से पे किया है। और मान लो रूल है 10,000 के ऊपर होता है ना तो अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट, टीसीएस होना, अकाउंट पे ही चेक। और ये रिपेयर्स का अमाउंट 65,000 है भाई, तो 10,000 के ऊपर है तो अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए। लेकिन अगर क्रॉस चेक करके सत्यानाश कर दिया ना, गलत हो गया, तो ये नॉट अलाउड, तो चौकड़ी मारा है। फिर नेट प्रॉफिट को बॉक्स पड़ा, आंसर चालू होता है इससे। क्रेडिट साइड देखो, क्रेडिट साइड में सेक्शन 28-41 की लिस्ट याद होने चाहिए, ओके? ग्रॉस प्रॉफिट अलाउड अंडर सेक्शन 28, बैड डेट रिकवरी ये भी अलाउड, सेक्शन 41(4) था। लेकिन पता है बैड डेट रिकवरी रूल था, पहले बैड डेट अलाउड था तो ही रिकवरी टैक्सेबल है, पहले नॉट अलाउड तो अभी भी नॉट अलाउड। इधर कुछ नहीं दिया होता है ना, ऑलवेज अज्यूम बैड डेट पहले कभी अलाउड हुआ था, और पहले अलाउड था तो अभी भी अलाउड, ऑलवेज अज्यूम इट वॉज प्रीवियसली अलाउड। बाई चांस ब्रैकेट में दिया होता ना इधर, इट वॉज प्रीवियसली नॉट अलाउड इन पास्ट, वो तो नॉट अलाउड तो अभी भी नॉट अलाउड। और ऐसा बोला तो इट वॉज प्रीवियसली अलाउड, ओ अलाउड तो अभी भी अलाउड। कुछ नहीं बोला तो टिक ही करना है, लेकिन कभी कभी ब्रैकेट में देते हैं ऐसा इन लोग। पावर सब्सिडी, सब्सिडी भी अलाउड है, सेक्शन 28 में था, है ना? लेकिन ये पावर सब्सिडी के लिए मशीनरी सब्सिडी होती होता मशीनरी, तो एसेट वाली सब्सिडी इनकम में नहीं लेते तो उसको चौकड़ी मार देगा, क्योंकि वो एसेट की कॉस्ट में से लेस होता है। एसेट्स लोग तो बैलेंस शीट आइटम होते हैं ना, तो अगर ये पावर सब्सिडी के बदले मशीनरी वाला सब्सिडी होता तो मैं इसको टिकड़ा नहीं, चौकड़ी मारता, एंड फिर उसको मशीनरी की कॉस्ट में से लेस करते, और बाद में सब में शायद मशीनरी की कॉस्ट दी हो उसमें लेस करना पड़े शायद, वैसे सब में तो डेप्रिसिएशन निकालने का भी देंगे इन लोग। बट खैर, ये तो पावर सब्सिडी तो टिक कर देंगे। फिर डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले, यहाँ क्या अगर हट और हट बोल के कट, और बाजू में इफॉस लिखने का, क्योंकि ऐसे बिजनेस पे से हट गया लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इज्जत पूर्वक बैठेगा, और इस समय तो टैक्स कैलकुलेशन पूछा तो सब कुछ करना पड़ेगा ना। फिर रिफंड, रिफंड का क्या रूल था? अलाउड आइटम का रिफंड अलाउड, नॉट अलाउड आइटम का रिफंड नॉट अलाउड, तो किस आइटम का रिफंड है? देखो इनकम टैक्स, ओ इनकम टैक्स नॉट अलाउड, तो रिफंड भी नॉट अलाउड। इसका इंटरेस्ट होता ना, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, तो भी उसको चौकड़ी मारता, लेकिन इंटरेस्ट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाने का, इसको तो खाली चौकड़ी मार के हट फुट बस, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड है तो चौकड़ी मारो और उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी डालो। क्रॉस तो दोनों ही होगा, चाहे आईटी रिफंड हो के उसका इंटरेस्ट हो। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये तो दूसरे हेड वाला है, तो इसको बोले हट, कैपिटल गेंस वाला हट, और हट बोल के कट, तो कैपिटल गेंस है। सारा डिस्कशन हो चुका, अब सॉल्यूशन में देखो, कभी भी क्वेश्चन में टैक्स कैलकुलेशन पूछा हो ना, अपने आंसर में ना पहले 5 हेड्स का स्टेटमेंट बनाने का, पांचों में से कुछ हो के नहीं हो पांचों हेड को इज्जत पूर्वक लिखो, फिर बाद में टैक्स कैलकुलेशन स्टेटमेंट होता है सटक लटक लटक विनिंग्स बैलेंस, फिर गरीबों के लिए रिबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज, सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन, वैसा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ओके? तो ये देखो, लुक, इसका मैं डायरेक्ट आंसर दिखा देता हूँ, अपने आंसर में क्या बनाने का देख, स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम। जब कभी भी क्वेश्चन में पूछा हो ना टैक्स कैलकुलेट कर, तो अपना मेन आंसर यही दिखना चाहिए, फिर उसके बाद ये दिखना चाहिए, ये फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस वर्किंग नोट में आएगा, और उस समय अगर हाउस प्रॉपर्टी घुसेड़ दिया वो वर्किंग नोट में आएगा, इनकम फ्रॉम सब वर्किंग नोट है। अपना मेन आंसर क्या होगा? एक तो ये, और इसके जस्ट पहले ये, स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम, ओके? तो सी हेड वाइज जाओ, इनकम फ्रॉम सैलरी सब में है नहीं है? और सी कभी भी ये जो क्वेश्चन दिया ना, क्वेश्चन के हिसाब से मत जा, इसका क्या करो इसका क्या करो, अरे क्वेश्चन में मत खोजा, डोंट गो एज पर सम, गो एज पर सिस्टम। और अपना सिस्टम क्या बोलते हैं? हेड वाइज चेक कर। तो देखो मैं सिस्टम से जा रहा हूँ, ये देखो किधर गया सिस्टम, अपना सैलरी है नहीं है तो डैश, हाउस प्रॉपर्टी है होता ना मालूम है किधर होता? सी तुम लोग ध्यान से सुनो, मैं क्या एक दो सम के जरिए ना तुमको पूरा ट्रेन कर रहा हूँ। ये देखो हाउस प्रॉपर्टी इधर नहीं होता तो कहाँ होता ना, ये देखो क्रेडिट साइड में बाई चांस इन लोग
रेंट दे सकते थे, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर होता ना तो उसको यहाँ तो चौकड़ी मारा होता ना, लेकिन फिर उसको इधर लेना पड़ता। और पता है इन लोग बोलते रेंट है, लेकिन 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन कट करने का वो इन लोग याद नहीं दिलाएंगे, याद से लेना याद से लेना, वो अपने को याद रखना होता है। इन लोग तो खाली रेंट दे देंगे क्रेडिट साइड में, लेकिन अपने को उसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन कट करके लेना चाहिए। लेकिन इस सब में नहीं है तो मुझे परवाह नहीं है। फिर अगला हेड क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसके लिए नोट बनानी पड़ेगी, वो नोट बताता हूँ। फिर कैपिटल गेंस में कुछ था ना अपने सब में, ये था ना लास्ट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, उसको लिख दिया इधर, है ना। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का कुछ था क्या, ये था ना इधर, डिविडेंड था ना। और एक ही चीज थी ना, तो उसकी मैं वर्किंग नोट ही बना रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एक दो चीज ही होता है ना तो ऐसे देखो डायरेक्ट लिख देने का डिविडेंड। हाँ, दो तीन आइटम दी होती तो उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का वर्किंग नोट बनाते। ओके, तो ये हो गया। फिर ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। फिर चैप्टर सिक्स से में देखो मैंने क्या डाला, डोनेशन जीजीसी कहाँ से स्ट्राइक हुआ मालूम है, मैंने बताया था तुम लोगों को पढ़ाते टाइम, पॉलिटिकल पार्टी के पैम्पलेट्स में ऐड देते ना तो गवर्नमेंट उसको एडवर्टीजमेंट नहीं समझती, डोनेशन मानती है। और डोनेशन का 80 जीजीसी में था, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट, तो 80 जीजीसी में आएगा। बिजनेस में उसको चौकड़ी मारा है, लेकिन चैप्टर सिक्स में आएगा ना, कितना था 75,000, तो उसको मैंने इधर 75,000 को ले लिया। ये हिडन चीजें समझनी पड़ती है, दिमाग लड़ता नहीं है, मैंने बता दिया इससे पता नहीं चला तुमको। फिर नोट नंबर वन क्या था, इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसका फॉर्मेट देखो, ये नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट होता है, तो फटाफट देख लो नेट प्रॉफिट कितना था सब में, 25 लाख, ठीक है। फिर बाद में क्या करूंगा, डेबिट साइड में जितनी भी चौकड़ियां हैं ऐड कर दो, एक बार गिन लेते ना अपने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आइटम चौकड़ी है ना, मैं दिखा देता हूँ डायरेक्ट, 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो बस कॉपी करना अपने को। तो डिसअलाउड एक्सपेंस हो गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, लेस नॉन बिजनेस इनकम। अब नॉन बिजनेस इनकम में क्रेडिट साइड की चौकड़ियां, कितनी चौकड़ियां क्रेडिट साइड में, तीन है ना, तो गिन के रहा, तीन था ना, तीन, ये देखो 1 2 3 खत्म। फिर बाद में लेस अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस, उसमें डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स आएगा, और वो सब में मोस्टली रहता ही है। इस सब में देखो क्या था, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स आना है 7 लाख, वो लिख दिया। फिर अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम नहीं भी है तो भी लिख दो ना, डैश कर देना, क्या आता है, हाँ एग्जाम में टाइम नहीं है तो टाइम मत वेस्ट करना, है ना। तो ये अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया। फिर क्या करूँगा इसको, इसको 5 हेड्स में शामिल कर दो, तो ये शामिल हो गया। फिर हो गया ना ये, फिर इसके बाद क्या करते, ये आंसर के हमेशा 5 टुकड़े करने चाहिए, कैसे, सटाक लटाक लटाक, दो बार लटक है, एक इक्विटी शेयर्स का लॉन्ग टर्म और एक अदर लॉन्ग टर्म, फिर विनिंग्स और बैलेंस। तो चेक करो, कुछ नहीं भी है तो मन में सब आना चाहिए, इक्विटी शेयर्स का कोई शॉर्ट टर्म गेन सब में है, बाई चांस होता तो उसको अलग करके 15% टैक्स आता उस पर, याद रखना। फिर लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स का कुछ है, होता तो अलग करके 10% टैक्स आता है। लेकिन सी बता दे तो एक बात, इक्विटी शेयर्स का लॉन्ग टर्म होता भी ना तो उसमें से 1 लाख माइनस करके बैलेंस पे 10% टैक्स आता है। ये मैं कैपिटल गेंस में बताऊंगा कि हर इक्विटी शेयर्स के लॉन्ग टर्म पे 1 लाख रुपया माफ है, बैलेंस पे 10% टैक्स आता है। ओके, खैर इस सब में है ही नहीं ऐसा कुछ। फिर सादा लॉन्ग टर्म है, सी ये सिर्फ लॉन्ग टर्म बोला था ना, इक्विटी शेयर्स तो नहीं बोला था ना, तो जनरल लॉन्ग टर्म है, और जनरल लॉन्ग टर्म का कॉलम अलग बनता है, उस पर 20% टैक्स आता है। देखो चेक कर लो ना, 20% निकाला सही है, विनिंग्स क्वेश्चन में नहीं था तो डैश, बैलेंस। सी ये सब कॉलम नहीं बनाया चलता, लेकिन मैं प्रेजेंटेशन में सब क्यों बता रहा हूँ, ताकि सोचना तो पड़ता है ना, नहीं है तो नहीं करेंगे, लेकिन सोचना तो सब पड़ता है। फिर ये बैलेंस के ऊपर स्लैब रेट से टैक्स आना चाहिए। ओके, और स्लैब रेट्स के हिसाब से मैंने निकाल दिया, अभी ठीक है समझो, ये स्लैब रेट से मैंने निकाला है। फिर बाद में इन सब को इकट्ठा करेंगे तो ये आ गया। फिर रिबेट कब आता है, अगर 5 लाख तक NTI हुआ तो, इसका NTI कितना है, 26 लाख, ले तो ये गरीब नहीं है, गरीबों के लिए रिबेट होता, गरीब मतलब 5 लाख तक होना चाहिए। ओके, लेकिन ये 5 लाख नहीं है तो रिबेट नहीं आया, तो डैश। और सरचार्ज किसको आता, अमीरों के लिए, अमीर मतलब 50 लाख के ऊपर होना चाहिए, लेकिन इसका NTI 50 लाख के ऊपर नहीं है। फिर हेल्थ एंड एविशेस तो सबके लिए आता ही है, वो आ गया। फिर ऐसा टैक्स लाइबिलिटी, एंड फिर लास्ट में देखने का, अगर सब में बोला उसका कोई TDS कटा था, ये कटा था,
तो लेस कर देने का। सी कोई भी इनकम में टीडीएस कटा होता है ना, तो अपने जब हेड्स ऑफ इनकम लिखते हैं ना तो इधर ग्रॉस अमाउंट लिखने का। जैसे मान लो अपने ही सम में ये था ना, ये डिविडेंड था, डिविडेंड दिख रहा है ना, और ऐसा बोला डिविडेंड में टीडीएस कटा था, और डिविडेंड में टीडीएस कट के अपने को नेट अमाउंट मिला था। मतलब ये बोल रही है नेट अमाउंट है, अरे मतलब डिविडेंड का अमाउंट नेट है, नेट नेट ऑफ टीडीएस है। तो अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ग्रॉस दिखाना पड़ता है, एक रूल ही है। कभी भी टीडीएस कटा हो ना तो ठीक है, टीडीएस कटा है मतलब अपने को टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, लेकिन शांति रखो, एक बार के लिए उसको ग्रॉस करके दिखाना पड़ता है। तो जैसे मान लो इधर बोला है ये टीडीएस कटने के बाद नेट अमाउंट है, ये नेट है, तो नेट है मतलब ये, और 10% टीडीएस पकड़ो तो नेट मतलब 90% है। तो 90% अगर 240,000 है, मतलब सब में ऐसा देंगे तो अपने सब में नहीं था, अगर दिया होता अगर डिविडेंड का नेट है नेट, तो 90% है, तो 100% कितना, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। फिर वो ग्रॉस अमाउंट को इधर दिखाने का, मतलब कभी भी 5/8 ऑफ इनकम में कोई इनकम का टीडीएस कट है तो अपने को ग्रॉस करके दिखाने का। एंड फिर वो जो टीडीएस का अमाउंट होगा ना 10% वाला, वो लास्ट में इधर एडजस्ट हो जाता है। ये देखो मीन्स अपना जो भी टैक्स लाइबिलिटी है ना, उसमें जो अमाउंट टीडीएस के फॉर्म में कट है उतना हम कम भरेंगे, लेकिन वो एडजस्टमेंट इधर आता है। और 5/8 में अपने को नेट दिखाने के ग्रॉस। लेकिन सी अपने जब इनकम फ्रॉम बिजनेस का स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो उसमें मालूम है डिविडेंड को हमने क्या किया था, हट बोला था ना, तो हटाएंगे तो उतना इसमें नेट डाला है ना इनकम में, तो नेट अमाउंट ही हटाएंगे। अरे अपने नेट प्रॉफिट में जो अमाउंट घुसा पड़ा है वो तो नेट ऑफ टीडीएस घुसा है, तो घुसा हुआ अमाउंट ही नेट है, तो निकालेंगे भी नेट ना, लेकिन निकाल के उसको इफॉस में फेंकेंगे तो उधर ग्रॉस करेंगे। फील कर, इनकम फ्रॉम बिजनेस पे से तो जितना घुसा है उतना ही हटा। जैसे अपने नेट प्रॉफिट में तो ये नेट ऑफ टीडीएस घुसा हुआ है ना, तो जितना घुसा है उतना ही हटाओ। अरे हटाओ मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ये देखो अपने डिविडेंड को इधर हट फुट बोले, तो इधर तो नेट प्रॉफिट में जितना डला था उतना ही हटाने का ना, तो इधर तो नेट अमाउंट का इफेक्ट आएगा, लेकिन इसको हट फुट करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल करेंगे तो उसको व्यवस्थित ग्रॉस करके दिखाना चाहिए सिस्टमेटिकली। ओके, तो ऐसा पॉइंट है ना, इन लोग कभी भी डाल सकते हैं। तो आई रिपीट, इधर अगर ऐसा दिया है डिविडेंड नेट ऑफ टीडीएस, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस में तो नेट अमाउंट को ही निकालना, कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में तो हम लोग नेट प्रॉफिट में जो डाला है वही निकालेंगे ना, और इधर क्रेडिट साइड में लो नेट फिगर डाला है तो नेट अमाउंट ही निकालो, लेकिन निकाल के जब उसको इफॉस में डालेंगे तो ग्रॉस करके दिखाना, और ग्रॉस करने भी आना चाहिए। अगर इन लोग बोले वो 90% फिगर है तो 100% ग्रॉस अप करना पड़ेगा, और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखा दो, और बाद में जो टीडीएस कटा है ना उसका लास्ट में बता दो कि भाई मेरा टीडीएस कटा था तो मैं वो हिसाब से टैक्स थोड़ा कम भरूंगा, ये लास्ट में देखो ये। तो ये सब पॉइंट्स का इफेक्ट याद रखना। तो मैंने एक और सम करवा दिया, तो बस तुमको मैंने दो सम करवा दिए ना, तुम लोग को क्या सम सॉल्व करने का तरीका आ गया, क्योंकि सी मैं खाली थियरी पढ़ा दूँ तुमको सम सॉल्व करना ना है तो मतलब नहीं ना, लेकिन मैंने जिस सिस्टम से तुमको दो सम सॉल्व करवाया ना उस सिस्टम से और प्रैक्टिस करो। और मैंने दो सम है ना थॉटफुली चुने थे, ऐसे सम चुने थे जिसमें मैं तुमको प्रॉपर ट्रेन कर पाऊँ, विद लेस नंबर ऑफ सम्स आई कैन ट्रेन यू फुल्ली। ओके, तो दिस कम्प्लीट्स योर इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस का अपना टॉपिक खत्म हो गया, अब है ना नेक्स्ट टॉपिक चालू हो रहा है सेक्शन 115 BAC। सेक्शन 115 BAC एक नया सेक्शन, इसमें भारी अमेंडमेंट्स आए, तो वो वाला टॉपिक मैं तुमको करा रहा हूँ अभी। ओके, 115 BAC, एक सेकंड, वेट सॉरी, वो करने के पहले एक और चीज़ बतानी पड़ेगी, सॉरी वो बाद में करो। इनकम फ्रॉम बिजनेस एक और अच्छा पॉइंट बताना, ये देखो लुक, एक अच्छा पॉइंट है तुमको बताना ही पड़ेगा, वो मैं बता दो क्या है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में एक और अच्छा पॉइंट है, कभी कभी इन लोग क्वेश्चन में ना रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट देते हैं, क्या देते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये देखो ऐसा 90% सम में तो इन लोग क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देते हैं,
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देते तो उसका तो फॉर्मेट मैंने बताया था, नेट प्रॉफिट से चालू करो, फिर एड बैक डिसअलाउड एक्सपेंस, लेस नॉन बिजनेस इनकम, फिर लेस अनरिकॉर्ड बिजनेस एक्सपेंस, एड अनरिकॉर्ड बिजनेस इनकम, ऐसे करते ना। लेकिन अगर रिसीट से पेमेंट्स अकाउंट दिया ना तो पता है अपने को दिक्कत क्या आएगी, ये देखो नेट प्रॉफिट ही नहीं रहेगा मेरे पास। अरे अपना आंसर नेट प्रॉफिट से चालू होता है, और अगर एग्जाम में रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया ना तो नेट प्रॉफिट ढूंढ ढूंढ के थक जाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट्स मतलब बैंक अकाउंट है, कैश और बैंक अकाउंट में कभी नेट प्रॉफिट मिल सकता है नहीं। तो वैसे सम को सॉल्व करने का तरीका ही कुछ अलग होता है। ओके, तो सी तरीके में क्या अलग होता है बताता हूँ। पहले तो इतना याद रखना, अगर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया ना तो डेबिट साइड में सब रिसीट जैसी चीज होगी, तो अगर इनकम मिलेगी तो रिसीट साइड में मिलेगी और एक्सपेंस मिलेंगे तो पेमेंट साइड में। खैर प्योर इनकम है, रिसीट्स एंड पेमेंट तो कुछ भी रिसीव आ जाएगा, लोन मिला है तो भी आएगा, पर जो भी है इनकम अगर मिलेगी तो रिसीट साइड में मिलेगी ना, एक्सपेंस मिलेगा तो पेमेंट साइड में। तो सी पहले तो है ना टिक मार्क क्रॉस मार्क करने के नियम में कुछ फर्क नहीं है, ऐसे सब में खाली फॉर्मेट ही एक अलग हो जाता है। टिक मार्क क्रॉस मार्क करने के नियम एज यूजुअल है, एक बार फटाफट देख लो टिक मार्क क्रॉस मार्क कैसे किया मैंने। ये देखो ओपनिंग बैलेंस मतलब ये किसका बैलेंस है, बैंक बैलेंस, और बैंक बैलेंस को क्या बोलना चाहिए भाई, तो बैलेंस शीट आइटम है, और अपने को बैलेंस शीट आइटम नहीं इनकम स्टेटमेंट बनाना है, तो इसको बैलेंस शीट आइटम बोल के देखो चौकड़ी मार दे, दिख रहा है, क्लोजिंग बैलेंस को भी चौकड़ी मार दिया है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा क्योंकि कैश एंड बैंक अकाउंट है ना, तो उसको चौकड़ी मार दे, याद रखो सब, क्योंकि बैलेंस शीट आइटम है। फिर डेबिट साइड में देखो ऑडिट फीस फ्रॉम क्लाइंट्स, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का सम है ना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट फीस इज अ बिजनेस इनकम तो टिक कर दिया, कंसल्टेशन फीस टिक बिजनेस इनकम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। फिर ये देखो मैंने इसको पूरा बॉक्स बना एक साथ देख लो सबको, डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम, ये अपने DW रामू फकीर के लोग है, डिविडेंड आता है उधर और फकीर में आई भी तो था, तो ये देखो सब डिविडेंड इंटरेस्ट को इकट्ठा मैं एक साथ चौकड़ी बता रहा हूँ। छह तो देख लो, एक डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी है, एक इंटरेस्ट ऑन पॉस्बा है, और एक फिक्स डिपॉजिट बैंक है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, लेकिन सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो देखो मैंने सबको चौकड़ी मार के रखा है, दिख रहा है चौकड़ी मारा है, लेकिन चौकड़ी मारा मतलब इसको बोले हट, इधर से हट और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या इफेक्ट आएगा, डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एग्जेम्प्ट हो जाएगा 3,500 तक, और इधर तो 3,000 ही है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इधर तो हट चौकड़ी बिजनेस का नहीं हट। फिर FD विद बैंक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इधर सब क्रॉस हो जाएगा। सेल ऑफ मोटर कार, इसको क्रॉस क्यों किया मैं, क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स में आता है, पता है डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट था मैंने बताया था यार, ओपनिंग WDV एड परचेज लेस सेल्स, तो लेस सेल्स उधर होता है, और वैसे भी गाड़ी बेचा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में आता है कि बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आइटम, और बैलेंस शीट आइटम को देखते ही बोला हट पुट हट पुट हट हट मतलब कट क्रॉस करना है, तो उसी इसको मैंने चौकड़ी मारा है, गाड़ी बेची है ना, और इसको चौकड़ी मारा है, बाद में क्या लिखा लेस फ्रॉम ब्लॉक, ब्लॉक में से लेस करना है। तो सी टिक मार्क क्रॉस मार्क करने के नियम यूजुअल है, लेकिन इधर मालूम है फॉर्मेट थोड़ा अलग होगा, फॉर्मेट में क्या अलग है बताऊंगा, पहले एक बार टिक मार्क क्रॉस मार्क कर लेते फटाफट। फिर देखो क्रेडिट साइड में ऑफिस रेंट है, ऑफिस रेंट का कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया तो बिजनेस का अलाउड टिक कर दिया, गिफ्ट टू स्टाफ, स्टाफ को दिया ना तो बिजनेस का खर्चा अलाउड। फिर जनरल एक्सपेंस को मैंने ब्रेकअप किया, मालूम है क्यों, क्योंकि देखो नीचे लिखा है जनरल एक्सपेंस इंक्लूड्स 4,000 गिवन टू डॉटर एज बर्थडे गिफ्ट, बेटी को बर्थडे का गिफ्ट दिया, पर्सनल है, पर्सनल नॉट अलाउड। तो सी वो 4,000 था ना, तो जनरल एक्सपेंस था 14,000, लेकिन उसमें से 4,000 क्रॉस 10,000 टिक, ऐसा ब्रेकअप करना चाहिए। ओके, फिर मोटर कार एक्सपेंस के लिए कुछ दिया था नीचे, पर्सनल यूज ऑफ मोटर कार इज 25%, तो गाड़ी का पर्सनल यूज 25% है, तो 25% चौकड़ी, बाकी का टिक हो जाएगा, तो ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो ये देखो मोटर कार का एक्सपेंस है ना, ये देखो दिख नहीं रहा ना तुम लोगों को, ये देखो ये दिखा रहा हूँ, मैंने 16,000 के दो टुकड़े किए ना, 25% क्रॉस, बाकी का टिक किया है। फिर एक सेंट इनकम टैक्स हमेशा नॉट अलाउड होता है, इनकम टैक्स क्रॉस मार्क होता है ना यार, 40 छोटा है। फिर ड्रॉइंग्स पर्सनली नेचर होता है,
और वैसे भी ड्राइंग्स बैलेंस शीट आइटम है, कभी भी बैलेंस शीट आइटम कभी दिखे तो चौकड़ी मार देगा। ड्राइंग्स वाले बैलेंस शीट कैपिटल में से लेस करते हैं। फिर मोटर कार ले, मोटर कार का खर्चा है उसके लिए नीचे क्या बोला 25% पर्सनल है, ओके। फिर कन्वेंस एक्सपेंस ये अलाउड, कुछ नहीं बोला तो बिजनेस का समझ के अलाउड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ हमेशा पर्सनल होती है। अरे लाइफ इंश्योरेंस मेरी पर्सनल लाइफ है और पर्सनल चीज़ें बिजनेस में चौकड़ी मारने का नॉट अलाउड, क्रॉस। लेकिन ATC में जाएगा, चैप्टर 6 में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ते तो लंप एंटर्स में था ना LATC में जाएगा। लेकिन इस समय मुझे ATC की परवाह नहीं है, क्योंकि क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस ही निकालना। लेकिन टैक्स कैलकुलेशन पूछा होता तो अपने को लाइफ इंश्योरेंस का ATC में इफेक्ट देना पड़ता। फिर सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी दिया तो अलाउड, बिजनेस का खर्चा है ना, तो ये सब हो गया। फिर ये ओपनिंग WDV क्यों दिया है, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। और डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट क्या है बताओ, ओपनिंग WDV कितना दिया है 2,50,000, एड परचेजेस, परचेजेस सब में नहीं दिया है, फिर लेस सेल्स दिया था, ये रहा देख देख ये रहा, 1,00,000 का सेल है तो माइनस हो गया, तो कितना आ गया 1,50,000। फिर इस पे डेप्रिसिएशन आया, गाड़ी पे है ना 15% डेप्रिसिएशन होता है, ओके। तो 15% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, उसमें भी 25% पर्सनल है, लिखा था गाड़ी पर्सनल है 25%, तो पहले डेप्रिसिएशन निकालो, लेकिन उसमें से 25% नॉट अलाउड, बाकी का अलाउड होगा। तो सी अभी तक कुछ अलग नहीं लगा, लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में है ना, मैंने क्या बोला, ऐसा फॉर्मेट नहीं चलेगा। इधर पता है सम सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो एकदम सिंपल तरीका है, लुक ये फॉर्मेट नहीं चलेगा, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड नहीं चलेगा। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड नहीं चलेगा। तो कौन सा मेथड चलेगा, देखो इधर देखिएगा, लुक यार एक बार इसको मैं कट कर रहा हूं, ये नहीं चलेगा, ओके। क्योंकि ये फॉर्मेट चलाने के लिए शर्त क्या है, नेट प्रॉफिट होना चाहिए ना, और रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट नेट प्रॉफिट नहीं होता है। तो ये देखो फॉर्मेट फिर कैसा होगा, देख पहले रिसीट साइड में से जितनी भी इनकम दिख रही है ना, जो टिक की हुई इनकम है, टिक वाली हाँ, उसकी लिस्ट बना दो, चौकड़ियों को मत लेना। जो इनकम बिजनेस की है, बिजनेस की लायक है, उसको ही जमा करो रिसीट साइड में से। फिर पेमेंट साइड में से जितने भी टिक मार्क वाले खर्चे, उसकी लिस्ट बना दो। और डेप्रिसिएशन अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि ना डेप्रिसिएशन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एक कैश और बैंक अकाउंट है और डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, तो डेप्रिसिएशन अपने को अलग से लेना पड़ेगा। और पता है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, लोग डेप्रिसिएशन भूलते हैं, मैंने नोटिस किया है कि स्टूडेंट क्या करेगा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में से क्या करेगा, पहले रिसीट साइड को ऊपर छाप देगा, फिर पेमेंट साइड को नीचे छाप देगा, और घाय घाय में डेप्रिसिएशन दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में रहेगा ही नहीं, तो अपने दिमाग से मिस हो जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन याद से लेने का, ओके। तो सी मैं रेगुलर बैच में ना ये फॉर्मेट को कैसे याद करा था ना, ये देखो मेरी स्टाइल में याद करो, ऐसे फॉर्मेट को याद करने का तरीका, टिक 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 माइनस, टिक 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 ऊपर इनकम, नीचे एक्सपेंस, लास्ट में डेप्रिसिएशन भूलने का नहीं। कैसा था, टिक 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 माइनस, टिक 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 टिक, टिक टिक मतलब टिक मार्क आइटम्स, तो कैसा था, टिक 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 माइनस, टिक 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 ऊपर इनकम, नीचे एक्सपेंस, लास्ट में डेप्रिसिएशन भूलने का नहीं, ओके। तो बस इस सम को ये सॉल्व करेंगे, ये साल सम को जितने भी रिसीट साइड में टिक मार्क है बता दो ना क्या क्या है, दो ही आइटम था, ये ले दो ही आइटम था, तो बस उसको ऊपर डाल देंगे, दिखाई दे दो, ये देखो ऊपर डाला हुआ है। फिर लेस में क्या करना, सब पेमेंट साइड में से टिक मार्क मेरे को ढूंढ के बता दो ना, पेमेंट साइड में कितने टिक मार्क दिख रहे हैं, ये देखो बड़ा करके पेमेंट साइड गिन के बताओ कितने टिक मार्क है, है ना, गिन लो, मैं नहीं गिनने वाला हूँ, 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ 7 चीज़ है ना, और तो ये 7 चीज़ है ना, तो जो भी हो तो देख के समझ आएगा, वो इधर 1, 2, 3, 4 है ना, 5, 6, 7 चीज़ डाल दी। फिर लास्ट में डेप्रिसिएशन भूलने का नहीं, और डेप्रिसिएशन का ऐसा वर्किंग नोट था। इन शॉर्ट मुझे खाली बताना था कि कभी क्वेश्चन में रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया ना, तो सी ये चीज़ अगर जिसने किए उसके लिए एकदम सिंपल सम है,
बाई चांस किसी ने ऐसा सम देखा ही नहीं है गया काम से, एंड सो एग्जाम का फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन गया, मतलब गया ना काम से तो। और है सिंपल, खाली इतना याद रखना है टिक मार्क क्रॉस मार्क के नियम तो सेम है, खाली फॉर्मेट थोड़ा अलग है। फॉर्मेट भी मैंने कैसे बताया, टिक 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 माइनस टिक 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 ऊपर इनकम नीचे एक्सपेंस लास्ट में डेप्रिशिएशन भूलने का नहीं, ओके। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है ना तो अपना फॉर्मेट ऐसा वाला, कैसा वाला, नेट प्रॉफिट एड डिसअलाउड एक्सपेंस, कभी कभी ये देते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो भी ऐसा ही फॉर्मेट है। अरे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अनदर वर्ड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया ना तो नॉर्मल सम है वो, ये वाले फॉर्मेट से ही करना नेट प्रॉफिट से शुरू करके। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हो ना तब जाके ये वाला फॉर्मेट याद आना चाहिए, टिक 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 माइनस टिक 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 ऊपर इनकम नीचे एक्सपेंस लास्ट में डेप्रिशिएशन भूलने का नहीं। अब जाके इनकम फ्रॉम बिजनेस में बोलो तो पूरी तरह से खत्म हो गया, ओके। अब है ना हम लोग नया टॉपिक ले रहे हैं, नए टॉपिक का नाम है 115 बीएससी, सेक्शन 115 बीएससी। नया टॉपिक चालू हो रहा है सेक्शन 115 बीएससी। अब सुनो, और ये बहुत फेमस है अभी आजकल तो, क्या है इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया ना, और तुम्हारी एग्जाम में तो भयंकर इम्पोर्टेंट है। क्यों, अमेंडमेंट्स आए इसमें, और ये नवंबर 23 के बैच में भी जो एग्ज़ाम दिए थे ना उन लोग ने पढ़ा था, लेकिन चेंजेस आ गए ना। अभी पहले क्या था अभी क्या था, कंपेयर क्यों करना है, मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ पूरा नया पढ़ा रहा हूँ, ओके। तो सी लुक हियर, एक सेंटेंस पहले सुन लो, अगर असेसी इनकम टैक्स के कुछ इंसेंटिव्स को सैक्रिफाइस करने को तैयार है तो उसको टैक्स थोड़ा कंसेशनल रेट से आएगा। बहुत कीमती सेंटेंस है, क्या बोला, अगर एक असेसी इनकम टैक्स के कुछ इंसेंटिव्स मतलब कुछ डिडक्शंस है, कुछ एग्जेम्पशंस है, कुछ गवर्नमेंट के दिए हुए बेनिफिट्स को अगर वो सैक्रिफाइस करेगा, अगर उसकी वो कुर्बानी देगा तो उसको टैक्स थोड़ा कंसेशनल रेट से आएगा। मतलब एक नुकसान है तो फायदा, नुकसान क्या है, तुझे डिडक्शंस एग्जेम्पशन इंसेंटिव्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और फायदा क्या है, टैक्स थोड़ा कम आएगा कंसेशनल रेट से। और सुनो, खाली टैक्स ही कंसेशनल रेट से आएगा ये फायदा नहीं है, चार बेनिफिट मिलेंगे, मैं गिनाऊंगा, चार अच्छी चीज मिलेगी अगर लुक अगर तूने ये सब इंसेंटिव्स की कुर्बानी दे दी तो। ये लिस्ट ऑफ कुर्बानी है, कुर्बानी मतलब तुझे कुछ गवर्नमेंट डिडक्शंस दे रही है लेकिन तू क्लेम नहीं करेगा, तो अगर इन सब बेनिफिट्स की तुम कुर्बानी देते हो तो अपने को उसके बदले में चार मज़ेदार चीज़ मिलेगी। पहली मज़ेदार चीज़ क्या लूँ मैं, सुनहरे स्लैब रेट्स, कितने प्यारे प्यारे स्लैब रेट्स है, कितने अच्छे स्लैब रेट्स है। अच्छा क्या है बताओ, अरे नॉर्मल स्लैब रेट में 2,50,000 तक 0% है, इधर 3,00,000 तक 0%, ओके। फिर नॉर्मल स्लैब में तो 10,00,000 के ऊपर सीधा 30 चालू हो जाता है, लेकिन इधर 30% कब चालू होगा, 15,00,000 के ऊपर। अरे खाली इतने में डिफरेंस फील कर लो ना, तो नॉर्मल में तो 2,50,000 तक ही 0% है और इधर बेसिक एग्जेम्पशन 3,00,000 तक है। और दूसरा फायदा, नॉर्मल में तो 10,00,000 क्रॉस होते सीधा 30% टैक्स आता है ना, इधर 30% का नंबर कब आएगा, 15,00,000 के ऊपर गया तो। तो ये गिनो, फायदा नंबर वन सुनहरे स्लैब रेट्स। दूसरा फायदा बताओ, ये देख सरचार्ज में 37% का टॉर्चर नहीं है। अरे यूजुअली पता है 5 करोड़ के ऊपर नेट टैक्सेबल इनकम जाता है ना NTI, तो सरचार्ज 37% होता है, लेकिन 115 बीएससी की दुनिया में 37 वाला सरचार्ज है ही नहीं। मतलब सरचार्ज का सिस्टम फिर कैसा होगा, देखो अगर नेट टैक्सेबल इनकम 50,00,000 तक है तो 0%, ये तो वैसे भी वैसा ही था ना पहले भी, फिर 50,00,000 से 1 करोड़ के बीच है तो 10%, 2 करोड़ तक है तो 15%, एंड फिर 2 करोड़ के ऊपर खाली 25, 37% का टॉर्चर नहीं है। लेकिन सी ये सब अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें चाहिए तो शर्त क्या है, इन सब इंसेंटिव्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा।
कुर्बानी देनी पड़ेगी, और बदले में फायदे कितने गिनाओ, चार। पहला फायदा सुनहरे स्लैब रेट्स, दूसरा सरचार्ज में 37% का टॉर्चर नहीं, तीसरा फायदा मालूम रिबेट, रिबेट मालूम है 12,500 तक ही मिलता है, लेकिन इस सेक्शन में रिबेट कितना मिले मालूम 25,000, वो भी 7 लाख तक एनटीआई हुआ तो। नॉर्मली रिबेट का क्राइटेरिया क्या है, 5 लाख तक जिसका नेट टैक्सेबल इनकम हुआ उन्हीं को रिबेट मिलता है, इधर 7 लाख तक वालों को भी मिलेगा, और नॉर्मल में तो 12,500 तक ही मिलता है, इधर तो 25,000 तक रिबेट मिलेगा। और रिबेट एज यूजल देसी बॉय लोग के लिए, देसी बॉय मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल, वो तो नॉर्मल भी वैसा था ना, लेकिन इधर अलग क्या लग रहा है, 7 लाख तक वाले भी रिबेट के लिए एलिजिबल है, और वो भी मिलेगा भी कितना, 25,000 तक। और इसमें एक और सोने पे सुहागा, रिबेट में एक मार्जिनल रिबेट जैसी चीज़ें मिलती है, वो क्या होता है बताऊंगा, लेकिन वो भी एक अच्छी चीज़ है, उसमें अच्छा क्या है बताऊंगा, पर देर इज समथिंग कॉल्ड मार्जिनल रिबेट। ये सब नई चीज़ है, हाँ टोटली मई 24 नवंबर 24 के बच्चों के लिए टोटली नया है सब। बट एक सही ना, मार्जिनल रिबेट के बारे में अभी मत सोचो ना एक बार, वो मैं सिखाऊंगा, बट अभी तुम लोग फील कर रहे हो वाह रिबेट भी क्या मज़ेदार है। और मैंने कितने फायदे हैं, 4 फायदे, एक सुनहरे स्लैब्स, दूसरा सरचार्ज में 37 नहीं, तीसरा रिबेट ज़्यादा है, चौथा एक AMT नाम का टॉर्चर है, AMT नाम का एक राक्षस है जो यूजुअली लोगों को परेशान करता है, लेकिन 115 BSE में AMT का टॉर्चर नहीं है। अब तुम लोग सोचोगे सर ये AMT क्या है, बता दूंगा बाद में लास्ट में, अभी तुम लोग मत समझने जाओ ना, कुछ भी है वो टॉर्चर है, फुल फॉर्म बता दे तो खाली, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। खैर रिविजन लेक्चर का बैच है तो बच्चे लोग को एडवांस से पता भी होगा, पर नहीं भी पता है तो मैं बाद में बता दूंगा ना, अभी इतना समझो ये एक तरह का सिर का दर्द है, कौन AMT, लेकिन वो भी अपने को टेंशन नहीं होगा इधर। तो 4 फायदे मिलेंगे अगर आप इनकी कुर्बानी दोगे तो, एकदम स्पष्ट ऐसे याद रखो ना, कुर्बानी ये देनी है और बेनिफिट के नाम पे 4 चीज़ें, 1, 2, 3 और चौथा AMT नहीं, ओके ये रट लो बराबर से हा? और इसका सम तो पक्का ही आने वाला एग्जाम में। अब लुक कुर्बानी क्या देनी है, Chapter 6 से भूल जा तू, तेरी जिंदगी में से Chapter 6 से गवर्नमेंट ने मिटा दिया है, और किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो उसे रुक, हार्ट अटैक से मर मत, फायदा भी तो देख, इतने सुनहरे फायदे मिल रहे हैं तो कुछ पाने के लिए खोना पड़ेगा, तो खोना क्या पड़ेगा, Chapter 6 से नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ Chapter 6 से के 3 सेक्शन तुझे मिलेंगे, ATJJAA, ये मालूम है क्या होता है ATJJAA, न्यू एम्प्लॉय को नौकरी पे रखते हैं जिनकी सैलरी 25,000 या कम है तो उनकी सैलरी का 30% अपने को 3 साल लगातार डिडक्शन मिलता है, वो मिलेगा क्योंकि वो बेरोजगारी दूर करने का सेक्शन है ना, तो वो गवर्नमेंट बोलती है वो अगर तू उसके काबिल है तो वो ले ले, लेकिन Chapter 6 में और कुछ नहीं मिलेगा। हाँ 2 और चीज़ मिलेगी, ATCCD2 CCH2, दोनों एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, पता है एक CCD2 क्या है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS, उसमें रूल क्या था कि अगर तुम लोग एम्प्लॉय हो और मैं तुम्हारा एम्प्लॉयर हूँ और मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे NPS में डाला तो तुम लोग उसको पहले सैलरी में शामिल करोगे, फिर वो तुमको लेस भी करने मिलता है, कितना 10% ऑफ बेसिक प्लस DA इन टर्म्स, और अगर तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो तो 14% ऑफ बेसिक प्लस DA इन टर्म्स, वो जो Chapter 6 से मिलता है ना वो मिलेगा, क्योंकि वो सैलरी में डालना भी तो पड़ता है ना, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS तुम लोग सैलरी में डालोगे, फिर Chapter 6 से में निकालो, सैलरी में पूरा डालो, Chapter 6 से में लिमिट तक निकालो, और वो निकालने मिलेगा। फिर एक और था ATCCS2, अगर तुम वो अग्निवीर स्कीम में ज्वाइन हुए थे, मैंने बताया था ना, मैं उसमें था एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, तो अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो एम्प्लॉयर डालता है ना उसको पहले तुम सैलरी में दिखाओगे, एम्प्लॉय अपने सैलरी के हेड में दिखाएगा, फिर वो लेस करने मिलता है, और वो तो पूरा ही लेस करने मिलता है, उसमें तो लिमिट भी नहीं थी, और वो लेस करने मिलेगा। मतलब कौन सा 3 चीज़ अपने को मिलेगा,
जे डबल ए मिलेगा और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एनपीएस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन अग्निवीर कॉर्पस फंड, ये सब मिलेगा। लेकिन अगेन एंड सेइंग एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पहले सैलरी में घुसेड, फिर चैप्टर सिक्स में एनपीएस का जो लिमिट तक मिलता है, अग्निवीर कॉर्पस फंड तो पूरा ही मिलता है। फिर 10AA नाम का एक सेक्शन होता है एक्सपोर्टर लोग के लिए, वो क्या होता है बताऊंगा लास्ट क्लास में, वो भी बताऊंगा रिवीजन में, वो नहीं मिलेगा। फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन, पता है इनकम फ्रॉम बिजनेस, मैंने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर प्लांट एंड मशीनरी होती है ना, प्लांट एंड मशीनरी, उसको नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा एक्स्ट्रा 20% मिलता है, वो एक्स्ट्रा 20% वाला नहीं मिलेगा। फिर सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च का था, रिसर्च की मेरी थियरी ये देख दो पार्ट में थी, अगर हम खुद रिसर्च करते उसमें वाला सब कुछ माइनस होता है लैंड को छोड़ के, वो मिलेगा, लेकिन डोनेशन देते हैं ना उसका डिडक्शन नहीं मिलता है, मतलब रिसर्च वाला डोनेशन ही नॉट अलाउड है। तो टेल मी क्वेश्चन में ऐसा दिया है डोनेशन ही, मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ तो वो अलाउड है, उसमें तो रेवेन्यू कैपिटल सब फुल अलाउड है लैंड को छोड़ के, डोनेशन नॉट अलाउड। पता है डोनेशन भी रूल था, नेशनल लेबोरेटरी IIT अप्रूव्ड रुचि था, रिसर्च एसोसिएट यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट इंडियन कंपनी एंगेज इन R&D, इनको डोनेशन देते हैं ना तो वो डिडक्शन है, वो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब क्या मालूम है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा ना तो अपने यूजुअली चौकड़ी सॉरी टिक मार देना, इसको चौकड़ी मार देंगे। अगर 115 BSE का सम है तो PNL अकाउंट में कभी इसका सामना हो जाए, किसका, डोनेशन टू नेशनल लेबोरेटरी रिसर्च विसर्च का, तो यूजुअली तो टिक करते ना, लेकिन ऐसे समय में उसको क्रॉस कर देंगे अगर 115 BSE है तो। फिर 35AD ये भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, 35AD क्या था, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री, हॉस्पिटल, होटल, हाउसिंग, पता है ऐसे 14 धंधों के लिए गवर्नमेंट ने वरदान दिया है, 100% कॉस्ट माइनस होगा फिक्स्ड एसेट का, फुल कॉस्ट डिडक्शन। लेकिन सी फुल कॉस्ट की कुर्बानी देनी है लेकिन डेप्रिसिएशन मिलेगा। सी 35AD को सैक्रिफाइस करना मतलब फुल कॉस्ट डिडक्शन नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो टेल मी अगर 35AD का कोई मशीन इन लोगों ने लिया होता तो उसकी पूरी कॉस्ट अलाउड नहीं है, लेकिन उस पर जो डेप्रिसिएशन वो तो मिलेगा ना, वो तो हक का यार। सी गवर्नमेंट ने जो एक्स्ट्रा किया ना अपने लिए वो कुर्बान करना है, लेकिन बेसिक चीज़ तो अपनी राइट वाली रखेंगे ना। तो सी 35AD का फुल कॉस्ट नॉट अलाउड, बट वो एसेट्स पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। फिर इन चीज़ों के कारण कोई पुराने लॉस हुए थे ना, वो लॉस भी इग्नोर कर दो। ये तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, मतलब क्वेश्चन में ऐसा बोलेंगे ना, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 35AD वाला, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला, अरे मतलब ऊपर जो चीज़ें दी थी ना मैंने, इनसे बना हुआ कोई जूना लॉस क्वेश्चन में दिया इग्नोर कर देना। नहीं तो यूजुअली क्या है, पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हम लोग करंट ईयर में एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर ऐसा बोला है ना कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस इन्हें पर्टेन करता है, किन्हें, जिनकी हमने कुर्बानी दी है, कुर्बानी किसकी दी है, एडिशनल डेप्रिसिएशन, डोनेशन, 35AD। सी चैप्टर 6 से तो कोई लॉस आता नहीं है, चैप्टर 6 से ले लेके अपने इनकम जीरो कर सकते हैं, 10AA से भी लॉस नहीं आता है। लॉस अपने को पास्ट में इन चीज़ों से आया होगा कि गए साल एडिशनल डेप्रिसिएशन के कारण मेरा जो प्रॉफिट था वो भी लॉस में कन्वर्ट हो गया, या फिर गए साल मेरा ऐसे तो प्रॉफिट था लेकिन डोनेशन देके लॉस हो गया, या 35AD, मतलब इन लोग सब में बताएंगे। ब्रॉड फॉर लॉस में अगर ऐसा बोला ना, ये देखो इट इज ऑन अकाउंट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, डोनेशन, 35AD, ऐसा ब्रॉड फॉर लॉस दिया तो इग्नोर कर देना। सी सैक्रिफाइस मतलब इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा मतलब इग्नोर कर दो, नहीं तो ब्रॉड फॉर लॉस को मतलब मस्त में एडजस्ट करते हैं ना। टेल मी ऐसा बोला तो सिर्फ ब्रॉड फॉर लॉस बोला कुछ है, ब्रॉड फॉर लॉस तो कर लेना एडजस्ट। और बाय द वे ब्रॉड फॉर लॉस कहाँ एडजस्ट करते हैं मैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस के स्टेटमेंट में। अरे कोई बिजनेस का लॉस ब्रॉड फॉर रहेगा ना, वो तो जिस हेड का रहेगा उस हेड में कर देगा। जैसे ब्रॉड फॉर बिजनेस लॉस दिया है और कुछ नहीं बोला है, ऐसा नहीं बोला कि 35AD वाला है, ऐसे ही दिया है, तो अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस पे उसको एडजस्ट कर देंगे, अपना वो कर देना लेस अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस, एड अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम, उधर ही ब्रॉड फॉर लॉस को चेप देना।
लेकिन वो कब अगर साधारण लॉस होगा तो, लेकिन 35 AD इनसे पर्टेन करने वाला है तो इग्नोर कर देना। ओके तो सी ये 6 पॉइंट हो गए, टोटल 11 पॉइंट है। और क्या कुर्बानी देनी है? सेक्शन 10(5), 10(13) है, 10(14), इसमें पता है अपने को एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन वो नहीं मिलेगा। और किसी को खराब लग रहा है ना, बोले खराब लगा रहा है, शर्म है तेरे को, ये 4 फायदे भी तो मिल रहे हैं और कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। पाना अपने को ये है, और उसके लिए खोना क्या पड़ेगा, क्या खोना पड़ेगा? 10(5). 10(5) क्या था? लीव ट्रैवल में ना एग्जेम्पशन मिलता है, अगर प्लेन से जाते तो इकोनॉमी क्लास का, वरना फर्स्ट क्लास AC रेल फेयर, और ट्रेन वहाँ नहीं आती तो रिकग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, और अगर बसेस भी नहीं आती तो फर्स्ट क्लास AC रेल फेयर और सिमिलर जर्नी का, इतना एग्जेम्पशन मिलता है। लेकिन वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, मतलब क्वेश्चन में लीव ट्रैवल दिया होगा ना, सीधा आउटर कॉलम में बिठा देना, टैक्सेबल, पूरा टैक्सेबल। नहीं तो अपने सैलरी के स्टेटमेंट उसको लेस करते ना अंडर 10(5), लेकिन ये लेस नहीं होगा, पूरा टैक्सेबल। फिर 10(13) है, HRA। HRA का नॉर्मली क्या करते हम लोग, इनर कॉलम में लिखते, फिर लेस एग्जेम करते। उसका फॉर्मूला था 50% और 40% ऑफ बेसिक DN टर्म्स टर्न और कमीशन, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस DN टर्म्स टर्न और कमीशन, विचर इज लेस, वैसा एग्जेम्पशन लेते हैं। लेकिन 115 BSE बोल के समाया ना, तो HRA फुल्ली टैक्सेबल, सीधा आउटर कॉलम में डाल देना। फिर 10(14), मतलब मैंने कुछ अलाउंस बताए थे, TC हट, PC उधर, ट्राइबल एरिया अलाउंस था, है ना, अलग अलग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस था, और TC उधर था, ट्रैवलिंग कन्वेंस यूनिफॉर्म, वो सब अलाउंसेस जो एग्जाम थे नहीं मिलेंगे। मतलब सब अलाउंस टैक्सेबल करना है, कोई भी क्वेश्चन में अलाउंस दिखा ना, भूल जाके उसमें क्या एग्जेम्पशन था, सीधा आउटर कॉलम में लिख दो। लेकिन 4 अलाउंस का एग्जेम्पशन मैं क्लेम कर सकता हूँ, पता है कौन से 4? TCDC, TCDC। ये TCDC क्या मालूम है? ये 4 अलाउंस का एग्जेम्पशन जो मिलता है वो मैं ले सकता हूँ। टी फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस, उसमें क्या रूल था, जितना स्पेंट उतना एग्जेम, तो वो एग्जेम्पशन ले सकते हैं। 115 BSE का भी सम हुआ ना, तो ट्रैवलिंग अलाउंस का एग्जेम्पशन ले सकते हैं, फिर कन्वेंस अलाउंस का एग्जेम्पशन भी ले सकते हैं, फिर डेली अलाउंस। डेली क्या था, आउट स्टेशन एम्प्लॉय टूर पे जाता है तो वहाँ होटल वोटल में रहने का, खाना पीने का खर्चा होता है टूर का, वो डेली अलाउंस का भी एग्जेम्पशन मिलेगा। फिर सी फॉर कम्यूटेशन अलाउंस, हैंडीकैप लोग को है ना, ऑफिस टू रेसिडेंस आने जाने का अलाउंस मिलता है ना, वो 3,200 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट है, और वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। मतलब ऐसे याद रखो ना, अलाउंसेस में जो इतना मैंने मेहनत से पढ़ाया था ना, ये एग्जाम भी एग्जाम, कुछ एग्जेम्पशन नहीं मिले, खाली 4 ही चीज का एग्जेम्पशन मिलेगा, TCDC, ट्रैवलिंग अलाउंस जितना स्पेंट उतना एग्जेम, कन्वेंस अलाउंस भी जितना स्पेंट उतना एग्जेम, डेली अलाउंस भी जितना स्पेंट उतना एग्जेम, कम्यूटेशन अलाउंस फॉर हैंडीकैप एम्प्लॉई 3,200 पर मंथ जितना एग्जेम, ये एग्जेम्पशन लेना और बैलेंस आउटर कॉलम में, और कोई अलाउंस सब आउटर कॉलम में फुल्ली टैक्सेबल। फिर 10(17), MP MLA को जो डेली अलाउंस मिलता है ना, वो एग्जेम्प्ट होता था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, मैंने पढ़ा था DW रामू, रामू में एम था एम, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। अगर तुझे 115 BSE के ये 4 सुख चाहिए तो तुझे कुर्बानी में ये भी देना पड़ेगा, यानी कि तू अगर MP MLA है तो तेरा जो डेली अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो मतलब MP MLA का डेली अलाउंस सीधा आउटर कॉलम में डाल देना, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे था। फिर 10(32), तो माइनर चिल्ड्रन की इनकम, 10(32), पता है माइनर बच्चों की इनकम पापा मम्मी अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालते हैं, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 1500 तक माफ है, लेकिन वो 1500 पर चाइल्ड जो माफ है ना, वो नहीं मिलेगा। मतलब सोच, अगर मेरा माइनर बच्चे का इनकम 10,000 है ना, पूरा 10,000 मुझे को IFOS में डालना पड़ेगा, IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। यूजुअली क्या होता है, मेरे माइनर बच्चे की इनकम 10,000 है ना, तो 10,000 में से 1500 काट के बैलेंस ही मेरे को अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालना होता है ना, लेकिन तुझे 1500 की छूट नहीं मिलेगी। इसलिए माइनर बच्चे वालों, माँ बाप लोगों सुनो, 1500 पर चाइल्ड जो छूट थी ना, वो नहीं मिलेगी।
मतलब माइनर ने 200 रुपया भी कमाया ना, फुल्ली टैक्सेबल इन मम्मी पापा का स्टेटमेंट, आइदर मम्मी और पापा हुज एवर इनकम इज हायर, बताया था ना ये तो। फिर माइनर चाइल्ड के बाद और क्या है लाइन देखो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, सैलरी में बोलो तीन डिडक्शन थे, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशन टैक्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन ले ले 50 शेयर का, वो लेने मिलेगा, पहले तो वो भी नहीं मिलता था, अभी लेने मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, क्या मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, प्रोफेशन टैक्स, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, हाँ बराबर, एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, प्रोफेशन टैक्स नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। एक सेकंड, क्या हो गया, क्या निकाल दिया मैंने गलती से। फिर हाउस प्रॉपर्टी में, सी हाउस प्रॉपर्टी का हेड मैंने रिवीजन लेक्चर में लिया नहीं है, लेकिन रिवीजन लेक्चर में जो बैठा है उसको नॉलेज तो है ही। तो सी हाउस प्रॉपर्टी के हेड में मालूम है लेट आउट प्रॉपर्टी होता है, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी होता है, फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होता है। तो लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट के डिडक्शन में कुछ कुर्बानी नहीं देनी है, लेकिन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होता है, दो घर को हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह एग्जेम क्लेम कर सकते हैं, उधर एक इंटरेस्ट का डिडक्शन था मैक्सिमम 2 लाख, वो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट डिडक्शन अप टू 2 लाख जो मिलता है फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर माई रेसिडेंस, वो नहीं मिलेगा। मतलब ये वो वाला घर है जिसका स्टेटमेंट बनाते टाइम हम लोग सबको निल 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 करते, फिर भी एक माइनस होता है इंटरेस्ट और हाउसिंग लोन 2 लाख तक, वो 2 लाख नहीं मिलेगा। मतलब फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट कैसे बना, निल। नहीं तो उसका यूजुअली नेगेटिव आंसर आता ना, ये पूरा निल ही होगा। हाँ, लेट आउट प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी होता है, उसमें जो डिडक्शन मिलेगा। ओके, कोई बोले सर मेरे को तो हाउस प्रॉपर्टी पता ही नहीं है, तो ठीक है बाद में देख लेंगे ना, वो कभी ना कभी देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा ना। अभी तुम लोग इतना समझो कि सैलरी में एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशन टैक्स का कुर्बानी देना है, और हाउस प्रॉपर्टी के हेड में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को जो डिडक्शन मिलता है ना इंटरेस्ट का, वो नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। फिर पता है सेट ऑफ में एक रूल है, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जो लॉस होता है ना, जब वो दूसरे हेड में एडजस्ट होता है ना, तो 2 लाख तक ही हो सकता है, लेकिन वो नहीं मिलेगा अभी। अरे नॉर्मली के हाउस प्रॉपर्टी का हेड है ना, दूसरे हेड से जब भीख मांगता है ना, मेरा लॉस सेट ऑफ कर ले सेट ऑफ कर ले, तो उसको 2 लाख तक एडजस्ट करने मिलता है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 5 लाख है, तो सैलरी के सामने 2 लाख तक एडजस्ट हो सकता है, सैलरी मतलब किधर भी हो सकता है, बट 2 लाख तक ही एडजस्ट हो सकता है ना, लेकिन इधर तो वो भी नहीं मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस में अगर, सॉरी हेड में लॉस है ना, तो उसको दूसरे हेड में एडजस्ट करने नहीं मिलेगा। ओके, हाँ कैरी फॉर्ड कर लो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉर्ड करने मिलेगा, लेकिन दूसरे हेड में जो इंटर हेड एडजस्टमेंट होता है ना 2 लाख जितना, वो चीज़ नहीं मिलेगा। तो क्या क्या चीज़ों की कुर्बानी देनी है मुझे, इन 11 चीज़ों की, बस ये लिस्ट है ना ऐसी रटी हुई रहनी चाहिए ना, कि पक्की बात है क्वेश्चन है 115 BSE डालेंगे ना, तो इन लोग इसमें से कुछ ना कुछ डालेंगे, और अपने को नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या चीज अपने को सैक्रिफाइस करनी है, लिस्ट पूरी रट लेना। ओके, तो टेल मी ये सब चीज की कुर्बानी देके मुझे फायदा क्या मिल रहा है, फायदे के नाम पे सुनहरे स्लैब रेट्स, सरचार्ज में 37% का टॉर्चर नहीं है, रिबेट बड़ी भी मिलेगी 25,000 तक, और AMT का भी टॉर्चर नहीं है, लेकिन नुकसान ये है। ओके, अब सुनो एक और जोरदार अमेंडमेंट आया है, ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो गया है, इसको देखो मैं क्या नाम दे रहा हूं, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। सी रिजीम का मतलब रूल, रूल्स। ओके, और ये डिफॉल्ट रूल हो गया, मतलब बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होता है अभी। मीन्स अगर इनकम टैक्स वालों को तुम कुछ बताओगे नहीं ना, तो तुम्हारा वो इसी हिसाब से कंप्यूटेशन करेंगे। मतलब ये अभी डिफॉल्ट, मतलब तू अगर गवर्नमेंट को कुछ बोलेगा नहीं ना, तो उन लोग तेरे पे ये 115 BSE चेप देंगे। और कोई बोले नहीं ये 115 BSE बकवास है, इतना सड़ियल है कि मेरे को इतना कुर्बानी उर्बानी देना पड़ेगा, नहीं मेरे को कुर्बानी नहीं देनी है, मेरे को अपने वो 2,50,000 वाला स्लैब रेट पसंद है, अगर ऐसा चाहिए तो तेरे को बोलना पड़ेगा।
कैसे? फोन करके नहीं बोलेगा, इनकम टैक्स का फोन नंबर नहीं होता है, अपने कोई फॉर्म भरना पड़ता है, अपने रिटर्न फाइल करते हैं ना साल खत्म होने के बाद 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करते, तो चिट्ठी में बताना पड़ता है कि मेरे को 115 BAC नहीं चाहिए बाबा, अपने को नॉर्मल जूना वाला स्लैब वही चाहिए। जूना वाला स्लैब मतलब 2,50,000 वाला, जिसमें कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ती, ऐसा बोलना पड़ेगा। और अगर मुझसे ऐसा बोलना रह गया तो बाय डिफॉल्ट मतलब इन एब्सेंस ऑफ एनी कम्युनिकेशन, अगर तू गवर्नमेंट से कम्युनिकेट नहीं करेगा ना तो बाय डिफॉल्ट ऐसा ही चलने वाला है। ये जोरदार अमेंडमेंट है। पहले क्या होता था, अगर तुझे ये चाहिए तो बताना पड़ता था, तुझे ये चाहिए सुनहरे स्लैब तो बता, लेकिन अभी पुराना वाला चाहिए तो बताना पड़ता है, पुराना वाला मतलब 2,50,000 वाला। तो टेल मी, क्वेश्चंस में भी क्या होगा ना, मैं सब में प्रॉब्लम साइलेंट रखा है ना, तो अपने यही हिसाब से सॉल्व करेंगे। अरे एक क्वेश्चन बोला है सब में, टैक्स कैलकुलेट कर, कुछ भी नहीं बोला है, तो ये हिसाब से करना पड़ेगा, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। लिख के देता हूँ अभी, तो कोई भी टैक्स कैलकुलेशन सम आया ना, सी टैक्स कैलकुलेशन, क्योंकि ये सब टैक्स के रेट्स है ना, तो क्वेश्चन अगर टैक्स कैलकुलेशन है ना, ट्रस्ट में इन लोग लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे कि 115 BAC से जाना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम मतलब 2,50,000 वाला स्लैब, कैसे सॉल्व करना है इन लोग बताएंगे ही। फिर भी कोई बोले सर बाई चांस नहीं बोला, तो यही करना, तो डिफॉल्ट का मतलब क्या है, कुछ सम में नहीं बोला हो तो ऐसे ही करना है। ओके, तो ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो गया है। लुक इधर क्या लिखा, देखो सेक्शन 115 BAC इज अ डिफॉल्ट स्कीम, और पुरानी वाली स्कीम चाहिए तो ऑप्शन है तेरे पास, और पुरानी स्कीम तुझे पसंद है तो तुझे बताना पड़ेगा कि मेरे को पुराना वाला दे दो ना। और बताना कैसे होता है, एक लेटर वेटर फॉर्म भरना पड़ता है, और फॉर्म भर के बता दो तो इन लोग पुराने स्कीम के हिसाब से लेंगे। ओके, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट होता है। ओके, फिर ये देखो, ये वाला एक कुछ पॉइंट है, इसका इतना रेलेवेंस नहीं है, कुछ पॉइंट है लेकिन इसमें मैं अभी टाइम डालूंगा ना, मुझे ही पता है कि सब में इसका कुछ काम आएगा नहीं, मतलब ये चीज़ है एप्लीकेबल कि ऑप्शन हम लोग हर साल चेंज कर सकते कि नहीं, उससे रिलेटेड कुछ है, लेकिन ये पूरा थियोरिटिकल चीज़ है। क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ ना, इन लोग लिखेंगे 115 BAC से सॉल्व कर, या फिर क्या बोलेंगे, ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम के लिए ऐसा ही बोल सकते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम, या फिर ऐसा बोलेंगे ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम। अरे वो ऑल्टरनेटिव हो गया है, अरे ये मेन हो गया है, अरे ये मेन हो गया है, तो वो ऑल्टरनेटिव हो गया ना। तो सुनो क्या लिखेंगे, ओल्ड रिजीम, नॉर्मल रिजीम, ऑल्टरनेट रिजीम, तो 2,50,000 का स्लैब लेंगे। ओके, और ऐसा बोले 115 BAC डिफॉल्ट रिजीम, तो ये वाला करेंगे। एक दो बार सब में ऐसा भी मॉड्यूल में देखा लिखा हो दिखेगा, कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी अज्यूमिंग एसोसिएट शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट रिजीम। शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट रिजीम मतलब वो इससे शिफ्ट आउट हो रहा है, और इससे शिफ्ट आउट हो रहा है मतलब 2,50,000 वाला स्लैब, और 2,50,000 स्लैब में सरचार्ज का 37% का टॉर्चर है, रिबेट अपना जूना सिस्टम, और नो AMT के, यस AMT, यस AMT उसमें। अब है ना, ये थियरी होने के बाद तुरंत तुम लोग को एक सम कराना पड़ेगा, ऐसा जोरदार सम है ना, मजा आ जाएगा। देखो, और वो सम कौन सा लिया मैंने, मैंने मालूम है पास्ट पेपर में से लिया है, एक सेकेंड, अरे सॉरी, सम तो बाद में, पहले ही बाकी है ना, मार्जिनल रिबेट बाकी है, मार्जिनल रिबेट। तुम लोग को अगर मार्जिनल रिलीफ याद है ना, जो मैंने कुछ दिनों पहले करवाया था, तो ये बहुत सिंपल है। मार्जिनल रिलीफ बताओ कैसे करते थे हम लोग, मैंने क्या बताया था, एक बेस कॉलम बनाओ और एक एक्चुअल इनकम कॉलम। बेस मतलब क्या है, जिसके बाद सरचार्ज चालू होता है, जैसे इंडिविजुअल लोग का सरचार्ज 50 लाख के बाद चालू होता है ना, तो अगर किसी की इनकम 50 लाख समथिंग है, तो एक 50 लाख का कॉलम और एक्चुअल कॉलम, फिर इस पे टैक्स, इस पे टैक्स, फिर एक्स्ट्रा टैक्स मैंने एक्स्ट्रा इनकम, और कभी किसी की इनकम 5 करोड़ समथिंग होता है, तो ये 5 करोड़ का बेस कॉलम और जो एक्चुअल इनकम है वो, फिर 5 करोड़ पे टैक्स निकालो विथ सरचार्ज ऑफ 25, और एक्चुअल पे विथ सरचार्ज ऑफ 37। फिर फॉर्मूला क्या था, एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम, सिंपल
सेम ऐसा कुछ मार्जिनल रिबेट में आ गया है। ये देखो मैं एक एग्जांपल से सॉल्व कराऊंगा तो समझेगा। ये देखो मान लो क्वेश्चन 115 BAC पे, 115 BAC के लिए या तो 115 BAC बोलेंगे या फिर बोलेंगे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से सॉल्व कर, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, तो 115 BAC हो गया। और एक बार ऐसे मान लो ना डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया, कितना आया 7,10,000। और पता है रिबेट कब तक मिलता है इसमें, 7 लाख तक हुआ तो ही रिबेट मिलता है। अरे बताया था मैंने 115 BAC में कैसा है, 7 लाख तक हुआ तो ही रिबेट मिलेगा। लेकिन मेरा आंसर देखो क्या है, 7 लाख है कि थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ऊपर है ना, तो उसी 7 लाख का आंसर आया ना, 7 लाख या कम तो पक्का ही रिबेट आएगा। कितना मैक्सिमम 25,000, और मैक्सिमम मतलब मेरा अगर ये फाइनल टैक्स कम हो तो कम ही मिलेगा। जैसे ये वाला टैक्स मेरा कुछ 2,000-4,000 आ रहा तो उतना ही मिलेगा, बट मैक्सिमम 25 मिल जाएगा। और वो कॉन्फिडेंट कब रहूँगा अगर 7 लाख या कम है तो, लेकिन इधर क्या है 7 लाख या कम है कि थोड़ा ज़्यादा है। और कभी भी 7 लाख के ऊपर थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है ना तो ये मार्जिनल रिबेट करना पड़ता है। अब थोड़ा बहुत ही ज़्यादा का कोई रूल नहीं है, मैं तुमको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, वो सॉल्व करो अपने आप समझ जाएगा। ये देखो ये जो 7,10,000 है ना, तो बताओ इसमें मार्जिनल रिलीफ के तरीके सोचो क्या करोगे। पहले बेस कॉलम फिर एक्चुअल कॉलम, इधर रिबेट में बेस 7 लाख हो गया कि 7 लाख तक मिलती है, 7 लाख के बाद नहीं मिलती है, तो ये टर्निंग पॉइंट हो गया ना मेरा। तो एक कॉलम 7 लाख का बना के टैक्स निकाल लेना और दूसरा एक्चुअल जो मेरा इनकम है 7,10,000 उस पर निकाल लेना, देखते कैसे आता है। देखो एक 7 लाख, ये 7 लाख फिक्स्ड है, इधर बेस अपना 7 लाख फिक्स कर दो, फिर उस पर टैक्स निकालो, तो टेल में 7 लाख पे टैक्स कितना आता, 0 आएगा। अरे मैं कैसे निकाल रहा हूँ ना, ये वाले स्लैब से निकाल रहा हूँ, एक बार निकालो ये वाले स्लैब से क्या आता है मैं बताऊँ, 7 लाख पे 0 कैसे आता बता रहा हूँ। 7 लाख तक का टैक्स निकाल, ओरली निकालना, 3 लाख तक तो 0 ही होगा, फिर 3 लाख से 6 लाख के बीच में 3 लाख का गैप है ना, 3 लाख पे 5% निकालेंगे तो 15,000 आता है, 15,000। फिर इधर 6 के ऊपर 7 लाख तक है ना, 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000, मतलब ये वाले स्लैब में 15,000 आ रहा है, ये वाले स्लैब में 10,000 आ रहा है, ये वाले स्लैब में 0 आ रहा है, 25,000 आ रहा है, और उतनी तो रिबेट ही मिल जाती है, रिबेट भी 25,000 है। ओके तो सी यार, मैंने ये जो लिखा है ना नील, क्यों लिखा है नील, मतलब पहले मैंने स्लैब वाइज टैक्स निकाला था, लेकिन फिर ये पढ़ क्या लिखा है, मेरा आईपैड खराब हो जाए छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों, ये क्या लिखा है आफ्टर रिबेट। तो बिफोर रिबेट तो 25,000 का तगड़ा टैक्स आया था वो 3 लाख वाले स्लैब के हिसाब से, लेकिन रिबेट काट दिया ना 25,000 तो ले 0 हो गया। तो मतलब 7 लाख तक तो किसी का टैक्स 0 हो जाता है 115 BAC की दुनिया में, लेकिन ये बेचारा अपना सिर पीट रहा है, हाय राम मेरी इनकम 7 लाख से थोड़ी ऊपर ही है, और थोड़ी ऊपर मतलब कितनी है 7,10,000। अब 7,10,000 से तो रिबेट तो नहीं मिलता ना, तो उसका टैक्स कितना आ रहा है, ये कैसे निकाला मैंने स्लैब वाइज। अब देख लो अप टू 3 लाख 0 आएगा, फिर 3 लाख से लेके 6 लाख निकालोगे 5% के हिसाब से ना 15,000 आता है, भरोसा करो मैंने कर लिया ना। फिर 6 लाख से लेके 7,10,000 है, तो मतलब 1,10,000 ही है ना, इसमें 10% टैक्स, 1,10,000 का 10% 11,000 होता है, उस स्लैब वाइज तो निकालने आता ही है ना। तो मेरा टैक्स देख कितना आ रहा है 26,000, और रिबेट नहीं मिलेगी, माना कि इधर आफ्टर रिबेट लिखा है लेकिन रिबेट है ही नहीं 7 लाख के ऊपर वालों के लिए। तो देखो इसको दुख क्या हो रहा है कि भाई मेरी इनकम 10,000 से क्या बढ़ गई, मेरा तो टैक्स 26,000 से बढ़ गया, ये नहीं 14, इतनी सी इनकम बढ़ी 10,000 की लेकिन टैक्स 26,000 बढ़ गया। तो ये देखो ऐसे में अपना वही मार्जिन रिलीफ वाला स्टाइल, एक्स्ट्रा इनकम कितनी है 10,000 लेकिन टैक्स कितना बढ़ा है 26,000। तो अपना रूल क्या था देखो, एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम, ये सेम मार्जिन रिलीफ जैसा है। तो कितना आ गया 16,000,
लेकिन इसका नाम मार्जिन रिलीफ नहीं है, मार्जिन रिबेट है। और कितना आया? 16,000। ओके, तो ये 16,000 का इफेक्ट देख किधर आएगा? देख तो सही जरा, ये देख, ये क्या किया मैंने? सटक लटक लटक विनिंग्स बैलेंस। तो ये मैंने स्लैब रेट से टैक्स निकाल, नया वाला स्लैब, हाँ 3 लाख वाला। फिर आ गया, फिर देखो मैंने क्या लिखा है, रिबेट 16,000 कैसे आया? इसके लिए बोलने का वर्किंग नोट देख, और वर्किंग नोट में 16,000 कैसे आया? ऐसे है ना। तो ये मार्जिनल रिबेट था, ये नया कॉन्सेप्ट है, सुनने में नया, लेकिन अगर जिसको मार्जिनल रिलीफ याद है तो सेम ही तो है। तो पूरा 115 बीएससी समाप्त हो चुका है। अब मेरे को इसका एक सम सॉल्व करके बताना पड़ेगा, और सम भी मैंने क्या किया ना, मैं नवंबर 23 की एग्जाम हुई थी ना अभी, उसका सम लिया है। माना कि नवंबर 23 और मई 24 में अमेंडमेंट है, लेकिन क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन में नवंबर 23 का ले रहा हूँ, लेकिन सॉल्व कराऊंगा मई 24 के नियमों के अनुसार। ओके, और उसमें क्या, तुम लोगों को भी जिसने पास्ट में एग्जाम दिया है उसको थोड़ा सुकून मिल जाएगा कि चलो हम लोग का पास्ट पेपर कैसा था, बाई चांस किसी का नेगेटिव तो उसको लगे चलो ऐसा सॉल्व करना था क्या। तो सी, ये क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, ये इंस्टीट्यूट का पेपर है, तो क्वेश्चन इज फ्रॉम नवंबर 23, बट आई विल सॉल्व एज पर मई 24। तभी तो देखो मैंने ईयर चेंज कर दिया, सब ईयर को मैंने एक एक साल से बढ़ा दिया ना। ओके, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले एक बार नजर घुमा लो, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा दिया है, तो इसको तो देख के माइंड में करना, वो टिकड़ा चौकड़ी मारेंगे, टिक मार्क क्रॉस मार्क करेंगे। फिर देखो कुछ नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है ना, एंड फिर उसके बाद लास्ट में देखो, पहले ये चीज पढ़ लेते ना, कि ये पढ़ के ना बच्चे लोग एकदम घबरा गए थे, जबकि कुछ था ही नहीं। एक बार पढ़ो ना, मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ ताकि तुम लोग शांति से कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ पाओ, मैं ही बोल 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 करूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन टूट जाएगा। एक बार रीड कर लो लास्ट वाला पैच। पढ़ा? अब सी इधर क्या लिखा है, कंप्यूट दी टोटल इनकम एंड इनकम टैक्स। कभी भी टोटल इनकम और इनकम टैक्स पूछा है ना, तो अपना मेन आंसर में क्या होगा, 5 वर्ड्स वाला स्टेटमेंट, फिर वो टैक्स कैलकुलेशन में सटक लटक लटक विनिंग्स बैलेंस, गरीबों के लिए रिबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज, सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन, ये अपना मेन आंसर होता है। फिर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड, सब वर्किंग नोट में आएगा। ओके, तो सी इधर क्या पूछा है, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो ना, इफ बिजनेस प्रॉफिट इज कंप्यूटेड एज पर नॉर्मल प्रोविजन एंड ही ऑप्ट्स फॉर 115 बीएससी। हाँ, इसमें एक मिस्टेक बता रहा हूँ, क्वेश्चन में ही ऑप्ट्स फॉर 115 बीएससी नहीं आएगा। सी पहले क्या था, ये पहले का समय ना, पहले 115 बीएससी चाहिए तो अपने को ऑप्ट करना पड़ता था, मुझे दे दो। अभी 115 बीएससी मांगना नहीं है, मिल जाता है बाय डिफॉल्ट। तेरे को 115 बीएससी नहीं चाहिए, जूना वाला सिस्टम चाहिए तो बोलना पड़ता है। लेकिन इधर लैंग्वेज थोड़ा डिफेक्टिव क्यों लग रहा है, क्योंकि पुराना पेपर है ना। अभी आएगा तो क्या बोलेंगे, वन बिजनेस प्रॉफिट एज पर नॉर्मल, और क्या लिखे, ही ऑप्ट नहीं लिखे, ऐसा लिखेंगे ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम। पर जो भी है 115 बीएससी से करना है, ऐसा बोला है। अरे मतलब ऑप्ट जैसा वर्ड नहीं आ सकता, क्योंकि अभी तो 115 बीएससी ऑप्ट नहीं करना है, वो बाय डिफॉल्ट मिल ही जाता है। ऑप्ट अगर करना है तो पुराना सिस्टम। तो तुम लोग लैंग्वेज को इतना दिल पे मत लो, ये क्या मैंने लास्ट एग्जाम का पेपर लिया ना, और अभी तो क्या है थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है ना। तुम लोग मेन इस पर ध्यान दो, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बिजनेस प्रॉफिट एक से ना, बिजनेस प्रॉफिट नॉर्मल प्रोविजन से निकालना है, एंड फिर 115 बीएससी। एक बार रीड कर लो फिर बताता हूँ। फिर क्या लिखा है दूसरा ऑप्शन, एक्चुअली 3 ऑप्शन है, देखो क्या लिखा है लास्ट में, पढ़ क्या लिखा है, विच ऑप्शन इज एडवांटेजियस, मतलब 3 ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है।
एंड ऑब्वियसली बेस्ट ऑप्शन तो वो होता है जिसपे टैक्स अपना सबसे कम आता है, तो अपने को 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा ओके, एंड फिर उसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो उसी पहले ऑप्शन में क्या है, बिजनेस नॉर्मल तरीके से कंप्यूट करो लेकिन टैक्स 115BSC से निकालो। सी 115BSC इज नॉट अबाउट इनकम फ्रॉम बिजनेस, इट इज अबाउट टैक्स कैलकुलेशन ओके। फिर क्या लिखा, ही ऑप्ट फॉर कंप्यूट बिजनेस प्रॉफिट एज पर प्रिजम्प्टिव, ओ मतलब बिजनेस का प्रिजम्प्टिव चाहिए उसको। प्रिजम्प्टिव मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टर का 44AE, प्रोफेशनल लोग का 44ADA और सादा बिजनेस है तो AD, और ये क्वेश्चन में सादा बिजनेस है तो AD, और AD मतलब 8% ऑफ सेल्स, और चेक में पैसा मिला तो 6% ऑफ सेल्स। मतलब उसका दूसरा ऑप्शन क्या है कि बिजनेस इनकम 44AD से निकालो, और 44AD मतलब फिर अपने को ये इसका कुछ ज़रूरत नहीं है, फिर तो जो भी सेल्स का फिगर है ना उसका 8% या 6% निकालना है, और वो 8% 6% क्वेश्चन में दिया है, ऑल सेल्स आर बाय अकाउंट पे ही चेक एंड बैंक ट्रांसफर, ले सब चेक में रोकड़ा हुआ है तो 8% के 6% और सीधा इसी का 6% खत्म, मतलब डायरेक्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस ही आ गया। बट ये सेकेंड ऑप्शन में, ये देखो सेकेंड ऑप्शन, लेकिन बाद में क्या लिखा है, क्या पढ़ो, ही ऑफ बिजनेस प्रॉफिट अंडर प्रेजम्प्टेड टैक्स अंडर 44AD एंड ही डज नॉट ऑफ फॉर 115BSC, मतलब 115BSC से नहीं करना है, ओल्ड रिजिम से करना है, मतलब 2,50,000 वाला स्लैब से ओके। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है कि बिजनेस प्रॉफिट नॉर्मल प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजन मतलब पूरा स्टेटमेंट बना के, वो 8% 6% और सेल्स शॉर्टकट मेथड नहीं, पूरा बकायदा स्टेटमेंट बना के ओके। एंड फिर क्या लिखा है, एंड इट डज नॉट ऑफ फॉर 115BSC, मतलब 115BSC नहीं चाहिए। अरे वो तो पिछले पॉइंट में भी लिखा था नहीं चाहिए, लेकिन पिछले में क्या था, बिजनेस इनकम प्रिजम्प्टिव में जाएगी ना, इधर बिजनेस इनकम नॉर्मल में जाएगी। सी एक्चुअली दो चीजें, इनकम फ्रॉम बिजनेस कैसे कैलकुलेट करना है और टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहला वाला रीड करके है, पहले वाले में इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉर्मल और टैक्स भी नॉर्मल, क्यों पहले वाले 115BSC ना बोला है ना, सॉरी गलती से निकला, पहले वाले 115BSC हाँ बोला है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉर्मल लेकिन टैक्स 115BSC के स्लैब से। सी टैक्स तो क्या पूरा 5/8 के बाद आता है, लेकिन उस 5/8 के अंदर बिजनेस इनकम फर्स्ट ऑप्शन में नॉर्मल है, सेकेंड में बिजनेस प्रिजम्प्टिव हो जाएगा, लेकिन फाइनल टैक्स क्या लिखा है, नॉर्मल ओल्ड रिजिम से, और थर्ड ऑप्शन है बिजनेस नॉर्मल और टैक्स ओल्ड रिजिम से। तो सी ये सुन के ही बच्चा फड़फड़ा जाता है ना, तो सी मैंने इसके लिए मस्त क्लैरिटी दी तुम लोग को, ये देखो लुक हियर, इधर मैंने रेडीमेड तुम लोग के लिए बना के रखा है, उससे सिंपल हो जाए, किधर गया किधर गया, ये देखो ये देखो, क्वेश्चन देखो और मैंने क्या किया देखो। सी मैंने इस पूरा डिटेल स्टेटमेंट क्यों बनाया, क्यों क्वेश्चन ने पूछा क्या है, भूल मत क्वेश्चन, एक सेकंड, क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल इनकम और इनकम टैक्स, और टोटल इनकम मतलब पांचों हेड को जमा तो करना ही पड़ेगा ना यार, टोटल मतलब टोटल। तो सी मैंने इधर क्या दिखाया है, पांचों हेड दिखाया है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या था, अभी रीड करो, अभी सिंपल लगे, फर्स्ट ऑप्शन में क्या था, बिजनेस प्रॉफिट नॉर्मल प्रोविजन और 115BSC चाहिए, चाहिए ना, तो ये याद रखना, बिजनेस नॉर्मल और 115BSC चाहिए, बिजनेस नॉर्मल 115BSC चाहिए, बिजनेस नॉर्मल और 115BSC चाहिए, सही लिखा है मैंने, और देख रहे हो मैंने कहाँ लिखा है, बिजनेस का मैंने बिजनेस के बाजू में लिखा है नॉर्मल, और नॉर्मल मतलब क्या, ये देख स्टेटमेंट बना के, पूरा स्टेटमेंट बना के वो नॉर्मल होता है, वो 8% सेल्स का लेना वो नॉर्मल नहीं है, वो तो प्रिजम्प्टिव है। फिर
115 BAC का मैंने कहाँ मेंशन किया, NTI के बाद, कि 115 BAC में तो सुनहरे स्लैब रेट से, और स्लैब रेट कब लगाते, अंत में, तो अंत में तो बाद में पहुंचेगा, ले ले PGBP कैसे निकालेगा नॉर्मल में। फिर दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन क्या था, बिजनेस प्रिजम्प्टिव, और टैक्स में 115 BAC नहीं चाहिए, मतलब टैक्स नॉर्मल चाहिए। तो ये तो बिजनेस प्रिजम्प्टिव ना, बिजनेस प्रिजम्प्टिव, देखो बिजनेस प्रिजम्प्टिव, ये देख प्रिजम्प्टिव 44AD, और टैक्स नॉर्मल चाहिए उसको। सी ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो सिंपल हो जाएगा। फिर एक सिनेरियो प्रिजम्प्टिव मतलब स्टेटमेंट बनाना है कि ऐसा ऐसा, अरे यही तुम लोग समझिए तो सम इजी हो जाएगा, खाली ये समझना है। फिर थर्ड ऑप्शन में क्या है, देख के ऐसे ऐसे देखे भी, थर्ड में क्या है, बिजनेस नॉर्मल और 115 BAC नहीं चाहिए, मतलब टैक्स भी नॉर्मल, बिजनेस भी नॉर्मल, टैक्स भी नॉर्मल, ये तो ऐसा ही किया है, बिजनेस इनकम भी नॉर्मल, नॉर्मल बोले तो स्टेटमेंट बना के, स्टेटमेंट बना के है ना, और टैक्स भी नॉर्मल। एक सेकेंड, ये नॉर्मल टैक्स मतलब क्या, 2,50,000 का स्लैब, इधर जल्दी देखो, इधर भी नॉर्मल टैक्स मतलब 2,50,000 का स्लैब, और 115 BAC मतलब 3,00,000 वाला स्लैब और सैक्रिफाइस देके, ये क्लियरली दिमाग बिठा दो। सी मैं ये लास्ट टाइम के एग्जाम का क्वेश्चन क्यों लिया, क्यों अभी तो इन लोग है ना हमेशा एडवाइस दी असेसी वाला समय बनाएंगे, फुल गट फीलिंग है मेरे को, मतलब ये बेटर है कि ये बेटर एडवाइस करो, और इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सम हो ही नहीं सकता। एक्चुअली सम बहुत सिंपल है, लेकिन 3 घंटे में बच्चा कहाँ सोच पाएगा क्या क्या ऑप्शन है यार, तो ये 3 ऑप्शन समझने में टाइम लग रहा है। मैं भी देखो कब से तुमको ऑप्शन ही समझ रहा हूँ, सॉल्यूशन इसका चुटकी में ख़त्म हो जाएगा देखना, ये क्लियर है। अब है ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले ऑप्शन 3 सॉल्व कर रहा हूँ, क्यों मालूम है, क्योंकि तो सब नॉर्मल ही करना है, बिजनेस भी नॉर्मल है, टैक्स भी नॉर्मल, बिकॉज इधर सब नॉर्मल नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल चीज पहले करते तो का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो मैं ऑप्शन 3 को पहले सॉल्व कर रहा हूँ, अगली स्लाइड देखना क्या दिख गया, देख देख जल्दी देख देख क्या दिखे, ऑप्शन 3 लिखा है ना, ये देखो ऑप्शन 3, और मेरे आंसर में देख रहे हो 5 8 लिखा है सब मैंने, और इनकम फ्रॉम बिजनेस भी क्या लिखा, नॉर्मल, और नीचे टैक्स भी नॉर्मल, मैंने काले कलर में हाईलाइट किया ऑप्शन को, अपना ऑप्शन क्या था, बिजनेस भी नॉर्मल, टैक्स भी नॉर्मल, ओके। तो ये मेरा फॉर्मेट है, फॉर्मेट तो ऐसा ही बना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, टोटल इनकम और इनकम टैक्स, तो जवाब तो वैसा ही होना चाहिए, टोटल इनकम मतलब NTI और टैक्स मतलब ये रहा। अब बताओ कैसे करेंगे, लाइन से बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, अरे हाँ पहले मार्किंग करना पड़ता, सॉरी, अरे ये तो मैं तुमको सम में डायरेक्ट लास्ट लाइन पढ़ाई ना, अरे हर सम में परंपरा क्या है, टिक मार्क क्रॉस मार्क करने का। तो बताओ कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट की चीज दी हो ना, सबको टिक कर दो, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट बनता है, और ग्रॉस प्रॉफिट तो अलाउड है, तो ट्रेडिंग अकाउंट को देख के बोलना, अरे इन्हीं चीजों से तो GP बनता है हमारा, और GP टिक मार्क तो सब टिक हो जाएगा। लेकिन सी ऐसे अंधाधुंध टिक नहीं करना, मैंने क्या सीखा था आज ही, एडजस्टमेंट हर एक का देने का, रिस्पेक्ट दी एडजस्टमेंट, नहीं तो बैंड बज जाएगी अपनी। एडजस्टमेंट देखो, पहले ओपनिंग स्टॉक को, एक्चुअली मुझे सभी टिक करने का मूड है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में माइंड चेंज ना हो जाए कहीं, पढ़ो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, देखो स्टॉक का ही पॉइंट दिया है, पहले पढ़ना क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, ओवर मतलब ज़्यादा डाल दिया है, और एक्स्ट्रा डाला है तो एक्स्ट्रा वाले को बोलना पड़ता है हट, कम डाला है तो अनरिकॉर्डेड, जैसे स्टॉक को 100 की जगह 90 डाला है तो 10 रुपया अनरिकॉर्डेड में आता है, अगर ओपनिंग स्टॉक है तो अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक है तो क्रेडिट में अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम। अरे अपना फॉर्मेट मैंने बताया था ना अनरिकॉर्डेड, ये देखो ऐसा फॉर्मेट होता है अपना। तो टेल मी, अगर अंडर वैल्यूड दिया हो तो क्या करें, पहले अंडर वैल्यूड का बताओ, अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो UBE, क्योंकि डेबिट साइड में आता है ना, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड तो UBI, क्यों अंडर वैल्यूड मतलब कमती डाला है, मतलब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, अनरिकॉर्ड है, लेकिन अपने सम में क्या है भाई, ओवर वैल्यूड है,
तो कुछ ज़्यादा ही डाल दिया, और ज़्यादा डाला है तो क्या बोलना पड़ता है, हट 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 करके कट करना पड़ता है। तो ये देखो ओपनिंग स्टॉक में कितना ज़्यादा डाला है, प्लीज़ मेरी मदद करो। ये देखो ओपनिंग स्टॉक में 15,000 ज़्यादा डाला है तो उसको मैं चौकड़ी मार दिया, ठीक है, और बाकी का अमाउंट टेक। ओके, फिर क्लोजिंग स्टॉक में भी 10,000, सॉरी कितना है नीचे देखो, 20,000 ना, तो 20,000 को क्या करना है, ओवर है ना, ओवर मतलब जबरदस्ती का आ गया है तो कट कर देंगे उसको, और बाकी का अमाउंट टेक। फिर परचेजेस का कुछ एडजस्टमेंट दिया है, देख लो सब फटाफट देख लो, ऊपर ऊपर से परचेजेस 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 कहीं नहीं दिख रहा है, देखो आगे भी देख लो परचेजेस परचेज कुछ भी नहीं दिया है। ओके, तुम लोग करोगे तो समझ जाएगा ना, ठीक है, परचेजेस को कुछ नहीं दिया है तो क्या करें, टिक मार्क। अरे ट्रेडिंग अकाउंट को तो टिक करना ही है ना, सब जीपी के भाई लोग हैं। ट्रांसपोर्ट चार्जेस, हाँ इसका एडजस्टमेंट दिया है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों का टाइम कम है अभी, है ना, ट्रांसपोर्ट चार्ज। ओ हो क्या लिखा है, पढ़ तो जरा पढ़ तो क्या लिखा है, ओए राम। इंक्लूड्स, इंक्लूड्स आते ही क्या करना चाहिए, बॉक्स में डालो। इंक्लूड्स मतलब उसके अंदर कुछ है, क्या है, 30,000 पेड इन कैश, कैश पेमेंट नहीं चलता मालूम है, लेकिन ट्रांसपोर्टर को 35,000 तक भी कैश चलता है, और ये ट्रांसपोर्टर को दिया है ना, और 35,000 तक चलेगा, ये तो कम है तो चलेगा, और ये उसके अंदर इंक्लूडेड है, पड़े रहने दो। वैसे भी मैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस को टिक करने वाला था, और अंदर ये घुसा हुआ पड़ा है वो भी तो टिक है, ब्रेकअप कब कर दे, जब थोड़ा टिक थोड़ा क्रॉस, लेकिन ये तो अलाउड निकला, छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम किधर छुपा पड़ा था, ट्रांसपोर्ट चार्जेस में, लेकिन ये अलाउड निकला ना, तो फिकर नॉट, फिकर नॉट मतलब मैं बिंदास बेफिक्र उसको टिक कर दूंगा। ओके, फिर ग्रॉस प्रॉफिट कुछ मत कर, है ना, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट पूरा खत्म कर, सेल्स क्रेडिट साइड में दिया, इसका कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया, मेरा भरोसा करो, टिक कर दिया उसको। ओके, फिर क्लोजिंग स्टॉक तो हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट जाने दो, वो भी टिक है, चलो ग्रॉस प्रॉफिट टिक मार्क सही है ना। सी वैसे भी अपने को टिक मार्क का कुछ करना नहीं है, टिक मार्क खाली फॉर्मेलिटी का, अपने फॉर्मेट में क्या आता है बताओ, अपने फॉर्मेट में क्या आता है बताओ, इधर इधर सब एक से, हाँ एक कोई दूसरा सम दिखा रहा हूँ, सब डिसअलाउड एक्सपेंस में डेबिट चौकड़ी आती है, इधर क्रेडिट साइड की चौकड़ी आती है, तो अपने को तो क्रॉस मार्क्स में इंटरेस्ट है ना, एक सेकंड किधर गया समझ, हाँ अब पीएनएल में बताओ ना, सैलरीज का कुछ एडजस्टमेंट चेक कर लो, कुछ है क्या, कुछ है नहीं है, मैं फटाफट बता रहा हूँ, ट्रस्ट में नहीं है तो क्या करेंगे, टिक कर देंगे। रेट्स एंड टैक्सेस के लिए कुछ दिया है, पढ़ क्या लिखा है, एडजस्टमेंट थ्री क्या लिखा है, रेट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड, इंक्लूड वर्ड को कुछ कर दो, इंक्लूड मतलब उसके अंदर कुछ घुसा हुआ है। अब क्या सोचना चाहिए, रेट्स एंड टैक्सेस को तो मैं अलाउड करने के मूड में था, अब देखते हैं अंदर कुछ गड़बड़ वाली चीज होगी तो उसको अलग करके क्रॉस करेंगे, तो अंदर क्या घुसा हुआ है देखो, जीएसटी लाइबिलिटी 5,000 विच इज पेड ऑन 1 मई 2024। पता जीएसटी टैक्स होता है, टी बी विक्रम का टी, टैक्सेस अलाउड इफ इट इज पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले पेड है कि नहीं, इसका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जुलाई है, क्योंकि सी इसका सेल्स अगर 70 लाख है और जिन लोगों का सेल्स 1 करोड़ से नीचे होता है उनको ऑडिट नहीं आता, अरे यार आज ही तो बढ़ाया था, ऑडिट कब आता, 1 करोड़ के ऊपर गया तो, लेकिन इन लोग का तो सेल्स 1 करोड़ से नीचे, और 1 करोड़ से नीचे तो ऑडिट आता ही नहीं है, और ऑडिट नहीं आता ड्यू डेट 31 जुलाई, तो 31 जुलाई के हिसाब से चेक कर, और ये तो 31 जुलाई 2024 के पहले ही पे किया है, 1 मई चलेगा, अरे 1 मई 2024 है एंड वॉट इज अवर ड्यू डेट, 31 जुलाई 2024, तो ये ड्यू डेट के पहले पे किया तो चलेगा, तो जीएसटी तो अलाउड है, एक और चीज घुसी पड़ी है, एक तो जीएसटी था और म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी को देख के क्या बोलना चाहिए, भाई तू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड का है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या कर रहा है, हट, उसको ऐसी निगाह से हट क्यों बोल रहा, दूसरा हेड है ना, और हट बोल के कट करना पड़ेगा, और अब बोलना चाहिए नालायक कहाँ घुसा पड़ा है, कहाँ घुसा हुआ है,
रेट्स एंड टैक्सेस में घुसा है, निकालो खींच के बाहर उसको, किधर गया रेट्स एंड टैक्सेस, ये रहा, इसमें से खींच के निकाल बाहर, किसको बाहर निकालूंगा, 7000 का म्युनिसिपल टैक्स, वो चौकड़ी हो गया, ये देखो 7000 था नीचे, और बची हुई अमाउंट को टिक कर रहा हूँ, और बची हुई अमाउंट की मुझे चिंता भी नहीं है कि वैसे भी अपने नेट प्रॉफिट में क्या करते हैं, डिसअलाउड एक्सपेंस की लिस्ट बना रहे, तो अपने को क्रॉस मार्क में इंटरेस्ट है, तो म्युनिसिपल टैक्स जीएसटी को क्यों नहीं अलग किया, वो तो अलाउड है, अपने को कुछ नॉट अलाउड है तो खींच के बाहर निकालना है, और म्युनिसिपल टैक्स नॉट अलाउड क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड को पर्टेन करता है, लेकिन सी हाउस प्रॉपर्टी में उसको लेना पड़ेगा, बिजनेस में से बेदखल कर दिया, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में तो जाएगा ना, उसका घर है वो, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए हर पॉइंट का एडजस्टमेंट साथ में देखने का, नीचे देखो क्या दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूड, इंक्लूड वर्ड को देख के कुछ होता है कि नहीं, इंक्लूड मतलब इसके अंदर है क्या है, 25,000 का डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड और लैपटॉप परचेज है 60,000 का, अरे दो दो चीज घुसी हुई है, 25,000 का डोनेशन 60,000 का लैपटॉप, अब बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का अपना पहले तो मूड उसको अलाउ करने का था कि बिजनेस का खर्चा तो टेक करेंगे, लेकिन अपना मूड बदल रहा है, इसके अंदर गंदी चीजें घुसी हुई है, गंदी क्यों, क्या गंदा क्या है, अरे डोनेशन गंदा है, डोनेशन थोड़ी बिजनेस का खर्चा है, डोनेशन बिजनेस का खर्चा है ही नहीं, ये तो ATG में आता है, तो इसको बोला है, भाई तू ATG वाला है, बिजनेस में क्या करे, हट, तो इसको हट बोलना पड़ेगा, और लैपटॉप बैलेंस शीट आइटम है, लैपटॉप थोड़ी PNL में आता, तो बैलेंस शीट में आना चाहिए, PNL में क्या करे, हट, तो इन लोग दोनों को हट करना पड़ेगा, कितना है टोटल, ये 25, ये 60, 25 और 60 85,000, ये दोनों गंदी चीजें जो एडमिनिस्ट्रेटिव में घुस बैठी है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव के दो टुकड़े कर रहा हूं मैंने, कंबाइन नहीं कर दिया, 85,000 में वो डोनेशन भी आ गया और लैपटॉप भी आ गया, अमाउंट समझा कैसे है, नीचे नजर कॉन्सेंट्रेशन रखना है, डोनेशन का 25, लैपटॉप का 60, और सी मैंने इंक्लूड को इंपॉर्टेंस क्यों दिया, मतलब उसके अंदर था, हाँ तो था तो गड़बड़ है ना, उसको हटाओ और देखो अलग कर दिया, और अलग करने में ना अमाउंट जो टिक मांगे उसकी मुझे परवाह नहीं है, अपने को क्रॉस मार्क की परवाह है, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट में एड बैक करना है, हो गया, फिर डेबिट साइड से लाइन से जाओ, अरे मैं PNL से आ रहा हूँ, एडजस्टमेंट जैसा ऐसा लगता है काम का देखता हूँ, डेप्रिसिएशन दिया है, अब डेप्रिसिएशन क्या, PNL वाले को हमेशा चौकड़ी मारने का, अपना इनकम टैक्स में जो होता है वो UBE में लेंगे, अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस, तो PNL वाले को तो चौकड़ी कर देंगे, क्योंकि एज पर बुक्स है, और एज पर इनकम टैक्स वाला देखो नीचे दिया है क्या लिखा है, नीचे दिया तो नहीं है कुछ इंफॉर्मेशन, पढ़ो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स 1200, इंक्लूड्स मतलब उसके अंदर कुछ है, क्या है 1200 एज डेप्रिसिएशन ट्रेडमार्क रॉन्गली चार्ज्ड एट 15%, यू नो ट्रेडमार्क इनटैंजिबल एसेट है, इनटैंजिबल एसेट पे 25% आना चाहिए, तो 15% गलत है, बट ठीक है ना, अपने तो PNL वाले को तो पूरा गलत ठहरा के क्रॉस ही किए, सी इसमें ये मत करो उसमें से उसको अलग करो, अरे PNL वाले डेप्रिसिएशन को तो पूरा ही चौकड़ी मारने का होता है, और अपने इनकम टैक्स वाला निकालेंगे तो सही निकालेंगे, और ये कैसे निकालना मैं वक्त आने पर बताऊंगा, अभी इसमें नहीं घुसते ना, डाइवर्ट हो जाऊंगा मैं, क्योंकि इधर लैपटॉप भी खरीदा है, लैपटॉप का भी तो डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, इन लोग बोलेंगे नहीं समझने का होता है, इन लोग ने तो क्या PNL में चार्ज कर दिया लैपटॉप, कहाँ चार्ज किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में, जबकि अपने को तो लैपटॉप का डेप्रिसिएशन लेना है, लैपटॉप कंप्यूटर है उस पर 40% डेप्रिसिएशन आता है, तो आई विल डू वन थिंग, डेप्रिसिएशन का मैं अलग से बताता हूँ, एक बार डेप्रिसिएशन में मत घुसो, खाली मैं इधर लिख के रख देता हूँ, हाँ इन सब की मदद से मुझे अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस निकालना पड़ेगा, लिख के क्यों रखा, ताकि मुझे याद रहे कि डेप्रिसिएशन लेना है बाद में, कैलकुलेशन बताता हूँ, एक बार का PNL में तो चौकड़ी हो गया ना,
फिर नेट प्रॉफिट को क्या करना चाहिए, इसको बॉक्स में डाल दो, इससे अपना आंसर चालू होता है। ओके, फिर क्रेडिट साइड में देखो, क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट टिक, बिजनेस इनकम है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको बोलेंगे हट, तो बिजनेस का नहीं है, दूसरे हेड वाले हट। कौन से हेड वाले? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन सी, इसको हम लोग बेदखल यहां से तो कर रहे, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में उसको इज्जत पूर्वक बिठाना पड़ेगा। ओके, फिर रेंट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर ये चार दीवार छत का रेंट है कि अदर एसेट्स? अदर एसेट्स का रेंट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यार मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था, डी डब्ल्यू रामू फकीर, रामू में आर क्या था? रेंट ऑफ अदर एसेट्स। सी, चार दीवार छत का रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है, लेकिन दूसरा रेंट तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। कितने लोग बोलते, लेकिन सर फर्नीचर तो बिजनेस पे होता है ना? अरे फर्नीचर बिजनेस पे होता है, लेकिन तू तो भाड़े पे देके बैठा है, तू थोड़ी फर्नीचर का इस्तेमाल कर रहा है। तेरे पास फर्नीचर, तू किसी को किराए पे देके बैठा है, और फर्नीचर को किराए पे दिया वो तेरा धंधा थोड़ी ना है। किराया कमाया वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो इसको बोलना चाहिए भाई तू भी हट, क्योंकि तू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला है। और बाजू में इफॉस लिखने का ताकि समझे वाई क्रॉस बिकॉज इफॉस। तो सी, इधर दो और हेड तैयार हो गए, हाउस प्रॉपर्टी का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। ओके, अब है ना, बचे कुछ है। तुम लोग तरीका देख रहे हो, पहले पीएनएल अकाउंट का मार्किंग करते रहे, मैंने साथ साथ एडजस्टमेंट करते गया, अब मैं रिमेनिंग एडजस्टमेंट देखूंगा। रिमेनिंग एक्चुअली जो एडजस्टमेंट हो जाता है उसको पहले टिक ही कर देना चाहिए था मुझे। ये देखो मैं कर देता हूँ, मेरा ये एडजस्टमेंट हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था। अब रिमेनिंग एडजस्टमेंट देखेंगे, एक्चुअली पहले ही मार्क कर देना चाहिए था ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो ना। अब कौन सा एडजस्टमेंट बचा है? पहला वाला, ऑल सेल्स आर बाय अकाउंट पे चेक। हाँ, ये तो 44 एडी वाला ऑप्शन में काम आएगा ना, अकाउंट पे चेक मतलब 6% लेंगे। फिर और कोई एडजस्टमेंट बचा है? 6 पढ़ो क्या लिखा है, ही इंकर्ड लॉस ऑफ 8,000 ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन 10th February 2024 विच वर परचेज ऑन 10th June 2023। मतलब जून 23 में शेयर्स खरीदा था, फरवरी 24 में बेच दिया। अंदाज से गिनो, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मतलब 12 महीना भी नहीं हुआ है। और इक्विटी शेयर्स को 12 महीने के अंदर बेचते हैं ना, 1 ईयर के अंदर तो शॉर्ट टर्म होता है, तो ये शॉर्ट टर्म है, और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया। तो इससे मालूम पड़ा अपने 5 हेड्स में कैपिटल गेन भी है। सी, टैक्स कैलकुलेशन अपने को सब हेड्स का इज्जत करने का, तो ये कौन से हेड में जाएगा? कैपिटल गेन्स में। तो इधर लिख के रख देता हूँ सीजी, और सीजी में भी ये कैपिटल गेन है क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इसको मैं बोलता हूँ सटक लॉस, सटक लॉस। ओके, इसका क्या करना है मैं बाद में बताता हूँ। और देखो कुछ एडजस्टमेंट बचा है, जल्दी देख, कम ऑन। ही डिपॉजिटेड 50,000 इन PPF एंड पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। PPF LIC प्रीमियम किधर आता है? ATC, तो ATC में आएगा। और सी, ये ऐसा लिखा है ये PNL में कहीं इंक्लूडेड है नहीं ना? सी, PNL को टच करने वाली चीज तो हम साथ साथ ही पढ़ लिए थे। सी, ये एडजस्टमेंट अभी तक रीड करना बचा है, मतलब PNL में टच नहीं हुआ था। बाकी जो PNL के टचिंग एडजस्टमेंट को तो हम लोग साथ साथ ही करते गए ना, तो ये एक अलग एडजस्टमेंट है। इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? ATC में। और अमाउंट कितना है? 50,000 और 60,000, मतलब 1,10,000, और ATC में 1,50,000 तो चलता है। फिर ही पेड इंटरेस्ट ऑफ 70,000 ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हिज वाइफ। एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट ATE में आता है, बताया था मैंने। एजुकेशन कौन पढ़ना चाहिए? खुद पढ़, स्पाउस, चिल्ड्रन, और स्टूडेंट फॉर हुम यू आर गार्डियन। तो यहाँ इसकी बीवी पढ़ी चलेगा। और इधर लिमिट नहीं थी, पूरा इंटरेस्ट अलाउड है, पूरा का पूरा 70,000 अलाउड है, लेकिन 8 साल ही मिलता है। 8 साल हुआ है क्या? लोन कब लिया था? 18-19 में। हाँ, तो 18-19 वाले साल को गिनो, पहला साल था 18-19, 18 इंग्लिश में गिनते, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, बस अपना 23-24 है। अरे अपने छठे साल में चलेगा, 8 साल तक चलता है, और अपना वाला ईयर 23-24 तो छठा साल है, तो चलेगा।
चेक करने का, नहीं तो पता चला 8 साल बीत चुके तो डिडक्शन नहीं मिलता है, तो ये 8 साल के अंदर ही है, यहाँ से मैंने गिना, ये पहला साल था, ओके तो मिलेगा, बस हो गया मार्किंग। सम सिंपल था, लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन समझने में टाइम लगता है। तो सी, जैसा कि हमने फैसला किया था कि पहले हम लोग थर्ड ऑप्शन करेंगे, थर्ड ऑप्शन में क्या था, बिजनेस इनकम भी नॉर्मल और टैक्स भी नॉर्मल। एक्चुअली सी, पेपर सेटर ने क्या दिमाग लड़ा, उसने क्या देखा, एक तो बिजनेस में लोगों को चॉइस होती है और टैक्स में चॉइस होती है। बिजनेस में क्या चॉइस होती है कि स्टेटमेंट बनावे के 6% 8% प्रिजम्प्टिव करे, और टैक्स में क्या चॉइस होती है, नॉर्मल स्लैब के 115 BSE। वो दोनों चीज को उसने मस्त टेस्ट किया है पेपर सेटर ने। एनीवेज मैं पहले ये वाला कर रहा हूं, इसमें बिजनेस नॉर्मल और टैक्स भी नॉर्मल। ओके चालू कर दिए, देखो लाइन से सब हेड लिखो, सैलरी है क्वेश्चन में, नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ना, नाम मत बोल देना, पहले ही बोलता रहा, हाउस प्रॉपर्टी था कितना है, 1,80,000 का रेंट है। ये पता है हाउस प्रॉपर्टी के फॉर्मेट है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। एक्चुअली तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का फॉर्मेट होता है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विचर रेंट, वो सब होता है ना, लेकिन वो सब डेटा नहीं दिया है, तो जो एक्चुअल रेंट है वही मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर बाद में म्युनिसिपल टैक्स को पहले लेस करने का, वो इस क्वेश्चन में था, ये देख 7,000 था, नीचे देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो नेट एनुअल वैल्यू आता है, फिर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ओरली करो ना, 1,80,000 में से म्युनिसिपल टैक्स 7,000 माइनस कर दिया तो 1,73,000 डाउन आ गया, फिर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो सी, मैंने तुम्हारा टाइम बचाने के लिए सब कर करा के रखा है, देखो चेक कर लो काले, 1,80,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्स फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन। सी, चाहिए तो इसका स्टेटमेंट वर्किंग नोट में बनाओ, लेकिन मैंने डायरेक्ट इधर ही कर दिया है। फिर अगला हेड क्या होता है, हेड वाइज जाना चाहिए हमेशा, अगला हेड क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, और ये वाले ऑप्शन में नॉर्मल स्टेटमेंट बना के करना है। तो फॉर्मेट क्या था स्टेटमेंट का, जल्दी बोल दे फटाफट, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट एट डिसअलाउड एक्सपेंस था ना, तो ये देखो ये सब तैयार है तुम्हारे लिए। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट कितना था, क्वेश्चन देख के बोल जल्दी, फुर्ती रख, 10,46,000 ये नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट है। फिर एड डिसअलाउड एक्सपेंस में क्या लिखे, डेबिट साइड की चौकड़ियां तुम लोग डायरेक्ट गिन के दो मेरे को, डेबिट साइड में कितनी चौकड़ी है, ये पड़ा डेबिट साइड तेरे सामने, कितने आइटम क्रॉस मार्क है, ओपनिंग स्टॉक एक, ये म्युनिसिपल टैक्सेस का था, और एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी दो दो था, लैपटॉप भी था और एक वो डोनेशन था कुछ, याद होगा तो इसको दो गिनो, मैंने इधर कंबाइंड किया था। अरे 85 के अंदर दो दो चीज़ें, इधर देखो एडमिनिस्ट्रेटिव में था ना, डोनेशन था और लैपटॉप था ना, मेरे को याद है मैंने कंबाइंड किया था इसलिए। तो अगर क्रॉस मार्क गिनोगे तो एक क्रॉस मार्क इधर था, दूसरा इधर था, इसमें तीसरा चौथा दो गिन लो, और ये पांचवा वाला डेप्रिशन एज पर बुक्स है ना। तो इतनी चीजें मैं तुमको डायरेक्टली दिखा देता हूँ, ये देखो देख लो डायरेक्ट, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड याद ही हो जाना चाहिए, म्युनिसिपल टैक्स था, डोनेशन और लैपटॉप दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव में था, वो 85 दिखाया था ना, और डेप्रिशन एज पर बुक्स। तो बस करना कुछ नहीं है, डेबिट साइड की सब चौकड़ियां लाइन से कॉपी कर दी। फिर लेस नॉन बिजनेस इनकम, इधर क्या करना है, क्रेडिट साइड की चौकड़ी, एक सेकंड किधर गया सब मेरा, हाँ क्रेडिट साइड में क्या चौकड़ी था, रेंट था और फर्नीचर, सॉरी फर्नीचर का रेंट था और हाँ ये भी था, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक। तो गिनो, 1, 2, 3, तीन आइटम है, गिन के रहना तीन आइटम, वो देखो तीन चीज दिखा रहा हूं, दिखी तीन आइटम, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू रेंट है और फर्नीचर का भी रेंट था, ये आ गया। फिर फॉर्मेट बोल, लेस अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस आता है उस पर डेप्रिशन एज पर इनकम टैक्स, ये ट्राई करो, चलो तुम लोग डेप्रिशन एज पर इनकम टैक्स ट्राई करो, सम तुम्हारे सामने, ये देखो सम तुम्हारे सामने, जितना मैंने दिखाया ना उतना डेटा सफिशियंट है तुम्हारे लिए, ट्राई टू फाइंड डेप्रिशन ऑन योर ओन।
तो ये देखो डेफिनेशन कैसे आएगा। सी इस समय ना डेफिनेशन एज पर इनकम टैक्स रेडी फिगर नहीं दिया है, अपने को दिमाग से निकालना है। तो सी एक्चुअली पहले तो एक नया पॉइंट सुनो, क्वेश्चन में ना डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स अलग से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो पता है क्या करते, जो पीएनएल में चार्ज किया ना उसको समझ लो वही एज पर इनकम टैक्स है। अगर अलग से डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया हो तो जो पीएनएल वाला है वही एज पर टैक्स है, मतलब जो अकाउंट्स वाला है वही एज पर टैक्स मान करके उसको टिक भी कर सकते हैं टिक। लेकिन इस समय मैं डेप्रिसिएशन को टिक करने की हिम्मत नहीं कर सकता ना, क्योंकि इन लोगों ने साफ नीचे बोला है कुछ गड़बड़ है। लेकिन गड़बड़ तो खाली ट्रेडमार्क पे है ना, तो ट्रेडमार्क का रेक्टिफाई कर देते। सी टोटल डेप्रिसिएशन कितना था, 80,000 है, उसमें ट्रेडमार्क वाला कितना है, अमाउंट कितना है, नीचे देखना सातवां पॉइंट, नीचे सातवां पॉइंट नहीं 1200 है ना, तो उसको हटा देंगे ना गड़बड़ है तो, उसको हटा के सही वाला डालेंगे। और उसमें गड़बड़ क्या थी, 15% के हिसाब से था, तो सही वाला 25% के हिसाब से होता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1200 अगर 15% से आया तो 25% से कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगा, तो कितना आ रहा है 2000। तो मतलब 1200 को हटा के 2000 ऐड करेंगे। 1200 क्या हटाया, ट्रेडमार्क वाला क्यों हटाया, क्योंकि इंक्लूड्स मतलब अंदर शामिल है, और उसको हटा दिया क्योंकि अपने को बुरा लगा, 15% थोड़ी होता है यार, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट है उसका तो 25% होता है। लेकिन सी ये खुद 15% है तो 25% कैसे निकालोगे, 1200 अगर 15% के हिसाब से बना था तो 25% के हिसाब से कितना बनना चाहिए, करके देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 1200 × 25/15 डैट कम्स टू 2000, तो सही डेप्रिसिएशन 2000 है। तो गंदे वाले को निकाल, सही वाले को डाल। और एक डेप्रिसिएशन ये लोग भूल चुके, लैपटॉप का, क्यों भूल चुके, क्योंकि इन लोग ने तो लैपटॉप का लैपटॉप ही पीएनएल में चार्ज कर दिया, मतलब उस पर डेप्रिसिएशन तो छोड़ पूरा आखा लैपटॉप डाल दिया है। लेकिन आखा लैपटॉप तो गलत है, लेकिन वो गलती हमने इधर चौकड़ी तो मारी थी देखो ये, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन अपने को लेना पड़ेगा ना। और ये वाले डेप्रिसिएशन में ड्यू एग्री लैपटॉप का नहीं होगा, नहीं ना, क्योंकि इन लोग ने लैपटॉप को पूरा राइट ऑफ ही कर दिया था, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन नहीं पकड़ा, लेकिन अपने को तो पता है लेना है, तो लैपटॉप पे कितना आता है, कितने का लैपटॉप था, 60,000। लेकिन देख 4 अक्टूबर के बाद तो नहीं लिया है, हाँ 5 मई को लिया है, और 4 अक्टूबर या पहले होता है तो 180 डेज और मोर है, देखना पड़ता है कि नया लैपटॉप है ना ये, अगर 15 मई के बदले, सॉरी 15 मई है ना, 15 अक्टूबर होता तो 4 अक्टूबर तो हाफ लेना पड़ता, लेकिन इधर 15 मई को लिया तो चलेगा फुल, तो 60,000 का 40% डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर 40% है, कितना आ गया 24,000। तो ये देखो मैंने डायरेक्ट करके रखा है तुम लोग का टाइम बचाने के लिए, ये देखो इन लोग ने 80,000 दिया था, तो पहले ट्रेडमार्क में जो इन लोगों ने कचरा पट्टी किया था हटा दिया मैंने, क्या गलती किया था, 15% लिया, उसको हटा के मैंने वापस डेप्रिसिएशन डाल दिया, ये क्या किया मैंने, × 25/15 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1200 को निकाल दिया क्योंकि वो 15% के हिसाब से था विच इज रॉन्ग, और 25% से कितना होता है वो उन्हें ऐड कर दिया, और एक से नहीं माइनस है नहीं प्लस है, प्लस 60,000 पे 40% डेप्रिसिएशन निकालो कितना आ रहा है, 104,800 आएगा। और ये लैपटॉप का है, और ये पेटेंट का, सॉरी ट्रेडमार्क का एक बार लेस कर दिया, फिर बाद में ऐड कर दिया, लेस किया 15 वाला 25 वाला ऐड कर दिया, और ये तो इन लोग का दिया हुआ डेप्रिसिएशन था ना, तो इस तरह से थोड़ा अलग स्टाइल का था ना ये डेप्रिसिएशन। तो सी इन लोग ने जो पीएनएल में चार्ज किया था ना अपने को सही समझना है, लेकिन जिधर भी गड़बड़ है वही रेक्टिफाई कर रहा है, और गड़बड़ ट्रेडमार्क की थी उसको हटा के नया डाल दिया, और लैपटॉप का भूल गए थे वो भी डाल दिया, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। फिर अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस इनकम में कुछ भी नहीं था, तो ये आ गया अपना टैक्सेबल इनकम फ्रॉम
बिजनेस, फिर क्या करूँ, ये फाइव हेड्स में शामिल हो जाएगा। कितना आया था आंसर, एक से कितना आया था, कितना आया था याद है ना, 808 200 था, 808 200 808 200। ये देख ये देख ये देख, 808 200 बराबर लिखा है। ये नॉर्मल स्टेटमेंट बना के आया था, ओके। और फॉर्मेट अपना वही जो जैसा था वैसा किया है। फिर इसके बाद क्या है, हेडवाइज नेक्स्ट हेड क्या है, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स का कुछ था सब में, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था। अब पता है तुम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को है ना, कितना था, एक सेकंड, अमाउंट कितना था, 8000 था ना ये लॉस था ना। अगर तुम लोग गलती से इधर 8000 लिख दोगे ना लॉस की तरह, वो दूसरी इनकम में एडजस्ट हो जाएगा टोटल करते टाइम। लेकिन शॉर्ट टर्म लॉस या शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म गेन में एडजस्ट होता है। सेट ऑफ का रूल है, सेट ऑफ में पता है एक रूल है, लॉन्ग टू लॉन्ग, शॉर्ट टू शॉर्ट लॉन्ग। मतलब लॉन्ग वाला लॉस लॉन्ग गेन में जाता है, शॉर्ट वाला लॉस या शॉर्ट या लॉन्ग में जाता है, लॉन्ग टू लॉन्ग, शॉर्ट टू शॉर्ट लॉन्ग। तो शॉर्ट टर्म लॉस एडजस्ट करने के लिए या शॉर्ट या लॉन्ग गेन होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं अपने सब में। तो सुनो, इसको मैंने कैसे प्रेजेंट किया है, डैश कर दिया। अरे अमाउंट कॉलम में लिख दूंगा, अनर्थ हो जाएगा, टोटलिंग करने में दूसरे अमाउंट में घुल मिल जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म लॉस का घुल मिलना किस में होता है, या शॉर्ट गेन में या लॉन्ग गेन में, वो तो सब में नहीं था। तो पता है ऐसे ब्रैकेट में लिख देने का कि भाई हमारे पास 6000 का लॉस है, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर एडजस्ट करेंगे। करंट ईयर में एडजस्ट करने के लिए इसके साथी लोग नहीं है, शॉर्ट लॉस का साथी कौन है, या शॉर्ट गेन या लॉन्ग गेन, वो साथी लोग नहीं है, तो बेचारा अकेला पड़ रह गया, तो ये नेक्स्ट ईयर जाएगा। और इन लोग इसको भाव देते नहीं है, दूसरे इनकम लोग, तो इसको डैश कर दिया, ओके। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या था, अरे था ना ये रेंट ऑफ फर्नीचर था, फुल्ली टैक्सेबल, 120,000, तो 120,000 है ना, 120,000 रेंट ऑफ फर्नीचर टोटल क्या आ गया, मैंने कर लिया डायरेक्ट, ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। फिर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में क्या था, जल्दी देख, चैप्टर 6 में क्या था, 80C था और 80E था। अमाउंट बताओ 80C का कितना था, 50 और 60, 1,10,000 हुआ ना, और 150,000 तक चलता है तो चलेगा, और ये तो पूरा ही चलता है तो चलेगा। तो देख ले इधर क्या लिखा है मैंने, डायरेक्ट देख लो, 80C 110,000, 150 के अंदर चलेगा, 80E 70,000। और ये डोनेशन भी था, डोनेशन किधर था ना, ये देखो इधर था, किधर गया, ये रहा डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड, उसका 80G ले लिया, तो वो 80G में आ गया, 25,000 पूरा ही था। और नेशनल वाले सब डोनेशन 100% में, खाली प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ 50% था, बाकी सब 100% ही है। और इधर वो लिमिटेड कैटेगरी वाला भी नहीं है, लिमिटेड था ना एफओ चमाट, उसमें वो लिमिट विमिट का मगजमारी है, तो अनलिमिटेड कैटेगरी का था, पूरा आ गया। तो अपना नेट टैक्सेबल इनकम कितना हो गया, निकाल लिया मैंने डायरेक्ट, निकाले ट्रस्ट को सही निकाला है। फिर ये थर्ड ऑप्शन था ना, थर्ड ऑप्शन में क्या था, बिजनेस इनकम भी नॉर्मल, टैक्स भी नॉर्मल, मतलब 250,000 के स्लैब से निकालना है। तो पता है मैंने 250,000 के हिसाब से स्लैब लगाया, ओरली सुन लो ना खाली, अप टू 250,000 जीरो, फिर 250,000 से 5,00,000 तक 5%, फिर 5,00,000 से 10,00,000 तक, लेकिन मैं 10,00,000 तक पहुंचा ही नहीं, तो 5,00,000 से 844,300 तक 20% आएगा। अरे स्लैब बना के करना पड़ता है, 5,00,000 तक, सॉरी 2,50,000 तक जीरो, फिर अगले 2,50,000 से 5,00,000 का 5%, फिर 5,00,000 से लेके 844,300 तक 20%। तो मैंने कर लिया है ये दो डायरेक्टली, 81,360 आता है। फिर सरचार्ज नहीं आएगा, रिबेट नहीं है, रिबेट क्यों नहीं है, रिबेट गरीबों के लिए आता है, और ये गरीब थोड़ी है, NTI 5,00,000 तक होना चाहिए। ये ओल्ड सिस्टम वाला रिबेट है, ओल्ड सिस्टम में 5,00,000 होता है, तो 115 BSE में 7,00,000 है रिबेट के लिए, ये तो 5,00,000 के हिसाब से ना, तो 5,00,000 से तो कम है, सॉरी 5,00,000 से तो ज़्यादा है, तो रिबेट नहीं मिलेगा, और सरचार्ज भी नहीं मिलेगा। सरचार्ज कब आता है, जब ये 50,00,000 से ऊपर है। अरे था ना, गरीबों के लिए रिबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज, बढ़िया ना गरीब है ना अमीर है, मिडिल क्लास आदमी लग रहा है,
हेल्थ एंड एजुकेशन से सबके लिए 4%, तो इसका 4% ऐड कर दिया तो ये आंसर आ गया। तो दिस इज द आंसर अंडर ऑप्शन थ्री। ये देखो ऑप्शन थ्री का आंसर रेडी है, देख जल्दी देख कितना था, 84614, 84614। ठीक है, फिर अभी दूसरा ऑप्शन करते, ये देखो इसके बाद ये वाला लेते ऑप्शन नंबर वन, एक से दिखा दे, रुको रुको, ऑप्शन वन क्या था, मैं सम नहीं रीड कर रहा हूँ, सम रीड करके ही किया ना। ऑप्शन वन में क्या था, बिजनेस इनकम नॉर्मल तरीके से कंप्यूट करना है, नॉर्मल प्रोविजन, लेकिन टैक्स 115 BSE के हिसाब से था। 115 BSE में स्लैब रेट तो अनोखे है, सैक्रीफाइस भी करना पड़ता है, सैक्रीफाइस में क्या क्या था, चैप्टर 6 से पूरा कुर्बानी था, 10AA की कुर्बानी थी, फिर बिजनेस के अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन की कुर्बानी है, साइंटिफिक रिसर्च का डोनेशन का कुर्बानी है, 35AD का कुर्बानी है, और इनसे कोई ब्रॉड फॉर लॉस है वो कुर्बानी है, ऐसा कुछ अपने में था। मैं बिजनेस को क्यों याद करूँ कि ये चैप्टर बिजनेस और सॉरी ये सम बिजनेस ओरिएंटेड था, तो अपने सम में ना एडिशनल डेप्रिसिएशन था, ना वो डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च था, ना 35AD था, तो अपने बिजनेस के आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो सी अगर रिसर्च वाला डोनेशन होता ना तो अपने तो पहले अलाउ करके चले होते, लेकिन 115 BSE है तो डिसअलाउ हो जाता है वो, तो आंसर भी चेंज होता, लेकिन पेपर सेटर ने इतना रखा है कि वो मगजमारी ना हो। नहीं तो सी मेरा बिजनेस का ये जो मेहनत से निकाला हुआ आंसर ये भी अगर चेंज होने लगा तो काम कितना बढ़ जाता है यार। सी मेरा 115 BSE भी ये आंसर चेंज नहीं हो रहा है। अरे फर्स्ट ऑप्शन 115 BSE का है ना, तो उसमें मेरा बिजनेस इनकम चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बिजनेस इनकम में 115 BSE वालों को क्या सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, एडिशनल डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च डोनेशन और 35AD, वो तो सब में था ही नहीं। अरे बिजनेस की यही तीन कुर्बानी थी और वो था ही नहीं, तो माय बिजनेस इनकम का आंसर विल रिमेन सेम। जो अपने थर्ड ऑप्शन में निकाले थे ना वही आंसर इधर आ जाएगा। हाँ लेकिन चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा, 10AA नहीं मिलेगा, और सैलरी में भी बहुत सारी कुर्बानियाँ थी, लेकिन सैलरी तो इस सब में है भी नहीं, सैलरी में था ना 10-5। अरे वो रिवाइज कर लेना, 115 BSE में क्या क्या कुर्बान करना पड़ता है। तो सी इस सब में तो है ना, देखो क्या हो रहा है, सैलरी में कुर्बानी बहुत थी, हाँ क्या क्या कुर्बानी था, सब अलाउंस टैक्सेबल हो रहा है एक्सेप्ट TCDC, लेकिन इसमें सैलरी था ही नहीं तो मगजमारी नहीं, चलो। अरे डैश है ना, हाउस प्रॉपर्टी में कुर्बानी क्या थी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जो 2 लाख का डिडक्शन मिलता नहीं वो नहीं मिलेगा, लेकिन इस समय तो लेट आउट प्रॉपर्टी था, तो मेरा आंसर चेंज नहीं होगा। बिजनेस में क्या कुर्बानी थी, एडिशनल डेप्रिसिएशन, 35AD, रिसर्च डोनेशन, वो था ही नहीं, तो माय आंसर रिमेन सेम। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कुर्बानी क्या था, उन्हें MP MLA का डेली अलाउंस का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, माइनर चाइल्ड का वो एग्जेम्पशन था 1500 नहीं मिले, वो था ही नहीं सब में। अरे मतलब कुर्बानी का फर्क नहीं पड़ा, लेकिन चैप्टर 6 से नॉट अलाउड होता है, 115 BSE में चैप्टर 6 से नहीं है, खाली चैप्टर 6 से में 80JJAA मिलता है, 80CCD2, 80CCH2, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन NPS, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन अग्निवीर कॉर्पस फंड, वो तो है भी नहीं, तो नॉट अलाउड, तो मेरा आंसर आ गया। देखो अरे ये तो निकाला हुआ ही था ना, ये कहाँ से आया, 8,02,000, अरे निकाला था ना अभी यार नॉर्मल। अरे ये वाले ऑप्शन में क्या, बिजनेस नॉर्मल तरीके से निकालना है, लेकिन टैक्स 115 BSE में, और 115 BSE था तभी तो मैंने देखो क्या किया है, चैप्टर 6 से नॉट अलाउड दिया था, दिखा था ये नॉट अलाउड, नॉट अलाउड ये मेन था इधर, बिकॉज ये 115 BSE है तो उसमें चैप्टर 6 से नॉट अलाउड, नहीं तो अपने चैप्टर 6 से की मस्त मस्त प्यारी प्यारी आइटम्स थी, लेकिन 115 BSE में चैप्टर 6 से नॉट अलाउड, कुर्बानी देनी पड़ती है ना, तो ये देखो कुर्बानी दे दी। अब टैक्स कैसे निकालेंगे, 115 BSE के स्लैब्स अप टू 3,00,000, 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख 10% है ना, फिर 9 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 15 लाख 20%, फिर 15 लाख के ऊपर 30% होता है, वो स्लैब रेट देखने पड़ेंगे, मैंने तुमको एकदम डिटेल में रटाया नहीं है। और पता स्लैब मस्त सिंपल है, सब 3-3 लाख का स्लैब ही है, और परसेंटेज है ना सब 5-5% से बढ़ता है, लेकिन लास्ट में 20 का सीधा 30 हो रहा है,
0%, 5%, 10%, 15, 20, फिर सीधा 30 हो रहा है और डिफरेंस अब 3-3 लाख का ही है। तो वो स्लैब से मैंने निकाल लिया, भरोसा करो निकाल लिया, अभी तुम्हारा किधर टाइम वेस्ट करोगे, ये निकाल लिया। फिर रिबेट नहीं है, 115 BSE में रिबेट कब आता है, 7 लाख तक हुआ तो, और चल 7 लाख के ऊपर थोड़ा बहुत भी हुआ तो मार्जिन रिबेट भी आता है, लेकिन अपना तो आंसर बहुत दूर है यार, 10 लाख जितना है तो मार्जिनल रिबेट भी नहीं आएगा। चाहिए तो एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, जैसे 7 लाख को बेस लेके निकालो, फिर एक्चुअल जो आ रहा है निकालो, एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा टैक्स, लेकिन नहीं आएगा इस पर रिलीफ। वो तो क्या 7 लाख के करीब आंसर होता है तो ही आता है। और हेल्थ एंड एजुकेशन आ गया, तो बस ये आ गया, ये ऑप्शन वन था, ये ऑप्शन वन का अमाउंट याद है ना, 70,091 ना, एक से देखो ऑप्शन वन ना, ये देखो ऑप्शन 1 क्या आंसर था, यही आया था। बस अभी बचा है कौन सा, बीच वाला ऑप्शन। ऑप्शन टू में क्या बोला था, बिजनेस इनकम प्रिजम्प्टिव वे में करना है। तुम लोग भूल चुके हो तो मैं याद दिला देता हूं, ऑप्शन टू में क्या था, बिजनेस प्रिजम्प्टिव। और 115 BSE चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, डज नॉट अप लिखा है ना। तो ये देखो मैंने इधर लिख के रखा है, बिजनेस प्रिजम्प्टिव बेसिस पे चाहिए, और 115 BSE नहीं चाहिए, मतलब नॉर्मल स्लैब चाहिए। तो प्रिजम्प्टिव बेसिस निकालो कैसे आएगा, अरे सेल्स का या 6% या 8%, इधर 6% लेना है क्योंकि सारी सेल अकाउंट पे ही चेक से हुई है ना। तो सेल्स कितनी थी, 70,80,000, इसका 6% जल्दी निकाल कैलसी पे, 70,80,000 का 6% कितना आया, कितना आया, 4,24,800। ये देखो मैंने निकाल के रहा, 4,24,800। ये मेरा ऑप्शन टू है। सी ऑप्शन टू में सैलरी वैलरी सेम है, हाउस प्रॉपर्टी का आंसर वही रखा है, खाली बिजनेस इनकम 4480 से निकाला है, 424,800 है ना। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो वैसा ही रहेगा। सी 4480 में इनकम फ्रॉम बिजनेस अनोखा होता है, बाकी हेड्स नॉर्मल रहते हैं, खाली बिजनेस इनकम में स्टेटमेंट बनाने के जगह पे सेल्स का सीधा 6% 8% ले लेते हैं, ट्रांसपोर्टर हुआ तो 7,500 पर मंथ पर व्हीकल वैसा करते हैं, प्रोफेशनल है तो ग्रॉस सेल्स का 50% लेते हैं, लेकिन बिजनेस इनकम अनोखा होता है, बाकी हेड्स नॉर्मल है। फिर ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, इसमें चैप्टर 6 से पूरा लिया है, तो ये वाले ऑप्शन में टैक्स नॉर्मल है, ओके। तो बस ये करके इतना आ गया, इसका तो टैक्स 0 ही हो गया, कैसे मालूम है, एक्चुअली टैक्स आया था, देखो लिखा है 10,000, ये देखना 10,545 आया था, कैसे, मैंने 2.5 लाख 2,50,000 के स्लैब से किया, 2,50,000 था 0, फिर 2,50,000 से 5 लाख होता है, मैं तो 5 लाख पहुंचा भी नहीं, तो 5%, तो कैलकुलेट करोगे तो 10,545 आएगा, लेकिन उतनी तो रिबेट ही मिल जाती है, 12,500 तक रिबेट मिलती है, लेकिन 12,500 तक कम हो तो कम ही लो, मेरा टैक्स तो 10,545 है तो रिबेट उतनी ही मिलेगी। हाँ, मेरा टैक्स अगर 10,000 के बदले 15,000 समथिंग होता ना तो 12,500 का रिबेट मिलता, लेकिन ये कम है तो कम ही मिलेगा ना। और ये 12,500 क्यों, क्योंकि इधर टैक्स नॉर्मल तरीके से लेना ये वाले में, तो इसमें तो 0 ही आ गया टैक्स, ले अरे टैक्स रिबेट के बाद 0 हो गया ना, फिर बाद में सरचार्ज से नील हो गया तो सब नील हो गया ना, तो खत्म नील, ये वाले ऑप्शन में नील। अब इन लोग क्वेश्चन में क्या पूछे थे, इन तीनों में से बेहतर कौन सा, ये देखो पूछा था, झूठ नहीं बोल रहा, देखो सच्ची पूछा था, विच ऑप्शन इज एडवांटेजेस फॉर मिस्टर प्रमोद, तो मिस्टर प्रमोद के लिए एडवांटेजेस क्या है, यही है राइट चॉइस बेबी, क्यों, क्योंकि इधर टैक्स कम है, प्रमोद क्या हर इंसान चाहता है कि टैक्स कम भरे, तो इधर टैक्स 0 आ गया, तो ये ऑप्शन बेटर है, ऐसा इन लोग सम पूछेंगे। इसमें मैंने पूरा डिटेल में एक सम करवा दिया, इसमें क्या 115 BSE जो ताज़ा पढ़ाया तो वो भी यूज हो गया है ना, और सम सॉल्व करना भी सिखा दिया, और ऐसे ऑप्शन का आता है तो पहले ऑप्शन को एकदम शांति से समझना, और इससे टफ नहीं आ सकता है। इधर तो क्या है 115 BSE का ऑप्शन भी और 4480 वाला भी, फर्क क्या, मतलब 115 BSE का ऑप्शन इस टैक्स रेट लगाने के लिए वो जो लास्ट में आता है, और 4480 लूँ प्रिजम्प्टिव के नहीं,
वो तो 5x का इनकम फ्रॉम बिजनेस में होता है। तभी तो देखो मैंने सीन दिया था इधर पूरा, एक ऑप्शन इधर चूज करना था और उधर दो चॉइस क्या था, स्टेटमेंट बनावे के 44AD का प्रिजम्प्टिव, दूसरा ऑप्शन किस पे डेडिकेटेड था, टैक्स कैलकुलेशन पे, वो तो एकदम लास्ट में आता है ना। तो ये नवंबर 23 का फर्स्ट क्वेश्चन था, ऐसे सॉल्व करने सिंपल था लेकिन क्या है इधर क्या लोग घूम जाते ना, तो ये हो गया। ओके तो 115 BSE समाप्त, तो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके अब आगे हम लोग मोस्टली कैपिटल गेन से मोस्टली मेरा प्लान है नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये अपना खत्म हो गया। अब मैंने तुमको ऐसा तैयारी कर दिया ना, ट्रस्ट में अगर कोई इतना भी पढ़ के क्वेश्चन वन के में तो एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन अभी तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस ही करना है। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने सब बता दिया, सम सॉल्व करना सिखा दिया, PGBP के साथ में टोटल इनकम भी हो गया, 115 BSE हो गया, ऑप्शन कैसे यूज करें सब आ गया। मैंने बहुत प्लानिंग करके सिलेक्ट किया था कि कम टाइम में मैक्सिमम कवरेज हो जाए। ओके तो विल कंटिन्यू टुमारो विद द न्यू टॉपिक।